हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? क्लियरली ऑडिबल हूँ ना? जिसको भी मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ फटाफट यस कहिएगा, आपका आंसर चाहिए। ठीक है, आज हम सेशन 2 चालू करेंगे। तो यश, निश्चल, सुरेश, आयुष भी आ गया है, तुम्हारा एग्जाम्पल बाकी आयुष अभी भी, और शिवम, हेमंत। चलो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ जो है पावर गई हुई है और इन्वर्टर पे चालू है। अगर इन बिटवीन लेक्चर बंद हो जाए तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग में, और टाइमिंग में बाय नोटिफिकेशन आपको बता दूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा अगर बंद हो गया तो। अदरवाइज हमें कंटिन्यूस डिस्कशन तो करना ही है। ठीक है, तो नहीं, वो बाय मिस्टेक हुआ है मेरी टीम से। एक्चुअली ये सेशन 6 बजे ही था, पर वो बाय मिस्टेक जो अपलोड हुआ था कि सेशन 9 बजे कुछ ऐसा, तो वो बाय मिस्टेक हुआ था। 6 बजे ही सेशन है, और कल भी इसी टाइम पे हमारा सेशन रहेगा, जो हम थर्ड लाइव स्ट्रीमिंग सेशन लेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अब यस, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छी बात है। मैं भी फील कर रहा हूँ कि लाइव आ गया हूँ। हाँ, तो पहले 2 मिनट में हमने कल के सेशन में क्या क्या देखा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। वैसे कोई ख़ास हमने कल के सेशन में नहीं देखा, क्योंकि आपको याद होगा तो कल के सेशन में यहाँ जो है हमने मोस्टली, आई रिपीट, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे बात की। आर्टिकल 265, अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। उसके बाद में आर्टिकल 245 पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को पावर देता है कि वो लॉ बना सकते हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। आप मेरी रिवीजन पे पूरा ध्यान रखना। अगर आपने मेरे साथ रिवीजन कर लिया तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको घर पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब्जेक्ट आपका वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में बेटा आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, ये जो है 3 लिस्ट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसी ये 3 लिस्ट जो है यहाँ प्रोवाइड करता है। यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 83 और एंट्री नंबर 83 ये पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगा सकती है, और एंट्री नंबर 83 की पावर लेके ये ड्यूटी लगाई गई, कस्टम्स ड्यूटी लगाई गई बेटा। तो ये थी सोर्स एंट्री। उसके बाद में हमने जब स्टार्ट किया तो चैप्टर 1 में यहाँ हमें डेफिनेशंस और सेक्शन 12 हमें देखना था, लेकिन मैंने आपको कहा था कोई भी इकोनॉमिकल लॉ 3 स्टेजेस में कैरी आउट होता है। बताइए कौन से 3 स्टेजेस में कैरी आउट होता है बेटा? फटाफट बोलो, कौन से 3 स्टेजेस में कैरी आउट होता है? यस, तो ये 3 स्टेजेस में यहाँ पे लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर नवंबर 20 के लिए ये लेक्चर अप्लीकेबल है ना? नहीं बेटा, ये रेगुलर इनडेप्थ कोर्स जो है मई 21 या नवंबर 21 के हिसाब से चालू है, तो मैं फिर से कह देता हूँ। तो और आज का लेक्चर नंबर 2 है, आई रिपीट, लेक्चर नंबर 2 है। तो बेटा यहाँ लेवी, तो पहले चैप्टर में हमारा पूरा फोकस रहेगा कि लायबिलिटी कब आती है। जैसे कल आयुष ने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसे केस में पहले ये चैप्टर में हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि लायबिलिटी कब आती है, जिसके लिए मेन चार्जिंग सेक्शन जो है वो सेक्शन 12 पर डिस्कशन किया जाएगा। तो आज वो उस पर ही डिस्कशन करना है, और रिलेटेड डेफिनेशंस हमें पढ़नी है। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ चुके हैं बेटा? तो पहला हमारी जो डेफिनेशन कंप्लीट हुई वो ही कन्वेंस पे। जब भी इस एक्ट में मैं वर्ड यूज़ करूँगा कन्वेंस, तो वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट तीनों लेना है, यानी कोई भी सेक्शन में अगर कन्वेंस वर्ड होगा तो वो तीनों को अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद में बेटा सेकेंड हमें लेना है कि यहाँ व्हीकल में आपका रेलवे एज वेल एज एनी गुड्स कैरेज, यानी कोई भी ऐसा कन्वेंस जो लैंड रूट से जाता है वो व्हीकल में कवर होता है। और तीसरा हमने देखा ड्यूटेबल गुड्स। ड्यूटेबल गुड्स मतलब गुड्स विच आर लायबल टू ड्यूटी, यानी जिसके ऊपर ड्यूटी लाइबिलिटी आ चुकी है पर पे नहीं हुआ होता है। तो जब आपका गुड्स कस्टम्स एरिया में होता है या कस्टम कंट्रोल वेयर हाउस में होता है तो उसे हम ड्यूटेबल गुड्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। वेल, तो हमारा सेशन जो है लेक्चर 2 कस्टम्स क्लास रेगुलर इन डेप्थ कोर्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था बेटा, जैसे मैंने आपको कहा पावर नहीं है, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो है हमने कल कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी और उसके बाद में सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन पे आए थे। सेक्शन 12 जो है चार्जिंग सेक्शन पे, अगर आपको याद होगा तो बेटा, आवाज़ क्लियर आ रही है? जो भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस और नो? जवाब दीजिए बेटा। हाँ, तो बेटा जहाँ तक देखा जाए तो सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 12 ने क्या कहा? सेक्शन 12 ने ये कहा कि एक्सेप्ट अदरवाइज एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड एट द रेट, आई रिपीट, एट द रेट एज स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट ऑन गुड्स विच आर इम्पोर्टेड इन टू इंडिया और गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब बेसिक लेवी जो है बेटा वो गुड्स पे है, और गुड्स जो आपने इंडिया में इम्पोर्ट किया हो या इंडिया से एक्सपोर्ट किया हो। तो आज हमें वो बेसिक डिस्कशन देखना है। अब एक काम कीजिए कि अगर आपके पास यहाँ नोट्स नहीं आई होगी या आपने पीडीएफ की प्रिंट आउट नहीं लिया होगा तो नोटबुक में मेरे साथ ये चार्ट ड्रॉ कीजिएगा। अगर आपने प्रिंट आउट लिया होगा तो आपके नोट्स में आई थिंक यस, जस्ट अ मिनट, आपके नोट्स में बेटा पेज नंबर 12 पे एक ब्लैंक पेज मैंने दिया है, तो पेज नंबर 12 पे जो ब्लैंक पेज दिया है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो वैसा मैं तो आपको कहूँगा कि आप अभी नोटबुक में ड्रॉ कीजिएगा। तो एक चार्ट आपको ड्रॉ करना है मेरे साथ, तो चलिए हम चार्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सेक्शन 12 वाला चार्ट, यहाँ सेक्शन 12 साइड में मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 12 लिखिएगा चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, हाँ ये मेरे साथ लिखिएगा। अब ये चार्ट आपको जब ड्रॉ करना है, सॉरी मैं ये, हाँ, सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन, जब आपको ये चार्ट ड्रॉ करना है तो बेटा ऐसा सेंटर में लेना है, मतलब उधर का कुछ स्पेस छोड़ना है, इधर का कुछ स्पेस छोड़ना है और ऐसा सेंटर में पूरा चार्ट आपको मेरे साथ ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि इधर भी हम कुछ लिखने वाले हैं पेज के और उधर भी हम कुछ लिखने वाला है। तो सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन, यहाँ इसको देखो, एक एक लाइन हम, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन हुआ। तो पहले मैं इसके दो पार्ट करता हूँ अगर आपको याद होगा तो, और पहला पार्ट में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एक्सेप्ट एज, एक मिनट, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, ये लिखना, चार्ट ड्रॉ करना मेरे साथ, एक्सेप्ट एज otherwise provided in this act or except as otherwise provided in this act or other law for time in force, any other law for time being in force, any other law for timing in force. ठीक है, तो आपको मेरे साथ ये चार्ट ड्रॉ करना है. दोनों को कंबाइन करना है बेटा, और आपको लिखना है ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स शैल बी लेविड, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स shall be levied उसमें नीचे दो पार्ट करो, उसको भी हम ब्रेक करने वाले हैं. shall be levied फर्स्ट पार्ट में at such rates as specified under Customs Tariff Act Customs Tariff Act 1975 or any other law for timing, in force. लिख लिया आपने मेरे साथ इतना? Okay, any other law for time in force on goods. ऑन गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. लेवी किसके ऊपर होगी? तो ऑन गुड्स. अब इसको डाउनवर्ड एरो विच आर ऑन गुड्स या फिर इसको इस तरह से ले लो, ऑन गुड्स फर्स्ट इंपोर्टेड इनटू इंडिया, और exported from India ये हमारा चार्ट बना बेटा, सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन. इतना लिख लो. ओके, here except as otherwise provided in this act or any other law for time being enforced, the duties of custom shall be levied at such rate as specified under Customs Tariff Act 1975 or any other law for timing in force on goods which are imported into India or exported from India. Yes, लिख लिया सभी ने? Yes का आंसर दो बेटा, ये चार्ट. और जो भी यहाँ ऑनलाइन में लेट ज्वाइन हुए हैं तो यहाँ जैसा मैं लाइव स्ट्रीमिंग में ले रहा हूँ, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में, तो ये चार्ट जो है बेटा उनको ड्रॉ करना है. चलो ग्रेट, नहीं तो अभी का स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आपने ड्रॉ कर लेना. ठीक है, मैं ज़्यादा अभी टाइम नहीं दूंगा. सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन. ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे आते हैं हम, ये डेफिनेशन पे थे. जैसे पहले यहाँ तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर इसी एक्ट में कुछ डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजन लिखी गई होगी तो वो प्रोविजन प्रिवेल होगी. और यहाँ कि सेक्शन 12 अप्लाई नहीं होगा। मैंने आपको ये कहा था सेक्शन 12 तो पिया हुआ है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो नॉट ओनली दिस एक्ट अदर एक्ट की कुछ प्रोविजंस होगी तो वो प्रिवेल होगी सेक्शन 12 पे, यानी सेक्शन 12 तो कंप्लीट पिया हुआ है बेटा। ओके, आगे वो कहते हैं ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड एट सच रेट एज स्पेसिफाइड अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट। रेट आएंगे कस्टम टैरिफ एक्ट से। जैसे मैंने कहा था हमें दो एक्ट पढ़ने हैं, कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट। मैंने सिर्फ आपको नाम बताया है, डिटेल डिस्कशन तो आगे होगा। मैं चैप्टर में बहुत डिटेल में आपको कस्टम टैरिफ एक्ट का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो हमें कस्टम्स एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट पढ़ना है। तो लेवी जो है ये हम सेक्शन 12 जो पढ़ रहे हैं ये कस्टम्स एक्ट 1962 का पढ़ रहे हैं। तो लेवी कस्टम एक्ट 1962 में है दोस्तों, लेकिन उसका रेट जो है वो रेट कहां से आएगा? कस्टम टैरिफ एक्ट से उसका रेट लाया जाएगा। और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स, फिलहाल दूसरा कोई लॉ टाइम इन फोर्स में नहीं है, इसलिए रेट जो आएगा कस्टम टैरिफ एक्ट से आएगा। क्लियर? नाउ सेकंड, लेवी किसके ऊपर होगी बेटा? तो ये लेवी गुड्स पे होगी, ऑन गुड्स। तो हमारा पहला सवाल होगा कि ये गुड्स यानी क्या? यस, ये गुड्स यानी क्या? तो चलो हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और हमारे मेन डिस्कशन पे आते हैं कि गुड्स यानी क्या। तो यहाँ पे चलो देखो दोस्तों, यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 12 में गुड्स। तो कल आयुष ने हम कहाँ थे आपको याद होगा, तो हम यहाँ डिस्कशन में अगर आपको याद होगा तो हम ये इस पे थे कि आयुष ने कहा था कि सर मैंने मिट्टी लाया हुआ है, अगर मैंने मिट्टी लाया हुआ है तो क्या ये गुड्स है? क्या मुझ पे कस्टम ड्यूटी आएगी? प्लीज़ बताइए, आपका ऑफिसर मुझे परेशान कर रहा है। तो सेक्शन 12 प्लीज़ ये बताइए कि क्या मैंने जो गुड्स लाया है, मिट्टी लाया है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आएगी? तो अच्छा, सेक्शन 12 कहता है यू वांट टू नो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स। तो आयुष ने कहा यस सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ गुड्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि लायबिलिटी उसके ऊपर है। तो सेक्शन 12 ने कहा ओके, इफ यू वांट टू नो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, तो आप सेक्शन 222 के पास जाइए, क्योंकि डेफिनेशन जो दी गई है वो सेक्शन 222 के पास दी गई है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, सेक्शन 12 में जो वर्ड्स है उसको ड्रिल करते जाऊँगा, ओके, और रिलेटेड डेफिनेशन हम पढ़ते जाएंगे। मैं डेफिनेशन पूरी एक साथ नहीं पढ़ाता हूँ, जहाँ जहाँ वर्ड्स आते हैं वहीं हम डेफिनेशन देखते हैं। तो नाउ यहाँ हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 222 के पास, वहाँ डेफिनेशन समझ में आना पड़ेगा और वापस इधर आएंगे। इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे लाइव देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि मैं इतना ड्रिल करूंगा और हर वर्ड की डीप में जाऊंगा, तो सर थोड़ा शायद हो सकता है कि आपको लगे कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल नहीं होगा, मैं बैठा हूं और पूरी लिंक, ये चार्ट की पूरी लिंक मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। सो डोंट वरी, ल्यू मी, ये सेशन होने के बाद आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप एंजॉय करोगे। तो चलो यहाँ पे, तो बेटा गुड्स का डेफिनेशन क्या है? गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 222 में दी गई है। ओके, आपने नोट्स की प्रिंट आउट निकाली होगी तो नोट्स में है, अदरवाइज मैं आगे कवर करता हूं। अगर गुड्स की डेफिनेशन आप देखते हो तो सेक्शन 222 और सेक्शन 222 टॉक अबाउट गुड्स। गुड्स यानी क्या? तो देखो स्टार्ट कैसे होता है, ध्यान से देखना, आप सब भूल जाओ, मैं जो कह रहा हूँ स्क्रीन पे जो दिख रहा है पूरा ध्यान उसके तरफ, दिमाग में कोई थॉट नहीं, पूरा ध्यान उसके तरफ। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या बेटा? तो गुड्स की डेफिनेशन में स्टार्ट ऐसे हुआ, गुड्स इंक्लूड्स। बहुत क्लेवर ड्राफ्टिंग। क्या क्लेवर ड्राफ्टिंग है कि इन्होंने कहा गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स मीन्स नहीं, क्योंकि जब भी वर्ड गुड्स मीन्स आता है ना बेटा तो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव हो जाती है, यानी लिमिटेड हो जाती है। और यहाँ गुड्स इंक्लूड्स का, अब गुड्स इंक्लूड्स का मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन रखी, यानी ये लिमिटेड डेफिनेशन नहीं रहेगी, इंक्लूसिव डेफिनेशन रहेगी, है ना? ओके, क्लियर ड्राफ्टिंग बाय द गवर्नमेंट। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ हम देखेंगे कि गुड्स की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हमारा आयुष जो है कल से वेट कर रहा है, शायद हो सकता है कि वो रात भर नहीं सोया होगा। आयुष रिस्पॉन्स दीजिए कि आपने रात को अच्छे से नींद आई? ओके, ऑफिसर ने डराया धमकाया आपको? तो चलो यहाँ पे आता हूँ, आयुष में आपका रिस्पॉन्स चाहोगा। चलो, तो ऐसे केस में यहाँ पे गुड्स इंक्लूड्स वेसल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट। अब ध्यान से सुनना, गुड्स की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, गुड्स इंक्लूड्स वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल. सेकंड, गुड्स इंक्लूड्स स्टोर्स, क्लॉज बी में. सी, गुड्स इंक्लूड्स बैगेज. डी, इट इंक्लूड करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. और लास्ट, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो पहले उन्होंने कहा गुड्स इंक्लूड्स और फिर उन्होंने लिस्ट दे दी ए, बी, सी, डी और ई. यानी ये डेफिनेशन जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ कंपेयर मत करना. आई रिपीट, डेफिनेशन जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ कंपेयर मत करना, ना हमारे जीएसटी के साथ कंपेयर करना. कस्टम्स की अपनी ही डेफिनेशन है और ये जो लॉ बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देख के बनाया गया है. तो अब आयुष को ये जानना है क्या उसने जो मिट्टी लाई है बाहर से उठा के, ओके, वो मिट्टी गुड्स की डेफिनेशन में आती है क्या. अब देखो, अगर वो गुड्स के डेफिनेशन में आएगी तो कस्टम ड्यूटी लग जाएगा, अगर गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगी तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा. तो सवाल ये है कि क्या उसकी मिट्टी जो है गुड्स के डेफिनेशन में आती है क्या. ये तो जस्ट बेटा एग्जाम्पल में समझने के लिए ले रहा हूं, हमें तो ब्रॉड सेंस में देखना है व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स. सबसे पहले तो वो कहते हैं गुड्स मतलब वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल. फिर कहते हैं स्टोर्स, बैगेज, करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. और लास्ट में तो क्या कहते हैं, लास्ट में कहते हैं एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मैं ये ए, बी, सी, डी नहीं पढ़ूँ और लास्ट लाइन ई क्लॉज पढ़ूँ तो इसका भी इंप्रेशन यही है कि गुड्स मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, और जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो गुड्स में आएगी. चलो, मैंने सीक्रेट तो पहले ओपन कर दिया, पर हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और बाद में देखेंगे कि लायबिलिटी जो आयुष पे आने वाली है या नहीं आने वाली है. तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा यहाँ पे गुड्स इंक्लूड्स, और गुड्स इंक्लूड्स इन्होंने कहा वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल. तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है. ऑब्जेक्ट ये बेटा कि बॉसी बार, एयरलाइन कंपनी, शिपिंग कंपनी, ध्यान से सुनना, एयरलाइन कंपनी, शिपिंग कंपनी एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, या फिर यहाँ पे वेसल शिप्स खरीदते हैं, बड़े बड़े क्रूज शिप, कार्गो शिप खरीदते हैं और खरीद के उनके बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो, तो अपने बिजनेस के लिए वो जो है यहाँ पे वेसल खरीदते हैं, एयरक्राफ्ट खरीदते हैं. जैसा मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो पहला पार्ट वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल. तो यहाँ पे उन्होंने शिप खरीदा, यहाँ पे क्रूज शिप हो, पैसेंजर शिप हो, कार्गो शिप हो, या फिर आपने बाहर से इंडिया में व्हीकल खरीदे. व्हीकल की जब भी मैं बात करूँ तो हो सकता है वो कन्वेंस जो बाय लैंड रूट यूज़ हो रहा है, या फिर यहाँ पे वो कन्वेंस बेटा जो हम जिसे रेलवे कहते हैं, और एयरक्राफ्ट, या आपने अपना चार्टर्ड प्लेन खरीदा, या मुकेश अम्बानी कि इन्होंने अपना चार्टर्ड प्लेन खरीदा, या कोई भी यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है जैसा रतन टाटा, तो उसने अपना चार्टर्ड प्लेन खरीदा. तो ऐसे सिचुएशन में ये जब बाहर से कोई भी गुड्स लाए गए, या एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कुछ 10 प्लेन खरीदे, तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, उसे भी गुड्स माना जाएगा. आई रिपीट, उसे भी गुड्स माना जाएगा. चलो, समझ में आता है तो यस कहते जाना बेटा, और ओके ओके बोलते जाना. ये ओके वर्ड हमारे डिस्कशन का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो ऐसे सिचुएशन में उसे गुड्स जो है मैंने कहा आपको माना जाएगा. नेक्स्ट, यहाँ कन्वेंस और ये डेफिनेशन में वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है, जैसा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. नहीं समझा तो डोंट वरी, मैं आगे कवर करूँगा. देखो बेटा, जैसे कोई शिपिंग कंपनी है, अब शिपिंग कंपनी ने पहली बार ओके ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए कुछ यहाँ पे 5 शिप्स खरीदी या एयरक्राफ्ट खरीदे एयरलाइन कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए. तो जब वो पहली बार खरीदते हैं, तो पहली बार जब खरीदते हैं फिर बाद में इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो फर्स्ट टाइम परचेस पे इनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि उसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स माना जाता है और कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है. जैसे ही फिर वो खरीद लिया, कस्टम ड्यूटी दे दी, उसके लाइसेंस इंडिया में बन गए, ओके, उनको लाइसेंस मिल गया, या इंडिया में ये कन्वेंस का रजिस्ट्रेशन हो गया, बाद में वो बन जाते हैं कन्वेंस. ओके, आई रिपीट, बाद में वो बन जाते हैं कन्वेंस. अब अगर वो कन्वेंस बन गए तो फिर वो इंडिया के बाहर ओके या वापस इंडिया में कितने भी बार आ जा सकते हैं, ओके, यानी वो जाना आना कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, क्योंकि अब वो कन्वेंस बन गया, अब उनके बिजनेस में आ गया. आगे धीरे धीरे मैं समझाऊंगा. लेकिन फर्स्ट टाइम जब वो परचेस करते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए और इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे गुड्स माना गया है, और यहाँ पे गुड्स के डेफिनेशन में उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आएगी. आई होप सो आपको समझ में आया. ओके, यस बोलते जाइए बेटा. तो ये रहा रिगार्डिंग टू पहला डेफिनेशन जो हमने कहा ओके गुड्स इंक्लूड्स. तो गुड्स इंक्लूड्स वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल. अब बेटा नेक्स्ट वो क्या कहते हैं. नेक्स्ट कहते हैं गुड्स इंक्लूड स्टोर्स. अब भाई ये ओके नया वर्ड आ गया, गुड्स इंक्लूड स्टोर्स. एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. सो दोस्तों, गुड्स इंक्लूड स्टोर्स. अब स्टोर्स का मतलब क्या. अब मैं आपको बताता हूँ स्टोर्स का ये इन्होंने स्टोर वर्ड क्यों लाया गया, तो इसकी डेफिनेशन कस्टम्स एक्ट में दी गई है। चलो अगर मैं पहले डेफिनेशन दिए उसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं थोड़ा एक आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टोर्स का मीनिंग जो इन्होंने दिया है बेटा यहाँ पे देखो सेक्शन 238 में स्टोर्स डिफाइन कर रहे हैं हम। अब देखो गुड्स, गुड्स में एक नया वर्ड आया स्टोर्स, और ये स्टोर्स जो है मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, और ये मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ सेक्शन 238 में। स्टोर्स मीन्स अगर आप देखें तो गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट। तो अब आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ पीपीटी रन कर रहा हूँ, मैं नोट्स पे आऊँगा और नोट्स का हर वर्ड मैं रीड करूँगा और हम अंडरलाइन करते जाएंगे, पर पहले कंसेप्चुअली दिमाग में फिट कर लो मैं जो कहने जा रहा हूँ, और फिर हम धीरे धीरे नोट्स पे आएंगे और नोट्स पे ओके चीज़ें अंडरलाइन करते जाएंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे स्टोर्स की डेफिनेशन 238 में क्या दी गई है। सेक्शन 238 में स्टोर के बारे में कहा गया कि गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल और इन एयरक्राफ्ट। अब आपके दिमाग में क्या होता है, आपके दिमाग में होता है कि जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट होता है मतलब कार्गो, बड़े बड़े कार्गो, बड़े बड़े कंटेनर्स। नहीं बेटा ओके, जो बड़े कार्गो और बड़े कंटेनर वो तो गुड्स में आते ही है, इन एडिशन टू दैट उन्होंने जो कवर किया है बेटा ओके वो स्टोर्स भी कवर किया है। अब ये स्टोर्स का मतलब अगर मैं वर्डिंग से जाऊँ तो गुड्स यूज इन वेसल और इन एयरक्राफ्ट। ओके तो होता क्या है, जैसे बहुत लॉन्ग जर्नी है तो शिप में, एयरक्राफ्ट में, यहाँ पे लॉन्ग जर्नी में पैसेंजर सर्विस के लिए या क्रू मेंबर सर्विस के लिए बहुत सारे गुड्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे फूड होते यूज़ होता है। ओके मतलब स्टोर्स मतलब व्हाट एवर द गुड्स यूज इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट, मतलब आप वो फूड, मीट, मिल जो भी है, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, ब्यूरेजेस ले लो, या फिर वाइन ले लो, या एग्जाम्पल फर्नीचर ले लो, उसके बाद में क्रॉकरीज ले लो, जितने भी गुड्स यानी जो भी गुड्स उसमें मूवेबल होगा शिप में या एयरक्राफ्ट में उसे स्टोर कहा जाता है। स्टोर्स ये जो है डे टू डे लाइफ से हमने लिया हुआ है, जैसे हम घर में भी ओके यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो आप अगर देख रहे होगे तो घर में भी हम क्या सोचते हैं भाई स्टोर, स्टोर मतलब एक्स्ट्रा में रख दो, स्टोर में रख दो। वैसे शिप स्टोर्स होता है, एयरक्राफ्ट का स्टोर होता है बेटा। तो शिप स्टोर्स या एयरक्राफ्ट का स्टोर्स ओके जो लॉन्ग जर्नी में पैसेंजर या क्रू मेंबर की सर्विस के लिए यूज किया जाता है, उनकी यूटिलिटी सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, तो उसे कहा जाता है बेटा स्टोर्स, गुड्स फॉर यूज इन वेसल और इन एयरक्राफ्ट। इसमें सब कुछ कवर हो जाता है जो वेसल और एयरक्राफ्ट में। अब नेक्स्ट डिस्कशन पे मैं आता हूँ बेटा। नेक्स्ट डिस्कशन क्या है कि जब गुड्स इंपोर्ट होता है बेटा, तो इंपोर्ट करते वक्त ध्यान से सुनना, जब गुड्स इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट करते वक्त सिर्फ कार्गो पे ड्यूटी आएगी ऐसा नहीं है, स्टोर्स पे भी। अब देखो बहुत सी शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी बाहर से इंडिया में आ रही है तो बहुत सारा स्टोर्स अपने साथ रखती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया वो अपने साथ रखेगी पैसेंजर के लिए, समझ लो 1000 बॉटल्स है तो ये 1000 बॉटल्स उन्होंने अपने जो है के पास रखा और वो 1000 बॉटल्स ओके जर्नी के लिए यूज़ किया। उसमें से ड्यूरिंग जर्नी सिर्फ 200 बॉटल कंज्यूम हुई, 800 बॉटल जो शिप में पैसेंजर या क्रू मेंबर्स के लिए रखी गई थी वो 800 बॉटल वैसी पड़ी रही। अब वो एयरक्राफ्ट इंडिया में आ गया या वो वेसल जो है इंडिया में आ गया, और वो वेसल या एयरक्राफ्ट दोस्तों जब इंडिया में आ गया तो अब ये शिपिंग कंपनी और एयरलाइन कंपनी क्या डिसीजन लेती है, तो शिपिंग कंपनी और एयरलाइन कंपनी ये डिसीजन लेती है कि चलो इंडिया में क्लियर कर लेते हैं। अब क्योंकि हो सकता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो तो ऐसे केस में इंडिया में क्लियर करती है। तो कस्टम लॉ ने उसका भी ध्यान रखा है। कस्टम लॉ ने कहा कि अगर कोई शिपिंग कंपनी का गुड्स होगा या एयरलाइन कंपनी का गुड्स होगा और उन्होंने एज अ स्टोर रखा होगा ड्यूरिंग जर्नी, और वो अगर इंडिया में क्लियर करते, सुनिए ध्यान से, वो अगर इंडिया में वो गुड्स क्लियर करते हैं तो वो भी इम्पोर्ट माना जाएगा। गुड्स के डेफिनेशन में स्पेशली डाला गया और उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। इनडायरेक्टली शिपिंग कंपनी को या एयरलाइन कंपनी को यह मैसेज दिया गया कि जो भी आपके शिप स्टोर्स हो गए या एयरक्राफ्ट के स्टोर्स हो गए, क्योंकि इसके ओनर जो होते हैं ना दोस्तों, इसके ओनर शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी ये होते हैं। तो अगर आप ड्यूरिंग वॉयज कंज्यूम करो, आगे मैं एक चैप्टर लूंगा स्टोर्स का, स्पेसिफिक चैप्टर है, ड्यूरिंग वॉयज आप कंज्यूम करो, हम आपसे कस्टम ड्यूटी नहीं मांगेंगे, पैसेंजर को दो, क्रू मेंबर्स को दो, जिसको भी देना है आप दे सकते हो, पर ड्यूरिंग वॉयज जब आप दे रहे हो दोस्तों तो कंजम्पशन पे ड्यूटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो स्टोर्स आपने जो फॉरेन कंट्री से खरीदा, ओके जो भी यहाँ पे फूड स्टफ्स आपने खरीदे होंगे या आपने क्रॉकरीज खरीदी होगी, फर्नीचर खरीदा होगा, वॉट एवर इट में भी, इंडस्ट्री। तो जो भी स्टोर्स दोस्तों आपने बाहर से खरीदा होगा और वो स्टोर्स अगर इंडिया में क्लियर कर लिया विदाउट कंजम्पशन तो उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। तो कस्टम्स लॉ ने इसका भी ख्याल रखा गया। तो यहाँ बेटा स्टोर्स का मतलब गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल और इन अ एयरक्राफ्ट। ये कोई कार्गो नहीं है, ये किसी इंपोर्टर के गुड्स नहीं है, ये शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी के खुद के गुड्स है ड्यूरिंग वॉयज, तो उसको यहाँ कवर किया गया। तो गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल और इन एयरक्राफ्ट। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे इंक्लूड्स। तो स्टोर्स इंक्लूड्स, हाँ अब स्पेशली कुछ बातें उन्होंने इंक्लूड की है। तो डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है। जब आप एग्जाम में लिखते हो तो मीन्स में क्या आता है, मीन्स तो जो भी गुड्स यूज हुए इन अ वेसल। अब इंक्लूड्स क्या है, इंक्लूड्स पहला उन्होंने कहा कि इंक्लूड्स फ्यूल, सेकेंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट। ध्यान से समझना, पहला फ्यूल, दूसरा स्पेयर पार्ट्स और अदर आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग्स। अब बेटा ये फ्यूल क्या होता है, ओके यहाँ पे जैसे आपको पता है एयरक्राफ्ट के केस में एविएशन टर्बाइन फ्यूल स्पेशल फ्यूल लगता है, ओके या फिर शिप के केस में जो फ्यूल यूज होता है। तो जब शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया में आते हैं तो हो सकता है कि इनका जो स्टे है इंडिया में 3-4 दिन है, तो अब 3-4 दिन में इनका फ्यूल इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए इसको स्पेशल स्टोरेज लगता है। तो क्या करते हैं, ये जो है फ्यूल निकाले, जो भी एक्स्ट्रा फ्यूल स्टोर में रखा गया था ड्यूरिंग जर्नी वो फ्यूल निकाल लेते हैं और उसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर फ्यूल एयरक्राफ्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पे हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ये जो फ्यूल है आपने निकाल के इंडिया में क्लियर कर दिया तो गवर्नमेंट कहती है इसका भी हम ध्यान रखेंगे और इसके ऊपर भी हम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे बेटा। तो इन सिंपल वर्ड ओके ये फ्यूल जो एयरक्राफ्ट का है वेसल का है उसे भी स्टोर माना गया और उसे गुड्स का स्टेटस दिया गया और इस पे कस्टम ड्यूटी कब आएगी, जब वो इंपोर्ट होगा। हम आगे देखेंगे इंपोर्ट यानी क्या, इंपोर्ट मतलब जब वो इंडिया में क्लियर होगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आएगी। दूसरा स्पेयर पार्ट्स, अब ऑब्वियस है बड़ा बड़ी शिप है एयरक्राफ्ट है बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स एक्स्ट्रा रखे होते हैं ड्यूरिंग जर्नी, अगर वो स्पेयर पार्ट्स आप रहने दो ओके आप ड्यूरिंग जर्नी यूज करो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स इंडिया में क्लियर किया तो उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। या अदर आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग्स, यानी कोई आर्टिकल है कोई इक्विपमेंट्स है जो जर्नी में आप यूज कर रहे हो सकता है कि वो आर्टिकल या इक्विपमेंट्स आप या वो स्पेयर्स आप इमीडिएटली आपके कन्वेंस में फिट नहीं कर रहे हो। सुनना ध्यान से, वो आप इमीडिएटली आपके कन्वेंस में फिट नहीं कर रहे हो, लेकिन दोस्तों अगर आपने साथ में भी रखा और इंडिया में क्लियर किया तो उसके ऊपर ओके यहाँ पे ड्यूटी आएगी। तो इन शॉर्ट सिंपल वे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ये नहीं कर रहे हैं कि भाई सिर्फ कार्गो पे ड्यूटी आ रही है, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर आप स्टोर्स लाते हो जो जिसके ओनर शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी खुद होती है फिर वो स्टोर्स में सभी गुड्स यूज़ हो रहे हैं और स्पेशली फ्यूल स्पेयर पार्ट्स वगैरह, तो ये अगर इंडिया में क्लियर हुए तो इसके ऊपर भी ड्यूटी आएगी। अगर इस डेफिनेशन को आप देखते हो तो ये डेफिनेशन ऐसी है, मींस एंड इंक्लूड्स, यानी ये वेसल और एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले गुड्स फॉर पैसेंजर्स या क्रू मेंबर्स यूटिलिटी पर्पस के लिए, और ये वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए यूज होने वाले गुड्स, यानी ये वेसल और एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले गुड्स और ये वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए यूज होने वाले गुड्स फ्यूल स्पेयर पार्ट्स वगैरह, ये भी यहाँ पे बेटा स्टोर्स माना जाएगा और इस पर ऊपर भी कस्टम ड्यूटी आ सकती है। तो चलो बेटा आपको समझ में आया होगा, तो यस कहिएगा, फटाफट यस कहिएगा बेटा। यस आयुष ग्रेट। चलो यहां पे हम हमारे नोट्स में भी आते हैं और नोट्स से भी डिस्कशन लेता हूं। जैसे सबसे पहले अगर आप देखते हो सेक्शन 12 में तो मैंने गुड्स की डेफिनेशन दी है और गुड्स की डेफिनेशन में गुड्स इंक्लूड्स, ठीक है, सो गुड्स की डेफिनेशन में गुड्स इंक्लूड्स वेसल एयरक्राफ्ट और व्हीकल, दूसरा स्टोर्स बैगेज, ओके यहाँ पे स्टोर्स बैगेज और करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये 5 आइटम्स है। उसके बाद में ये तो आपने अगर आईपीसी या सीए इंटर लेवल पे हो गए तो ये तो आपका हुआ होगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल प्रिज्यूम करके नहीं चलूँगा कि आपने सीए इंटर या आईपीसी में कुछ पढ़ा है। हम यहाँ पे बेसिक से जाएंगे बेटा, मुझे आपका कोरा माइंड बिल्कुल कोरा चाहिए, कोरा कागज़ जिसके ऊपर हर चीज़ में लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखो, यहाँ पे स्टोर्स की डेफिनेशन अगर मैं लूँ तो गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट, इस पर अंडरलाइन करो, एंड फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आप वो कन्वेंस में फिट करके ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, उससे लेना देना नहीं। आप अगर कन्वेंस में ला रहे हो तो उसके ऊपर ड्यूटी आएगा। और बेटा यहाँ स्टोर्स की अगर आप देखोगे तो मैंने लिस्ट दी है, एग्जाम में ये लिस्ट वगैरह नहीं पूछी जाएगी, ये जस्ट ट्यूटोरियल नोट है आपके नॉलेज के लिए। जब आप सेल पढ़ते हो तो आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये हमने कवर किया स्टोर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ आता है बैगेज। ठीक है, तो आप बैगेज से रिलेटेड समझ लो। यहाँ बैगेज की जो डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, अब बैगेज की डेफिनेशन सेक्शन 23 में दी गई है। अब यहाँ बेटा गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स बैगेज। पहले तो हमने देखा वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, दूसरा हमने देखा गुड्स में स्टोर्स आता है, तीसरा गुड्स की डेफिनेशन में उन्होंने क्या कवर किया बेटा, गुड्स की डेफिनेशन में बैगेज कवर किया है। सेक्शन 23 में अगर मैं बैगेज की डेफिनेशन लूँ तो बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल, यानी बैगेज में मोटर व्हीकल नहीं आता है। अगर आप ये बैगेज की डेफिनेशन देखो तो यहाँ बैगेज की डेफिनेशन में कुछ पता चला आपको, कुछ पता चला गया? उन्होंने तो ये कहा व्हाट बैगेज इंक्लूड्स एंड व्हाट बैगेज डज नॉट इंक्लूड्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बात कह दूं, गुड्स की डेफिनेशन मैं एक एक वर्ड ले रहा हूँ, एक बार खत्म होने दो, फिर हम आगे जो डिस्कशन में जाएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ डेफिनेशन जो है, जो मुझे एक एक वर्ड में समझाना है, ओके, ये खत्म होने दो, फिर हर कॉन्टेक्स्ट में, गुड्स के हर कॉन्टेक्स्ट में हम केस स्टडीज देखेंगे, आप रियली एंजॉय करोगे। बस आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहो और पूरे फोकस के साथ बेटा। तो कुछ बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल। एक्चुअली ये डेफिनेशन ने व्हाट बैगेज मींस, सेक्शन 23 ने व्हाट बैगेज मींस ये दिया ही नहीं है। हाँ, ये दिया है कि क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बेटा बैगेज तो कस्टम लॉ ने बहुत छोटी छोटी बात का ख्याल रखा है। मतलब हो सकता है कि आप जो कार्गो है वो कार्गो, सॉरी, आप जो इंपोर्ट कर रहे हो वो कार्गो में नहीं कर रहे हो। आप जब बाहर से आ रहे हो, ओके, और बाहर से अपने बैग्स में कुछ गुड्स ला रहे हो, आप दुबई गए, ओके, दुबई से आते वक्त आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट परचेज कर लिए और अपने बैग्स में रख दिए, तो उसको बैगेज कहा जाता है। ठीक है, या कुछ आपने गोल्ड वगैरह परचेज कर लिया, ज्वेलरी परचेज कर लिया और अपने बैग्स में रख दी, या इवन पहन के भी आ गए। हाँ, जो आगे मैं स्पेशल बैगेज का स्पेशल चैप्टर है और जिसमें मैं बताऊंगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब आपने ज्वेलरी पहन के भी आ गए तो वो भी बैगेज माना जाता है, और वो अगर बैगेज माना गया मतलब गुड्स के डेफिनेशन में कवर हो जाता है, और गुड्स के डेफिनेशन में कवर हो गया मतलब कस्टम ड्यूटी का लेवी उसके ऊपर लग गया बेटा, कस्टम ड्यूटी का लेवी उसके ऊपर आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे बैगेज यानी बैग्स या ट्रंक्स में आप जो भी लाओगे उसको यहाँ पे बैगेज के स्कोप में कवर किया है, और कस्टम्स उसके ऊपर भी डिमांड किया जा रहा है। अब आगे देखिएगा बेटा वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एयरक्राफ्ट जो है, मैं ये केस स्टडी में लेता हूँ और पूरी एक थोड़ी प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझ लो एयरक्राफ्ट लैंड हुआ इंडिया में, ठीक है, और यहाँ एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, इमिग्रेशन काउंटर है, ये ड्यूटी फ्री शॉप है, आपको दिख रही है ड्यूटी फ्री शॉप, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? चलो, अब ये जो एयरक्राफ्ट लैंड होने के बाद अब पैसेंजर ये एयरक्राफ्ट से यहाँ पे नीचे उतरे हैं, तो ये जो पैसेंजर्स है, ये पैसेंजर्स आ रहे हैं। अब बेटा जब ये पैसेंजर आते हैं तो दो चैनल्स होते हैं, इनके पास बैग्स भी है, ओके, और बैग्स का डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। ध्यान से सुनना, बैग का डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी होता है। यहाँ रेड चैनल और ग्रीन चैनल, अगर किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा तो उनको पता होगा कि रेड चैनल और ग्रीन चैनल। अब बेटा ये क्या होता है कि रेड चैनल और ग्रीन चैनल ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। मतलब अगर आप ग्रीन चैनल से निकल रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि मेरे बैग्स में ऐसे कोई गुड्स नहीं है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आती है। हाँ, आगे बैगेज चैप्टर में मैं पूरा रूल पढ़ाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन से बैगेज पे कस्टम ड्यूटी और कौन से बैगेज पे नहीं है। हाँ, कुछ बैगेज फ्री ऑफ ड्यूटी अलाउ किया गया, वो आगे की बात है। तो अगर आप ग्रीन चैनल से निकल जाते हो ना दोस्तों, तो ग्रीन चैनल ये मैसेज देता है कि यस, ओके, मेरे यानी आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हो कि मेरे पास कोई ऐसा गुड्स नहीं जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आती है, या मैं ड्यूटी फ्री गुड्स ला रहा हूँ एज पर रूल्स। अब यहाँ क्या होता है बताया गया, ऑफिसर ये ग्रीन चैनल के बाहर ही खड़े होते हैं, जैसे सिग्नल जैसा काम होता है कि आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा है कभी, तो ट्रैफिक सिग्नल जो है आप क्रॉस करने के बाद ही ऑफिसर खड़ा रहता है। ओके, लिटरली देखा जाए तो उसने पहले खड़ा होना चाहिए और पहले बताना चाहिए कि देखो यहाँ से मत जाओ, यहाँ से नो एंट्री है, पर इंडिया में ऐसा थोड़ी होता है, पहले आपको तोड़ने देते हैं रूल और फिर आपको पकड़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा जहाँ तक ये पैसेंजर जो है, ये पैसेंजर ग्रीन चैनल से जा रहा है तो मतलब ये सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है, फिर बाद में उसकी बैग स्कैन कर लेते हैं कि बता तू यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और फिर उस पर हेवी कस्टम ड्यूटी, पेनल्टी, फाइन जो भी लगाना है लगाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा ये जो पैसेंजर है, ध्यान से देखिएगा, ये पैसेंजर रेड चैनल से जा रहा है, मतलब वो डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पे कि मेरे पास ऐसे कोई गुड्स है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आती है। अब इन दोनों को कैसे नॉलेज, ये तो भाई नॉर्मल पर्सन है, ओके, और ये नॉर्मल पर्सन को नॉलेज कैसा रहता है कि मेरे पास क्या ड्यूटीएबल और क्या नहीं है। तो बेटा इनको इंडिया में लैंड होने के पहले ही ये जो है जानकारी लेके आना पड़ता है, हो सकता है इनके कंसल्टेंट से इनको लाना पड़ेगा या हो सकता है ऑनलाइन वेबसाइट पर देख के इनको ये जानकारी लाना पड़ता है। लेकिन ये बैगेज जो है ये आपको पता होना चाहिए क्या ड्यूटीएबल है और क्या ड्यूटीएबल नहीं। अगर बंदा ये रेड चैनल से जा रहा है, चलो अब ये बंदा जो बेटा रेड चैनल से जा रहा है, तो आगे हम बात कर रहे हैं कि ये अपना बैग जो देता है, ये बैग स्कैन होती है। देखो इसकी बैग स्कैन हुई, दिखा आपको, ओके, तो ये बैग स्कैन होती है। अब ये स्कैन होने के बाद यहाँ पे इसके पास जो जो भी गुड्स है वो वहाँ एक फॉर्म मिलता है, एक फॉर्म जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म। अब आपने एक वर्ड कभी सुना होगा, बिल ऑफ एंट्री, सुना है क्या आपने? बिल ऑफ एंट्री, तो बिल ऑफ एंट्री बेटा ये कार्गो के केस में यूज होता है, ये तो बैगेज है। और अब ये बैगेज, जब इसकी बैग्स ओपन की गई, देखा गया कौन कौन से गुड्स है, और ये डिक्लेरेशन देता है कि भाई मेरे बैगेज में ये जो गुड्स है इसके ऊपर ड्यूटी आती है, और उसकी वैल्यू भी वो डिक्लेयर करता है। जैसे मैं जब दुबई से आया था, तो दुबई से आते वक्त मैंने जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदे थे, पैक थे, जो मुझे तो लॉ का नॉलेज ही था, तो जो ड्यूटी फ्री नहीं थे या एक लिमिट के बाद वो उसके ऊपर टैक्सेबल आता है, 50,000 के ऊपर होगा तो ड्यूटी आती है, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने सब डिक्लेयर कर दिया था। और जब मैं इंडिया से बाहर गया था तो मैं इंडिया से क्या लेके जा रहा हूँ वो भी डिक्लेयर किया था, मेरे पास फॉर्म था, क्योंकि जो आप इंडिया से लेके जा रहे हो, जैसे मेरे पास आईफोन वगैरह था तो उतना फ्री अलाउ होता है, मतलब उसके ऊपर ड्यूटी नहीं आती है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, बैगेज चैप्टर हमें डिटेल में डिस्कस करना ही है, हम तो अभी बहुत बेसिक लेवल पर है, हम अभी गुड्स की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, और गुड्स की डेफिनेशन में एक वर्ड आया हुआ है बैगेज, तो बैगेज पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम बेटा बैगेज पे बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे ये जो बैग्स इसके ओपन है, अब इसके बैग्स में बहुत सारे गुड्स दिख रहे हैं, कॉस्मेटिक्स है, चॉकलेट्स है, परफ्यूम्स है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, मोबाइल्स है, उसके बाद में कभी कभी तो आपके पास माइक्रो ओवन होता है, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप अपने साथ लाते हो। बैगेज का बहुत सिंपल मीनिंग, अगर हम यहाँ पे बैगेज रूल्स को ध्यान में रखें सॉरी बेटा, तो बैगेज रूल्स को ध्यान में रखें तो बैगेज का सिंपल मीनिंग होता है बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रैवल, यानी वो अपने साथ जो भी ला रहा है, ओके, वो सब बैगेज माना जाता है। इवन पेट्स वगैरह भी हो गए तो पेट्स भी बैगेज माने जाते हैं, तो इवन उसने जो पहन के लाया है वो भी बैगेज माना जाता है। तो सिंपल मीनिंग बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रैवल एक्सेप्ट चाइल्ड, शायद जोक नहीं समझा आपको, ओके, तो यहाँ चाइल्ड यानी ह्यूमन छोड़ के बाकी जो भी कुछ पहने हुए कपड़े भी आपका बैगेज, रिस्ट वॉच भी बैगेज में आता है। वो बात अलग है कि आप जो कपड़े यूज़ करते हो वो बैगेज रूल में ड्यूटी फ्री दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना बेटा आपको? यस बोलो, समझ में आ रहा है? यस बोलते जाओ। ठीक है, तो यहाँ मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, बी एक्टिव, डोंट बी अ डम, ओके, इन्वॉल्व रहो, मजा आएगा आपको, ओके, पूरे एनिमेशन से कस्टम पड़ा होगा बेटा, मैं आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये थ्योरेटिकल है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा ये जो बैगेज है, अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है। अब इसके बैगेज में बहुत सारे गुड्स है, समझ लो ऐसे 15-20 गुड्स है जो जिसके ऊपर ड्यूटी आती है, ध्यान से सुनना, 15-20 गुड्स है जिसके ऊपर ड्यूटी आती है। तो इतने सारे पैसेंजर हैं, एक फ्लाइट में अगर समझ लो तो 200 पैसेंजर एक साथ उतरते हैं और एक साथ सब पैसेंजर लाइन में खड़े होते हैं, अब इमेजिन करो ये कस्टम ऑफिसर जो है कि ये कस्टम ऑफिसर एक एक गुड्स का यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा है कि भाई हाँ तेरा जो है ये मोबाइल है, ये जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ओके शेवर है, कोई चॉकलेट्स है, एक एक गुड्स। फिर वो कस्टम टैरिफ में उसका रेट देख रहा है, फिर वैल्यू बता, इसका इनवॉइस बता, फिर वैल्यू बता के इसकी फिर यहाँ पे इसका रेट क्या है, जैसे परफ्यूम, परफ्यूम का रेट क्या है, टैरिफ ओपन कर रहा है। तो समझ लो ऐसे 20 गुड्स तुम्हारे बैगेज में हो गए। तो 20 गुड्स के लिए वो एक एक गुड्स के लिए यहाँ रेट देख रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन कर रहा है। तो इमेजिन करो वो एक पैसेंजर को यहाँ पे लगभग ओके 1 से 1.5 घंटा दे रहा है। ऐसे 200 पैसेंजर लाइन में खड़े हैं और यहाँ मुंबई पोर्ट पे देखो या जो बिजी पोर्ट होते हैं 5 मिनट के यहाँ पे पीरियड में ऐसी 5-5, 10-10 फ्लाइट लैंड होती है। अब इतने पैसेंजर को इतना डिटेल में अगर चेक करते बैठे और हर गुड्स का जो है रेट यहाँ देखते बैठे तो प्रैक्टिकली ओके ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतने दिन में सब पैसेंजर्स को बैगेज क्लियरेंस दे सके, पॉसिबल ही नहीं है। यानी वहाँ तो पैसेंजर को 10-10 दिन वेट करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। तो अब दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैरिफ में बैगेज का एक सेपरेट टैरिफ दे दिया कि कोई भी गुड्स, ध्यान से सुनना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी गुड्स आप बैगेज में लाओगे ओके यानी बिलोंगिंग्स जो भी होगी आपकी जो बैगेज मानी जाएगी, फिर आपका पर्स क्यों ना हो, आपका पॉकेट क्यों ना हो, ओके जो भी एज अ बैगेज आपने लाया, बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रेवल, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके सभी गुड्स एक सिंगल रेट में क्लासीफाई हो गए। कम ऑन, सिंगल रेट में क्लासीफाई हो गए और वो है 35%। सीधा 35% कस्टम ड्यूटी लगा दी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ओके सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। और कुछ स्पेसिफिक गुड्स जो एक एनेक्शर बनाया हुआ है ओके वो गुड्स अगर होगा, अगर कुछ लिमिट से ज़्यादा सिगरेट वगैरह होगी तो उस पर 100% ड्यूटी है। आई रिपीट 100% ड्यूटी है, जो वैल्यू उसका पूरा 100%। तो यहाँ पे ओके 35% जनरल रेट है और कुछ गुड्स पे तो 100% ड्यूटी है। तो यहाँ ये नहीं देखा जाता है एक एक गुड्स क्लासिफाई नहीं किया जाता है ओके, सभी गुड्स का टोटल वैल्यू लेते हैं और टोटल वैल्यू पे 35%। यही गुड्स अगर आप एज अ कार्गो लाते हो, सुनो मेरी बात दोस्तों, यही गुड्स अगर आप कार्गो लाते हो तो कार्गो में बिल ऑफ एंट्री में एक एक गुड्स सेपरेटली क्लासीफाई होता है। मैं बिल ऑफ एंट्री आपको बताऊंगा, लेकिन बैगेज में सभी गुड्स की टोटल करते हैं, वैल्यू से आपका वैल्यू का प्रूफ लेते और टोटल पे सीधा 35% ओके यहां पे कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं ओके आफ्टर फ्री अलाउंसेस। कितना फ्री अलाउंसेस है हम बैगेज में देखेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो ठीक है, बैगेज का जनरल रेट क्या है बेटा, चलो बोलो बैगेज का जनरल रेट क्या है, 35% और कुछ गुड्स क्या है 100%। ये हम डिटेल डिस्कशन बैगेज चैप्टर में देखेंगे, आगे बैगेज चैप्टर कवर किया हुआ है। तो बेटा यहाँ कैलकुलेशन होता है। अब एक ये और ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं एक केस लेना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी केस थी, एग्जाम के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है पर कंसेप्ट को समझने के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। केस क्या है, राजकुमार सहकार 2006 की ट्रिब्यूनल की केस है। वो बंदे ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर था सीडी पे और वो सॉफ्टवेयर जो है अपने बैग्स में लाया। वो सॉफ्टवेयर की वैल्यू थी 6 लाख रुपए। आई रिपीट सॉफ्टवेयर की वैल्यू थी 6 लाख रुपए। उसके बैग में वो सॉफ्टवेयर था और वो जब रेड चैनल से गया उसने डिक्लेयर कर दिया कि सॉफ्टवेयर है और 6 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। तो ऑफिसर ने क्या कर दिया, वो सॉफ्टवेयर की वैल्यू पे 35% का रेट लगा दिया बैगेज का। तो वो बड़ा यहाँ पे सरप्राइज हुआ ओके कि भाई 35% बैगेज पे, ये क्या लॉजिक बनता है ओके 6 लाख का 35% प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज अगर हम देखें यानी सरचार्ज लगता है तो ये तो हेवी ड्यूटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑफिसर नहीं माना, ऑफिसर ने कहा नहीं, आपने ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपने एज अ कार्गो नहीं लाया। और ये बंदे ने क्या किया था जिसने वो सॉफ्टवेयर लाया था, इसने बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म, क्योंकि यहाँ बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है तो बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसमें डिक्लेयर किया था। तो ऑफिसर ने कहा तूने बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म में डिक्लेयर किया है तो कोई भी गुड्स अगर तू बैगेज में लाया तो सिंगल रेट में 35% में कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, तो हम आपके ऊपर 35% का कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, दैट्स ऑल ओके। तो इसने कहा नहीं। अब देखो एक आपको अपडेट दे देता हूँ, हुआ ये था कि अगर ये सॉफ्टवेयर एज अ कार्गो लाता, सुना एज अ कार्गो लाता तो टैरिफ में इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर को यहाँ पे यानी टैरिफ में जब सॉफ्टवेयर जो टैरिफ हेडिंग था वहाँ पे कस्टम ड्यूटी रेट थे नील। सुनो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी रेट थे नील यानी अगर ये एज अ कार्गो डिक्लेयर करता और उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करता तो रेट मिलते नील, नील मतलब उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, पर इसने एज अ कार्गो डिक्लेयर नहीं किया, उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं की, उसने एज अ बैगेज डिक्लेयर कर दिया दोस्तों। और बैगेज डिक्लेयर करते ही ऑफिसर को चांस मिल गया, क्योंकि बैगेज का टैरिफ हेडिंग कहता है कोई भी गुड्स आप बैगेज में लाओ तो सिंगल रेट में जाता है और वह 35%, जिसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। तो अब इसने ट्रिब्यूनल में केस फाइल की कि भाई सॉफ्टवेयर को टैरिफ में नील रेट है तो 6 लाख पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, पर ऑफिसर ने बैगेज का रेट लगा के 35% लगा दी। तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा नहीं, गलती जो है यहाँ पे इंपोर्टर से हुई है। वो अगर उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करता, एज अ कार्गो डिक्लेयर करता तो वो इंडिविजुअल गुड्स के रेट में क्लासिफाई हो जाता जो नील रेट था, लेकिन उसने एज अ बैगेज डिक्लेयर किया और बैगेज का अपना सेपरेट टैरिफ हेड है और उसमें लिखा है कोई भी गुड्स एज अ बैगेज लाओ तो 35% लग जाएगा। तो बेटा यहाँ जो जीएसटी रेट कस्टम ड्यूटी जो रेट है वो 35% लग जाएगा। आपको बात समझ में आई? यस कहिए बेटा, ओके, फुल एनर्जी के साथ यस कहिए। हाँ, आपको अच्छे से समझ में आया। अशोक, राम, आयुष, यही बात समझ में। तो ये बेटा जहाँ तक हमने डिस्कशन देगा बैगेज का, तो वापस हमारे डिस्कशन पे आते हैं। एंजॉय कर रहे हो कि सोए हो? सोए भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंसेप्ट जो है मेरा काम है एज अ टीचर कि आपको सब्जेक्ट को इजी करके दो। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि आप अपने ही बेस्ट टीचर हो, पढ़ना आपको है बेटा, ठीक है? तो सब जागे हो ना? चलो, तो यहाँ पे हमने बैगेज का कंसेप्ट देखा। मैं थोड़ा डिस्कशन पे आता हूँ। देखो, अगर आप नोट्स में हैं, बैगेज का मीनिंग देखते हो तो बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल। अब ये डिस्कशन पे आते हैं कि अनअकम्पनी, अब जनरल मीनिंग तो बैगेज का ये कि बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रेवल्स, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। जनरल मीनिंग ऑफ बैगेज, जनरल मीनिंग, बिलोंगिंग्स with which one travels, जो भी आप अपने साथ ला रहे हो, पहन के आ रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, उसे बैगेज कहा जाएगा। कमल का एक क्वेश्चन है, ले लेता हूं इन बिटवीन, सर बैगेज डिक्लेरेशन किया तो रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं क्या? अब बेटा बैगेज का डिक्लेरेशन में कुछ गलती हो गई तो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया और फिर डिक्लेरेशन कैंसिल करके बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, तो डिक्लेरेशन कैंसिल करके बिल ऑफ एंट्री अगर फाइल करना है तो फिर उसको उस पर कमिश्नर का स्पेशल अप्रूवल चाहिए, ठीक है? स्पेशल अप्रूवल चाहिए। अब मैं चैतन्य, क्वेश्चन अच्छा है और मैं आपके क्वेश्चन पे आने ही वाला हूँ। चैतन्य का क्वेश्चन है, सर कैन वी ब्रिंग कार एज अ बैगेज? तो देखिए उन्होंने क्लियर कहा कि मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल हो, वो बैगेज नहीं माना जाएगा। चलो बात चैतन्य की लेते हैं, ठीक है? क्यों नहीं माना जाएगा मोटर व्हीकल बैगेज? एक सवाल है कि मोटर व्हीकल बैगेज के डेफिनेशन में क्यों नहीं आता है? गवर्नमेंट ने यहाँ पे चालाकी की है। अब ये बोलना गलत है कि गवर्नमेंट चालाकी करता है, ओके, लेकिन क्लेवर प्लानिंग की है, क्योंकि जो भी गुड्स एज अ बैगेज लाते हो, ओके, बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रेवल, आप अपने साथ जो भी ला रहे हो, जिसके साथ ट्रेवल कर रहे हो, वो बैगेज माना जाता है। तो अब बैगेज को सिंगल रेट है, क्या रेट दिया गया है बैगेज को बेटा? 35%, और कुछ केसेस में एक एनेक्शन में जो बाद में पड़ा होगा 100% कस्टम ड्यूटी है। तो अब ऐसे केस में ये चैतन्य कहता है कि सर फॉरेन में कार सस्ती मिलती है, ओके, बहुत ही, और सेकेंड हैंड कार तो बहुत ही सस्ती मिलती है, ओके, तो हम वहाँ से जो है सेकेंड हैंड कार इंडिया में लेके आ जाएंगे, ओके, एज अ बैगेज 35% में डिक्लेयर करके। अब ये चैतन्य ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे का राज मैं आपको बताता हूँ। चैतन्य इसलिए बोल रहा है बेटा यहाँ पे कि यहाँ बाकी क्वेश्चन बाद में लूँगा, पहले मुझे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने दो, फिर आपके क्वेश्चन लूँगा। कुछ क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए मैं लेता हूँ। तो चैतन्य ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बहुत सी एसयूवी कार या फिर लग्जरी कार जो है ओके फॉरेन में बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन इंडिया में हेवी कस्टम ड्यूटी है। कुछ कार पे तो 110 130% का कस्टम ड्यूटी लगता है। सेकेंड हैंड कार पे, बहुत सी एसयूवी कार पे 130% का कस्टम ड्यूटी है, इसलिए फॉरेन कार्स इंडिया में महंगी है। तो अब ये चैतन्य क्या सोच रहा है बताओ, और उसकी सोच मुझे समझ में आ गई है और वो सोच मैं आपको समझाना चाहूँगा। चैतन्य ये कह रहा है कि सर ओके अगर मैं एज अ कार अलग से लाऊं, एज अ कार्गो लाओ और उसका बिल ऑफ एंट्री फाइल करूँ तो मुझे कस्टम ड्यूटी 110% 130% लग जाएगा, हेवी कस्टम ड्यूटी लग जाएगा क्योंकि उसके कस्टम टैरिफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसने कहा कि सर मैं ऐसा करूँगा, कार चलाते लाऊंगा। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, चैतन्य अपने दोस्तों के साथ यूएस चले गया, ओके वहाँ घूमने फिरने चले गया। वहाँ उसे एक बहुत यहाँ पे बहुत अच्छी कार जो सेकेंड हैंड कार थी ओके, यहाँ और एसयूवी कार थी या जो भी है ब्रांडेड कार जो है यहाँ पे वो खरीदना चाहता है। तो वो जो है फेरारी समझ लो, वहाँ पे उसने खरीदा और वो कार जो है उन्होंने उसने यहाँ पे खरीदने के बाद अब सोचा कि यार ये कार जो है अगर मैं एज अ कार्गो उसको लाऊं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी हेवी लग जाएगा। तो वो क्या हो गया, वो कार में बैठ गया और दोस्तों को बोला कि चलो मेरे साथ बैठ के ही चलो। तो यहाँ वो कार से उतरा ही नहीं, अब वो शिप के पास आ गया और दोस्तों ने कहा कि यार एक काम कर चैतन्य बाहर निकल ओके कार को हम लोड करते। नहीं, वो उसने कहा कि नहीं मैं इसमें अपने साथ ही ले जाऊँगा, बिलोंग With which one travel। उसको वैसा ही शिप में लिफ्ट किया गया, फिर इंडिया में आया और इंडिया वो कार उतरा ही नहीं जब तक वो इंडिया में नहीं आता है ओके, कार में ही बैठा रहा। तो अब इंडिया में जब कार अनलोड हुई वो कार में ही बैठा रहा और इतने दिन कार में था तो हालत तो परेशान हो गई होगी, उसको हालत तो खराब हो गई होगी। तो ऐसे केस में उसने कहा ऑफिसर को जल्दी बुलाओ, मुझे असेसमेंट करवाना है। और ऑफिसर आया, ऑफिसर को कहा कि सर मैं देखो कार ट्रैवल करके लाया हूँ ओके, ये बैगेज है और इसको 35% का रेट लगाया जाए, 130% और 110% का रेट ना लगाया जाए। तो गवर्नमेंट आपको क्या लगती है कि बेवकूफ है क्या? यह चैतन्य गवर्नमेंट का दामाद है? नहीं। अब चैतन्य ये मत पूछना कि लड़की कौन है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो यस, गवर्नमेंट कहती है कि मोटर व्हीकल क्यों ना आप वो चलाते हुए ला रहे हो, कभी भी बैगेज नहीं माना जाएगा, वो एज अ कार्गो ही माना जाएगा और उसकी बिल ऑफ एंट्री ही फाइल करनी पड़ेगी। तो मोटर व्हीकल जो है उन्होंने एक्सक्लूड किया बैगेज से। तो आई होप ओके चैतन्य आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी गुड्स आप ला सकते हो इन अ बैगेज। अब एक सवाल आया और सवाल यह है कि एक्सप्लोजिव ओके आपने बैगेज में आर्म्स एमिनेशन या कोई यहाँ पे एक्सप्लोजिव मटेरियल लाया, तो बेटा ये प्रोहिबिटेड गुड्स है, ये अलाउड ही नहीं है, अंदर चले जाओगे। तो यहाँ ओके निश्चल क्या है क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा मत करना कभी। एक सवाल और भी है जो मैं यहाँ डिस्कशन में लेना चाहूँगा ओके, बैगेज मीन्स ओनली ए बैग्स और एनीथिंग। सो गुना मैं आपको कहता हूँ बैगेज मीन्स एनीथिंग विथ विच यू ट्रेवल, मतलब तुमने पहन के लाया, ज्वेलरी है, हाथ में आपने कोई गोल्ड का कड़ा है ओके, कुछ भी आपने लाया वो बैगेज माना जाता है। पर बैगेज को कुछ बेनिफिट्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट बेटा इन्होंने ये कहा कि बैगेज मीन्स अनअकम्पनीड बैगेज। थोड़ा डिस्कशन बैगेज पे ज़्यादा हो रहा है पर नो डाउट ये डिस्कशन आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि जब बैगेज चैप्टर लूँगा तो आपको फिर इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें जो है मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अनअकम्पनीड बैगेज मतलब क्या? अनअकम्पनीड बैगेज मतलब बेटा बहुत सी बार क्या होता है, पैसेंजर पहले आ जाता है और उसकी बैगेज बाद में आती है। जैसे मेरा एक रिलेटिव था ओके, वो यूएस में 15 साल रहा और फिर 15 साल में उसके घर में बहुत सारे गुड्स हो गए थे, बहुत सारे गुड्स। तो ऑब्वियसली जब वो बाय एयर इंडिया में आ रहा था तो इतने सारे गुड्स लाना पॉसिबल नहीं था, तो वो बाय एयर इंडिया में आ गया और उसने सब पैक करवा के, वहाँ मूवर्स और पैकर्स जो थे सब पैक करवा के शिप में लोड कर दिया। और शिप में लोड करने के बाद वो जो बैगेज बाद में आई, तो यहाँ पे लॉ ने इसका भी ख्याल रखा कि बहुत सी बार बैगेज हो सकता है कि आपके साथ ना हो ओके, वो अनअकम्पनीड हो जो बाद में आती है। तो जब उसकी बैगेजेस बाद में आई, जो भी गुड्स उसके डेली यूज़ के गुड्स थे, घर के जितने भी गुड्स थे जो वो इंडिया में लाया, तो वो जो कहा जाएगा अनअकम्पनीड बैगेज। और अनअकम्पनीड बैगेज है तो वो बैगेज का यहाँ पे डिक्लेरेशन दे सकता है। अब बैगेज का डिक्लेरेशन देने का फ़ायदा भी है बेटा, क्योंकि कुछ बैगेजेस फ्री अलाउड है, ओके, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल नहीं लगती है। मैं ये बैगेज रूल्स में बताऊँगा। तो मेरे रिलेटिव ने बहुत सारे डेली यूज़ के गुड्स थे और एक सर्टन लिमिट तक 5 लाख तक यहाँ पे बेनिफिट्स अवेलेबल है, तो उसने एज अ बैगेज डिक्लेरेशन दिया, कार्गो डिक्लेरेशन नहीं दिया। उसने कहा कि ये अनअकम्पनीड बैगेज है, तो उसको बहुत से ड्यूटी फ्री अलाउंसेस मिले, यानी बहुत से गुड्स पे ड्यूटी लगा ही नहीं और कुछ लिमिटेड गुड्स पे 35% ड्यूटी लगा। तो ठीक है ना, कुछ लिमिटेड गुड्स पे 35% ड्यूटी लगना, ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी जब एज अ कार्गो लाते हो तो आपके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज, ये ड्यूटीज लगती है। और बैगेज के केस में एक सिंगल रेट लगता है 35%, आपको दुनिया भर की ड्यूटीज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर उसको कहा जाता है बेटा अनअकम्पनीड बैगेज। कमल ने एक अच्छा सवाल पूछा है और मैं लेना चाहूँगा। सर, अगर मोटर व्हीकल को पार्ट्स में लाए तो पार्ट्स में एज ए बैगेज माना जाएगा? हाँ, तो अगर पार्ट्स में ला रहा है, ओके, पर इसकी सीकेडी एसकेडी एक साथ नहीं लाना, क्योंकि सीकेडी मतलब अगर आपने पार्टली असेंबल्ड फॉर्म में लाया, ओके, पर पूरी किट लाई तो उसको मोटर व्हीकल में क्लासीफाई कर दिया जाएगा। बस इसके आगे आपके क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूँगा, हम बहुत बेसिक लेवल पर आगे बाद में डिस्कशन सॉल्व करेंगे, नहीं तो पता चला बैगेज पर ही आपके दुनिया भर के क्वेश्चन आ गए। तो बेटा ये जो गुड्स की डेफिनेशन है, गुड्स की डेफिनेशन में हमने कंसेप्ट देखा बैगेज, ओके, तो गवर्नमेंट ने यहाँ क्लैरिफाई कर दिया कि अगर कोई गुड्स एज अ बैगेज लाते हो तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी जो है आएगी। उसके बाद में करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट उन्होंने कहा है करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? चलो, अगर आपने फॉरेन करेंसी लाई तो वो भी गुड्स के डेफिनेशन में है, और वो अगर गुड्स के डेफिनेशन में है तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। ध्यान से सुनना, अगर आपने फॉरेन करेंसी लाई, जैसे डॉलर्स लाया या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक वगैरह लाया, तो ये भी गुड्स के डेफिनेशन में लाया गया। पॉइंट नंबर 2, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुड्स के डेफिनेशन में करेंसी वर्ड या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड लाया जा रहा है अंडर कस्टम्स एक्ट। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि गुड डज नॉट इंक्लूड्स मनी और एक्शनेबल क्लेम, लेकिन कस्टम्स के डेफिनेशन में जानबूझ के करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाया गया। अब आपका एक बहुत बेसिक सवाल होगा, सर अगर करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुड्स के डेफिनेशन में है, तो अगर हमने फॉरेन एक्सचेंज लाया या हमने कोई बाहर से चेक वगैरह लाया तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। लगता तो ऐसा ही है, कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। तो सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है, ध्यान से सुनना, मेरा स्टेटमेंट बड़ा काम का है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज लाओ बाहर से, ओके, एक्सपोर्ट करो, फॉरेन एक्सचेंज लाओ, तो हमारा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। जितना इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी, ओके, हमारे पास, ओके, फॉरेन एक्सचेंज फंड बहुत ज़्यादा रहेगा और हम एक पावरफुल इकोनॉमी में रहेंगे। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई फॉरेन करेंसी लाओ, ओके, या फिर चेक वगैरह लाओ एक्सपोर्ट करके। अब इमेजिन करो मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया, मेरे एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी लगा दी, और जब उसका पैसा ला रहा हूँ तो उस पर भी ड्यूटी लगाई जा रही है। तो एक तरह से आप तो फॉरेन एक्सचेंज लाना इंडिया में उसको डोमिनेट कर रहे हो बेटा, यानी एक तरह से जो बंदा फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है इंडिया में उसको तो डोमिनेट कर रहे हो, क्योंकि फिर तो वो तो क्या करेगा, कस्टम ड्यूटी लगा दी तो छुपा छुपा के लाएगा, हवाला करेगा, हवाला माफिया, ये ट्रांजेक्शन चालू हो जाएंगे। तो बेटा क्या लॉजिक बनता है कि करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुड्स के डेफिनेशन में रखा जाए और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा जाए? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई लॉजिक लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने रखा। तो बेटा मैं मानता हूँ कि करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुड्स के डेफिनेशन में आता है, लेकिन इसके कस्टम टैरिफ रेट जो है वो नील है, मतलब टैरिफ में जाओगे रेट्स देखने तो उस पर रेट जो है बेटा इन्होंने क्या दिया है, नील रेट दिया हुआ है। आप समझ लो मेरी बात। तो फिर सर जब नील रेट ही देना था तो इसको गुड्स के डेफिनेशन में क्यों रखा, करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को? जस्ट फॉर डिक्लेरेशन पर्पज, मेरा ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैच करना, जस्ट फॉर डिक्लेरेशन पर्पज। बेटा यहाँ पे कि अगर कोई इंपोर्टर अपने साथ करेंसी ला रहा है तो वो डिक्लेयर करे कि कितनी करेंसी लाता है, क्योंकि बहुत सी बार करेंसी लाने पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इतना आप $10,000 $5,000 ला सकते हो बिना डिक्लेरेशन के, पर इससे ज़्यादा ला रहे हो तो डिक्लेयर करो, क्योंकि ये डेटा जो है ये डेटा फेमा में बहुत काम आता है, RBI को बहुत काम आता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई टेररिस्ट अटैक के लिए तो पैसा नहीं आ रहा है, कोई गलत काम के लिए तो पैसा नहीं आ रहा है, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है आपको? इसलिए उन्होंने जस्ट फॉर डिक्लेरेशन पर्पस यहाँ पे जो है करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहाँ कवर किया है। तो बस उतना ही ऑब्जेक्ट है गुड्स के डेफिनेशन में। नेक्स्ट बेटा लास्ट में वो क्या कहते हैं, लास्ट में कहते हैं गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो पहले चार तो एक्सप्लेन कर दिए और आखिरी में कहा कि कुछ भी आपने मूवेबल लाया उसे गुड्स माना जाएगा। तो अब आयुष कह रहा है सर मैंने मिट्टी लाई है, मिट्टी क्या ये मिट्टी भी गुड्स माना जाएगा? तो नाउ यहाँ पे सेक्शन 222 कहता है ओके शाहरुख के स्टाइल में एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आप कुछ भी लाओगे जो मूवेबल है वो गुड्स है। तो बेटा तूने मिट्टी लाई है तो मिट्टी भी गुड्स मानी जाएगी और उस पे कस्टम ड्यूटी आएगा। हाँ बेटा कस्टम ड्यूटी सब पे आता है एक्सेप्ट ह्यूमन, सबके जीएसटी रेट दिए है। इवन एनिमल्स वगैरह लाओगे, बर्ड्स वगैरह उसके भी जीएसटी नहीं, सॉरी गलती से जीएसटी निकल जाए पढ़ाते पढ़ाते, इग्नोर कर देना, सबके कस्टम टैरिफ रेट दिए है। तो आप एनिमल्स भी लाते हो तो उसके भी टैरिफ रेट है, उसके भी टैरिफ रेट है। तो बेटा यहाँ पे ओके एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो भी यहाँ जहाँ तक देखा जाए ओके कवर में आएगा। फिर वो मिट्टी भी लाया। अभी चेतन ने कहा सर लड्डू वाला एग्जांपल दो, तो यस ओके ये केस मैं आगे लूँगा, रियल केस थी लड्डू की, मैं आगे लूँगा, पर कुछ भी आपने लाया तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आ जाएगा। तो ये था बेटा एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आपका एक बहुत लॉजिकल सवाल सामने आ सकता है और वो सवाल ये कि सर जब आखिरी में उनको ये कवर ही करना था एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आखिरी में कवर ही करना था एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो सर ये बताइए कि फिर पहले चार इसमें उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? गुड्स इंक्लूड्स वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल, दूसरा स्टोर्स बैगेज और करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ वो इतनी ही लाइन लिखते क्या एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता, क्योंकि कस्टम में जनरली आप क्या देखते हो, कस्टम में आप देखते हो यहाँ पे कि भाई कस्टम यानी क्या, तो कार्गो, बड़े बड़े कार्गो गुड्स आ रहे हैं। लेकिन नहीं, वो गुड्स के डेफिनेशन में स्टोर भी रखना चाहते हैं, मतलब क्या वो स्टोर भी लायबिलिटी, स्टोर पे भी लायबिलिटी क्रिएट करना चाहते, बैगेज पे भी लायबिलिटी क्रिएट करना चाहते। करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में आप क्लियरली कहना चाहते हैं कि डिक्लेरेशन के लिए आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ओके यहाँ जहाँ उनको लगा कि भाई कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जनरली लोग बैगेज को पर्सनल यूज़ मानते हैं, बिजनेस यूज़ नहीं मानते हैं। ओके कस्टम बहुत क्लियर है, आप पर्सनल यूज़ के लिए लाओ, बिजनेस यूज़ के लिए लाओ, किसी भी पर्पस के लिए लाओ बेटा यहाँ पे लायबिलिटी आपकी आएगी और गुड्स पे लायबिलिटी आएगी। तो इसलिए पहले जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता था वहाँ पहले अलग किया और लास्ट में उन्होंने एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कहा। और दूसरी बेटा स्टोर्स पे बैगेज पे बेनिफिट्स भी दिए है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पाँच आइटम्स आपको लर्न करना है गुड्स की डेफिनेशन के लिए कि व्हाट गुड्स इंक्लूड्स। तो बेटा समझ में आया आपको, ये गुड्स की डेफिनेशन हमने कंप्लीट की, ठीक है। सो बेटा ये जो है कस्टम्स के रेगुलर नोट्स में पहले ही चैप्टर में हम डेफिनेशन में कवर कर रहे हैं। चलिए फटाफट बोलो समझ में आया क्या, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो अब आप एक काम करो, आपने जो चार्ट लिखा है मेरे साथ लिखो। ओके आपका यहाँ प्रैक्टिस होगा, जहाँ गुड्स लिखा है राइट साइड में थोड़ी स्पेस छोड़ी होगी आपने, अगर यहाँ राइट साइड में नहीं होगी तो ऊपर स्पेस छोड़ी होगी। चलो मेरे साथ लिखते जाओ। यहाँ ऐसा डायरेक्शन दो और लिखो सेक्शन 222 लिखो, लिख के देखो डेफिनेशन। अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज पे, इसलिए मेरे साथ लिखना। सेक्शन 222 गुड्स इंक्लूड्स ए वेसल्स एयरक्राफ्ट और व्हीकल, बी क्या लिखो बी में, यस बी स्टोर्स, सी बैगेज डी करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और लास्ट में ई, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ भी अगर आपने मूवेबल लाया, फिर छोटी सी पिन से लेके तो बड़ा एलिफेंट तक कुछ भी आपने मूवेबल लाया तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो है यहाँ पे हमने गुड्स की डेफिनेशन, फिर स्टोर्स यानी क्या, और बैगेज में सेक्शन 2 में हमने देखा कि व्हाट बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल। तो आप लिख रहे हो, मैं जैसे एक चार्ट का फ्लो आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं तो आपसे ज़बरदस्ती चार्ट ड्रॉ करने लगा होगा कि आप घर पे ड्रॉ करो चार्ट, ठीक है। जस्ट एक फ्लो की कंटिन्यूटी में हम आना चाहते हैं। लिख रहे हो आप? चलिए आगे बढ़ता हूं। ये तो हो गया बेटा, यहाँ पे करेंसी निगेबल इंस्ट्रूमेंट, बैगेज, ठीक है। अब मैंने अपने बुक में बहुत सी जगह थीम ऐसे ली कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, और मतलब लेफ्ट साइड में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत सी जगह मिलेगा और राइट साइड में उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन लेवी से रिलेटेड पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमने देखा। एक बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सबका ध्यान चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। एक बंदा मिस्टर ए जो है वो इंडिया का है, ठीक है, और उसने मिस्टर बी से जो है यहाँ पे कुछ गुड्स खरीदा, यूएसए या कनाडा या जहाँ पे भी है। वो मत देखना कि वो पूरे वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है, अननेसेसरी फालतू डाउट नहीं डालना। तो अब यहाँ पे वो मिस्टर बी से उसने गुड्स खरीदा, ठीक है, परचेस ऑर्डर दे दी। मिस्टर बी ने ये कंसाइनमेंट लोड कर दिया, ध्यान से देखना, ये कंसाइनमेंट लोड कर दिया। और लोड करने के बाद जब वो गुड्स इंडिया में आने वाला था तो इन बिटवीन ये पीरियड में मिस्टर ए को जापान से ऑर्डर मिल गई, और उतने कंसाइनमेंट की पूरी ऑर्डर जापान से मिल गई। तो मिस्टर ए ने वो गुड्स इंडिया में लाया ही नहीं, वो गुड्स डायरेक्ट जापान शिफ्ट कर दिया और कस्टमर को, जापान का मिस्टर जे को शिफ्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि परचेस इंडियन बंदे ने किया और सेल भी इंडिया के बंदे ने किया। परचेस ट्रांजैक्शन भी हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, सेल ट्रांजैक्शन भी हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन वो गुड्स इंडिया में आया ही नहीं। तो मेरा सवाल ये है, क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? मैं आपके जवाब के लिए रुकूंगा, मुझे ये बताइए कि कस्टम ड्यूटी लगेगी क्या? परचेस और सेल ट्रांजैक्शन इंडिया से हुआ है, आई रिपीट, परचेस और सेल ट्रांजैक्शन इंडिया से हुआ है, लेकिन गुड्स इंडिया में नहीं आया, तो कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? निशा का आंसर आया नहीं लगेगा, अशोक का है हाई सी परचेस, नहीं, मुझे ये बताओ क्या है वो छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? नो कस्टम ड्यूटी, कमल ने भी कहा, मोनी, चलो नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी इसका भी आंसर दो कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी? निश्चल ने कहा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्या रीजन है? चलो फटाफट बोलो। मैं बता दो, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा दोस्तों, ओके। तो आप सही हो, कुछ स्टूडेंट सही है कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। भाई कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं लगेगा, इसके ऊपर सवाल यह आएगा क्यों नहीं लगेगा कस्टम ड्यूटी? नहीं, एग्जम्पशन का सवाल ही नहीं, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, क्योंकि रीजन ये है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रीजन ये है, कस्टम ड्यूटी का लेवी, ध्यान से देखो, कस्टम लेवी ड्यूटी का लेवी गुड्स पे है, यानी अगर प्राइमरी इवेंट है गुड्स, सर्विस भी नहीं, कस्टम ड्यूटी सर्विस पे भी नहीं लगता है, ओनली गुड्स पे, यानी बाहर से अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो तो उस पर जीएसटी लगता है, वो जीएसटी में कवर होता है और पहले सर्विस टैक्स में कवर होता था। हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, तो कस्टम ड्यूटी गुड्स पे है, यानी प्राइमरी कंडीशन ये है कि वो गुड्स होना चाहिए और वो गुड्स इंपोर्टेड होना चाहिए। तो चलो, गुड्स होगा वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स होगा। पर सेकंड इवेंट है वो इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंडिया में वो गुड्स फिजिकली इंपोर्ट होना चाहिए, तो ही हम उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। और ऐसे केस में अगर वो इंडिया में इंपोर्ट होगा तो ही ड्यूटी लगेगी। हमारे केस में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, यानी परचेस ट्रांजेक्शन और सेल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन पे ड्यूटी नहीं है। ओके, फिर से कहता हूँ, ट्रांजेक्शन पे ड्यूटी नहीं है, गुड्स पे है, और वो गुड्स फिजिकली इंडिया में इंपोर्ट होने चाहिए और या वो गुड्स फिजिकली इंडिया से एक्सपोर्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का यहाँ क्वेश्चन पिक्चर में आता है। तो इट्स मस्ट बी गुड्स एंड दैट मस्ट बी फिजिकली इंपोर्टेड इनटू इंडिया। हमारे केस स्टडी में बेटा, यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो हमारे केस स्टडी में गुड्स फिजिकली इंडिया में आए नहीं, सिर्फ ट्रांजेक्शन इंडिया में हुआ है। आई रिपीट, ट्रांजेक्शन इंडिया में हुआ है। ओके, परचेस और सेल, तो ट्रांजेक्शन पे कस्टम ड्यूटी नहीं है, ओके, गुड्स पे है। तो ऐसे सिचुएशन में एक मिनट बेटा, रॉन्ग पीपीटी रन हो रही है। कुछ प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट। तो बेटा ये केस में सिर्फ ट्रांजैक्शन इंडिया से हुआ है, परचेस और सेल, ट्रांजैक्शन पे कस्टम ड्यूटी नहीं आती है। ठीक है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन बोलोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में भाई इंपोर्ट परचेस हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल हुई, आप अपने बुक्स में दिखाओगे, लेकिन कस्टम पर्पस के लिए ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है क्योंकि गुड्स इंडिया में फिजिकली नहीं आता है। ओके, सेकेंड बेटा, नेक्स्ट एक केस स्टडी और लेना चाहूँगा, आप बताइए फटाफट। यहाँ एसबीआई बैंक केस स्टडी को समझ लो। एसबीआई बैंक की कुछ एक्स्ट्रा एटीएम मशीन्स उनके ही ब्रांच में यूएस में पड़ी थी, उनके ही ब्रांच में पड़ी थी। हाँ, वो एटीएम मशीन उन्होंने इंडिया में बुला ली और ये ब्रांच ट्रांसफ़र हुआ, मतलब इसमें कोई परचेस सेल नहीं हुआ, सिर्फ ये ब्रांच ट्रांसफ़र हुआ और ये मशीन जो है इंडिया में आ गई और इंडिया में कस्टम पोर्ट पर अनलोड हो गई। फिर से कहता हूँ, इसमें कोई सेल परचेस नहीं है, इंडिया में आई और इंडिया में अनलोड हो गई। अब सवाल है कि जब ये कस्टम पोर्ट पे आई, कोई सेल परचेस नहीं था, क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? फटाफट बोलो, लगेगी या नहीं लगेगी? क्या ये कोई परचेस नहीं है, सेल नहीं है, सिर्फ ब्रांच ट्रांसफर है, कस्टम ड्यूटी लगेगी क्या? निशा का आंसर आया है ड्यूटी लगेगी, आएगी। मोनी का, निश्चल का लगेगा। क्यों लगेगा कस्टम ड्यूटी? तो कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर इसलिए लगेगा बेटा क्योंकि अगर आप सेक्शन 12 पढ़ते हो ध्यान से, तो ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड ऑन परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ऐसे वर्ड ही नहीं है। मतलब आपका ट्रांजैक्शन परचेस हो या ना हो या सेल हो या ना हो, उससे लेना देना नहीं है। सिर्फ वो दो सवाल आपसे पूछेंगे। कौन से दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे? तो गांव वालों, आपसे दो सवाल ये पूछे जाएंगे, क्या ये गुड्स है? गुड्स है मतलब वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या इसमें आता है? दूसरा, क्या ये इंपोर्ट है? अगर गुड्स है और इंपोर्ट है, वो फिजिकली इंडिया में आया है, तो यस, कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। वो मत बताओ कि आपने पर्सनल पर्पस के लिए लाया, बिजनेस पर्पस के लिए लाया, परचेस किया, सेल किया, ये हमें ना बताया जाए। ये ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दो सवाल, गुड्स यस, इंपोर्ट यस, दैट्स ऑल, ड्यूटी, गुड्स एक्सपोर्ट यस, ड्यूटी। तो आपको अगर गिफ्ट भी आता है, समझ लो यहाँ पे आयुष को कोई गिफ्ट आया एंजेलिना जूली से, खुश मत हो ज़्यादा आयुष। तो अब ऐसे केस में कोई गिफ्ट आया आयुष को तो उस पर भी ड्यूटी लग जाएगी। वो सवाल ये नहीं है कि उसके प्यार का गिफ्ट है, या सवाल ये नहीं है कि ये सिचुएशन में यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है गिफ्ट की, वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, पर्सनल पर्पस के लिए, उसके उससे रिलेटेड हमें कुछ नहीं देखना है। हमें तो सिर्फ दो ही सवाल पूछना है और वो दो सवाल हो गए, क्या वो गुड्स है, हाँ, इम्पोर्ट है, यस, दैट्स ऑल। ओके, यस रवि, वो तो ऑब्वियसली है कि वो क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन होना चाहिए। तो जहां तक ये हमने देखा गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया तो कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। अब मेरा सवाल आपके सामने आने वाला है कि सर इंपोर्ट यानी क्या, गुड्स इंपोर्ट यानी क्या, क्या वो फिजिकली आने चाहिए या उसके ट्रांजैक्शंस होने चाहिए? हमें अब फोकस करना है व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी क्या। तो निश्चल कह रहा है सर बात प्यार की है, बात प्यार की हो या कुछ भी हो, जहाँ तक देखा जाए तो कस्टम ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। ओके, तो यहाँ आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। भाई मैं शाहरुख का फैन नहीं हूँ पर उसकी एक्टिंग करने मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो गुड्स विच आर इम्पोर्टेड, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्ट? चलो आप बताओ, मैं एक मिनट रुकता हूँ, ठीक है? आप बताओ इंपोर्ट यानी क्या आपके हिसाब से, जनरल मीनिंग, टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहिए, इंपोर्ट यानी क्या? चलो जल्दी जल्दी बताओ इंपोर्ट का मीनिंग क्या आएगा। बाबू मुशाय जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है? तो यहां पे इंपोर्ट, हाँ, एक आंसर आया सुरेश, परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट यानी आपने गुड्स परचेज किया। सुरेश फिर से गलती कर दी तुमने, अगर परचेस वर्ड फिर गिफ्ट आया होगा तो फ्री आया होगा तो फिर क्या, ब्रिंगिंग इन इंडिया। रवि का आंसर है ब्रिंगिंग इन इंडिया। तो चलो ओके, आपको एग्जाम में इंपोर्ट का जब डेफिनेशन पूछा जाए तो जनरल आंसर नहीं देना चाहिए। ओके, आपको स्ट्रिक्टली जो बाय लॉ आंसर देना चाहिए, और बुक को देख के मत बताना आंसर बेटा, जहाँ तक है। अब मैं थोड़ा ये वर्ड पे फोकस करूँगा, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्ट। सेक्शन 223 में इम्पोर्ट ये डिफाइन किया गया है, सेक्शन 223 में इम्पोर्ट ये डिफाइन किया गया है। और इम्पोर्ट यानी क्या, चलो ये फटाफट देखते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़ो। सेक्शन 223 कहता है the term with its grammatical variation and cognate expression is defined to mean bringing into India from a place outside India। बहुत important word, बहुत important word यहाँ पे, bringing into India from a place outside India। ओके, यहाँ से ये वर्ड आपको डेफिनेशन याद रखना है। ओके, तो बाहर से इंडिया में लाया जा रहा है, फिजिकली लाया जा रहा है। अब एग्जाम में फिजिकली वर्ड मत लिखना, पर बाहर से इंडिया में लाया जा रहा है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उसे इंपोर्ट माना जाएगा। इसलिए पहले वाला ट्रांजैक्शन में कस्टम ड्यूटी नहीं आएगी अगर हमने डायरेक्टली जापान में भेज दिया, वो इंपोर्ट होना चाहिए। अब जो फर्स्ट लाइन है बेटा, ये फर्स्ट लाइन क्या कहती है? फर्स्ट लाइन ये कहती है द टर्म विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन। तो ये लाइन एग्जाम में लिखो मत लिखो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं समझा देता हूँ। ओके, ये इंपोर्ट का जो ग्रामेटिकल वेरिएशन आपको लेना है वो लो। जैसे बहुत सी बार सेल डिफाइंड होता है SALE, या सेल डिफाइंड होता है SELL, वो स्पेल आप SELL करो या SALE करो, उससे हमें लेना देना नहीं है, उससे हमें लेना देना नहीं है। सेल का मीनिंग जो दिया गया वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप वही रहा जाएगा। तो यहाँ पे भी वो कहते हैं ये इंपोर्ट का ग्रामेटिकल वेरिएशन कैसा भी लिखो करो, वो इंपोर्ट करो या इंपोर्टेड करो या कुछ भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं, मीनिंग तो यही होगा। इंपोर्ट का स्पेलिंग आप IMPORT करो या IMPOERT करो, उससे कोई लेना देना नहीं, मीनिंग तो ऑलवेज ये होगा ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक सवाल आपके सामने आता है, अगर आप ये डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हो, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो ये डेफिनेशन में ये नहीं कहा है कि इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग इन इंडिया फ्रॉम फॉरेन पोर्ट, फ्रॉम फॉरेन कंट्री, नहीं। और दूसरी बात, किसी ने अभी जो वर्ड यूज़ किया था परचेज, वो तो वर्ड यूज़ ही नहीं करना, आपको टेक्निकली ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब इन्होंने फॉरेन पोर्ट नहीं बोला है, फॉरेन कंट्री नहीं बोला है, स्पेसिफिकली कहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो ये फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया क्या होता है? इसको कैसे इंटरप्रेट करें, तो चलो तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। आपको पता है हम कहाँ पे हैं? हम सेक्शन 12 में है। हम सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 क्या है? एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इनफोर्स द ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड एट द रेट स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट ऑन गुड्स विच आर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। और हम देख रहे हैं अभी क्या, तो इम्पोर्ट, हम देख रहे हैं इम्पोर्ट, तो अब इसको तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, ठीक है। तो अब देखो इम्पोर्ट की डेफिनेशन के हिसाब से एक केस स्टडी आपके सामने लेता हूँ। जस्ट इमेजिन और एक नया कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है, शायद आपने सीए इंटर में पढ़ा भी होगा पर सब भूल जाओ। कोरा कागज था मन ये मेरा, नाम इस पे लिख दिया तेरा। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखना है यहाँ पे कस्टम्स की प्रोविजन में, ठीक है। तो आर यू रेडी? चलो अब एक केस आपके सामने लेता हूँ। बेटा हम 2 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कस्टम पर्पस के लिए इंडिया जो हमारा सी शोर है, यानी ये जो रेड लाइन है, ओके, ये सी शोर ही हमारा इंडिया है। 2 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं। तो अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि सी शोर तक ही इंडिया है, तो फिर अज्यूम, और मेरे लिए अज्यूम करो, मत बोलो कुछ यार, मेरे लिए अज्यूम करो, तो 2 मिनट के लिए बस अज्यूम तो करो। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्लेस है, ये प्लेस आउटसाइड इंडिया है। क्या ये प्लेस मैं आउटसाइड इंडिया बोल सकता हूँ? हाँ, अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि इंडिया से शोर तक है, तो ऑब्वियसली ये प्लेस जो है फिर वो आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अगर ये प्लेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, तो अब मेरे सामने क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है? अब मेरे सामने क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है? मैं अगर गोवा से मुंबई गुड्स भेज रहा हूं, तो मैं सी शोर तक ही इंडिया है और ये प्लेस आउटसाइड इंडिया है। तो गोवा से जब मैं गुड्स लोड करूंगा शिप में, तो प्लेस आउटसाइड इंडिया में लोड हो गया। एक्टिंग मत देखना, कॉन्सेप्ट को समझना। प्लेस आउटसाइड इंडिया में लोड हो गया, अब आउटसाइड इंडिया मतलब एक्सपोर्ट हो गया, क्योंकि ये प्लेस आउटसाइड इंडिया है। और जब वो शिप मुंबई आएगा, सुना ध्यान से, जब वो शिप मुंबई आएगा, तो आउटसाइड इंडिया से मैं इंडिया में ले रहा हूँ, यानी इंपोर्ट हो गया। तो बेटा कैसा कंफ्यूजन होने वाला है। देखो, अगर मैं इंडिया सिर्फ सी शोर तक मानूं, इंडिया सिर्फ मैं सी शोर तक मानूं, तो ये हो गया एक्सपोर्ट और वो हो गया इंपोर्ट। तो इंडिया के इंडिया में जब मैं गुड शिप करूंगा, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा। तो उस गोवा के बंदे को आप पूछ रहे हो कि बिजनेस क्या करते हो भाई, तो उसने कहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। कहाँ से? गोवा टू मुंबई। है ऐसा थोड़ी होता है। ओके, अगर हमने सी शोर तक इंडिया माना तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है? हमने टेरिटोरियल वाटर में आ रहा हूँ, एक कंसेप्ट पे आ रहा हूँ। तो ये ऐसा थोड़ी होगा कि फिर तो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में बेटा ये बात तो पक्की है कि इंडिया टेरिटोरियल वाटर तक लेने, सॉरी, इंडिया वो सी शोर तक लेने वाले नहीं है, नहीं तो फिर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इमेजिन करो, ओके यार रवि जो है, रवि कह रहा है कि अब पहली बार मुझे कंसेप्ट समझ में आया। रवि, मैं तेरा एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तू जुहू बीच पे, अब सी शोर तक इंडिया है, और तू मुंबई में जुहू बीच पे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है, बीच पे खेल रहा है। यू किक द बॉल, बॉल फॉल इन वाटर। जैसे बॉल फॉल इन वाटर, तू लेने गया। अब जैसे तू बॉल लेने गया, ओके, ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो कस्टम ऑफिसर आ जाएगा और कहेगा रवि रुक 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 भाई रुक। ओके, तू जो फुटबॉल लेके आ रहा है वो ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो रवि बोलेगा सर मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ बॉल ला रहा था। ओके, तू बॉल ला रहा था, लेकिन तूने एक एक्टिविटी कर दी, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। तो बेटा नहीं, यहाँ पे सी शोर तो नहीं होगा, इंडिया के डेफिनेशन में सी शोर तो नहीं होगा, ये बात तो पक्की है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में अब हम एक नए कंसेप्ट पे आते हैं। एक सवाल पूछा जाएगा कि कस्टम में इंडिया का स्कोप क्या रहेगा, कस्टम में इंडिया का स्कोप क्या रहेगा। तो अब बेटा एक नई डेफिनेशन सामने आती है। ओके, तो ये रही डेफिनेशन आपके सामने। हमने देखा इंपोर्ट, इंपोर्ट मींस ब्रिंगिंग इनटू इंडिया। इंडिया मतलब क्या, इंडिया मतलब क्या? तो यहाँ पे अब ये डेफिनेशन आई, इंडिया की डेफिनेशन जो सेक्शन 227 ऑफ कस्टम्स एक्ट में डिफाइन है। सर सेक्शन याद रखने हैं क्या? हो जाएगी, मैं हूं ना, हो जाएगी आपको याद, डोंट वरी। अभी कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो सेक्शन 227 कहता है इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ओके, आपने ये सीए इंटर में पढ़ा होगा। तो रवि, आई बात आपके समझ में? आंसर दो फटाफट, आई क्या आपके समझ में? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अब ये टेरिटोरियल वाटर क्या है? टेरिटोरियल वाटर कस्टम्स में डिफाइन नहीं है, पर इंडिया में एक एक्ट है, वो आपको लंबा नाम है उसका, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड मैरिटाइम जोन एक्ट। आपको शॉर्ट में याद रखना है मैरिटाइम जोन एक्ट। और ये मैरिटाइम जोन एक्ट के तहत टेरिटोरियल वाटर डिफाइन किया गया है। और ये जो टेरिटोरियल वाटर है बेटा, उसमें कहा गया है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सी शोर, यानी सी शोर से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर माना जाएगा, यानी इंडिया वहाँ तक माना जाएगा। और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब मीन्स नहीं, अगर कहीं वाटर एरिया है तो टेरिटोरियल वाटर आएगा, और जहां वाटर एरिया नहीं है वहां बॉर्डर लाइन, जैसा नेपाल बॉर्डर है, ओके, भूटान बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, तो जहां वाटर नहीं है वहां हमारी बॉर्डर लाइन, और जहां वाटर है तो उसमें टेरिटोरियल वाटर भी ऐड किया जाएगा इंडिया के स्कोप में। लेकिन कभी कभी ये टेरिटोरियल वाटर जो है हमारा पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ ओवरलैप हो जाता है। अब 12 नॉटिकल माइल्स कहा उन्होंने। थोड़ा मैं टेरिटोरियल वाटर के डेफिनेशन पे आता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये अच्छे से समझ लो, मुझे पता है आपका सीए इंटर में हुआ होगा, तो भी अच्छे से समझ लो। सी शोर से 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर माना जाता है, और 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर्स, ठीक है? ठीक है, 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर्स। तो ये टेरिटोरियल वाटर का जो रिलेवेंस है वो ये है कि ये इंडिया की लिमिट में दिया गया, मतलब ये कि कोई भी शिप, या आपको बोट से जाना है, या कोई भी डोमेस्टिक शिप होगी तो विद इन टेरिटोरियल वाटर वो जो है यूज़ कर सकती है, जा सकती है, आ सकती है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, क्योंकि ये इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। तो 1.85 किलोमीटर्स, तो 12 × 1.85 किलोमीटर्स आप देख लो कितना होता है। तो ये टेरिटोरियल वाटर होता है, ठीक है? और कस्टम पर्पस के लिए इंडिया जो है बेटा ये टेरिटोरियल वाटर तक माना जा रहा है, ओके, यानी सी शोर तक टेरिटोरियल वाटर। कभी कभी जो है ये जो टेरिटोरियल वाटर की लिमिट है ये हमारी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ ओवरलैप होती है। जब पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश के साथ हमारी ये लिमिट ओवरलैप होती है तो वो केस में फिर 12 नॉटिकल माइल नहीं होता है, वहाँ इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत फिर हमारी लिमिट कम हो जाती है, जैसे कभी 7 नॉटिकल माइल्स, 8 नॉटिकल माइल्स, 9 नॉटिकल माइल्स, उतने लिमिट तक ही, जहाँ तक ये टेरिटोरियल वाटर माना जाएगा इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से, ठीक है? और यस कमल, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है ये मैरिटाइम जोन हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है, तो ऐसे केस में हमारा 12 या सभी कंट्री का जो है ये स्टैंडर्ड होता है, जब तक वो ओवरलैप नहीं होता है। अगर ओवरलैप हो जाता है तो फिर वो इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से फिक्स किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो 12 नॉटिकल माइल्स जो है बेटा ये यहाँ तक टेरिटोरियल वाटर माना गया है, ठीक है? उसके बाद में ध्यान से देखो, उसके बाद में यहाँ पे फ्रॉम सी शोर अप टू 24 नॉटिकल माइल्स कॉन्टिजियस जोन होता है। अभी कस्टम में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि अमेंडमेंट्स हो गई है, पहले रिलेवेंस था पर अभी कोई रिलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो फ्रॉम सी शोर अप टू सी शोर, ये सब गिनती जो होती है वो सी शोर से होती है, तो सी शोर से अप टू 24 नॉटिकल माइल्स ये जो है कॉन्टिजियस जोन माना जाता है, मतलब 12 प्लस एक्स्ट्रा 12 कॉन्टेजियस जोन। इसका रिलेवेंस छोड़ दो, ओके, मुझे उसके डिटेल में नहीं जाना है, ओके, पहले इसका रिलेवेंस था अब नहीं है। हाँ, अब सी शोर से, ध्यान से सुनना, सी शोर से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसका रिलेवेंस है, ओके। इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब उसमें टेरिटोरियल वाटर भी इंक्लूड होता है 12 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टेजियस जोन भी इंक्लूड होता है, और आगे ये 200 नॉटिकल माइल्स तक बढ़ता है, मतलब सी शोर से 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर, इसका इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का रिलेवेंस क्या है? इसका रिलेवेंस ये है कि जो भी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज मिलेंगे, मिनरल ऑयल है, गैसेस है, क्रूड ऑयल है, जो भी हमें समुंदर में रिसोर्सेज मिलेंगे उस पर इंडियन गवर्नमेंट का क्लेम रहेगा, यानी कोई दूसरी गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती है, ओके। यहाँ हाँ, अगर पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ ओवरलैप हो जाए तो फिर वो इंटरनेशनल ट्रीटी से फिक्स होगा, अदरवाइज किसी के साथ अगर ओवरलैप नहीं हो रहा होगा तो फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज मिल रहे होंगे उस पर इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे ओनरशिप रहेगा। इज इट क्लियर? यस और नो, तो इंडियन गवर्नमेंट का ओनरशिप रहेगा बेटा। और उसके बाद में हाई सी, फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हाई सी मतलब बहुत बड़ा समुंदर, ओके, बहुत बड़ा सी, तो यहाँ ये प्रोविजंस है। अब कस्टम्स में इसका रिलेवेंस है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। इसका क्या रिलेवेंस है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, मैं आपको बता देता हूँ। इवन दो इंडिया, अब ये समझना थोड़ा मुश्किल जा सकता है पर कोशिश करता हूँ। इवन दो इंडिया जो है लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए, कस्टम्स लेवी डिसाइड करने के लिए इंडिया यहाँ तक है, टेरिटोरियल वाटर तक। ध्यान से सुनो, लेवी डिसाइड करने के लिए इंडिया यहाँ तक है, ठीक है, लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए। लेकिन इंडियन कस्टम्स ऑफिसर या नेवल ऑफिसर की पावर 200 नॉटिकल माइल तक है। यानी हमारे पे कस्टम ड्यूटी आएगी कि नहीं आएगी। आयुष कह रहा है कि भाई मैं कस्टम ड्यूटी दूंगा या नहीं दूंगा, तो उसके लिए इंडिया जो है यहां तक समझो। लेकिन कस्टम्स ऑफिसर की पावर जो है वो 200 नॉटिकल माइल तक है। मतलब अगर कोई शिप स्मगलिंग करके जा रही है या कोई स्मगलिंग कर रही है तो उसको पकड़ने का पावर ऑफिसर के पास 200 नॉटिकल माइल तक है। यानी 200 नॉटिकल माइल तक हम उसे कहाँ पे भी रोक सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, ओके, और यहाँ पे शूट भी कर सकते हैं, ओके। तो स्मगलिंग शिप पे जो है बेटा, तो स्मगलिंग शिप यहाँ 200 नॉटिकल माइल तक पकड़ी जा सकती है। ऑफिसर अपनी पावर 200 नॉटिकल माइल तक एग्जीक्यूट कर सकता है, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक कर सकता है। हाँ, उसके बाद में तो हाई सी, फिर उसके बाद में वो अपनी पावर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसलिए मतलब आपकी स्मगलिंग सक्सेसफुल हो गई वो तभी बोला जाएगा जब वो अब 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर निकल गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ओके 12 नॉटिकल माइल्स लेवी डिसाइड करने के लिए इंडिया देखा जाता है, पर कस्टम ऑफिसर की पावर 200 नॉटिकल माइल तक होती है। तो चलो अभी हम वो पिक्चर में नहीं लाएंगे इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन अब इंडिया कहाँ तक, सभी बोलो इंडिया कहाँ तक बेटा, 12 नॉटिकल माइल तक। तो अब इंपोर्ट की डेफिनेशन हम कैसे इंटरप्रिट करें। हाँ, इंडिया टेरिटोरियल वाटर यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल तक, तो कब बोला जाएगा इंपोर्ट हो गया, कब बोला जाएगा कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। तो बेटा कब बोला जाएगा, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो ये प्लेस जो रही, ध्यान से सुनना, ये प्लेस जो रही वो आउटसाइड इंडिया हुई। तो ब्रिंगिंग इनटू इंडिया मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी शिप, जैसे ही शिप के गुड्स ने, क्योंकि अब तो ये कन्वेंस है बेटा, पहले ही कहा कि पहली बार जब शिप आप परचेस करते हो तभी कस्टम ड्यूटी आती है, बाद में तो वो कन्वेंस हो जाता है, फिर कस्टम ड्यूटी नहीं आती है। फिर वो फॉरेन कन्वेंस हो या इंडियन शिपिंग कंपनी का कन्वेंस हो, उस पर ड्यूटी नहीं आती है। तो इसमें जो भी गुड्स, जैसे ही ये गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया, दिस इज द टैक्सेबल इवेंट। ये ऐसा इवेंट है जिसके ऊपर लायबिलिटी है, ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, और यहाँ कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। सो एज सुन एज गुड्स क्रॉसेज द टेरिटोरियल वाटर बाय वेसल या बाय एयरक्राफ्ट, जैसे ही एयरक्राफ्ट में यहाँ पे लाइबिलिटी, सॉरी एयरक्राफ्ट ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया, आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। और कि उसमें जो भी गुड्स है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। फिर गुड्स इंक्लूड्स यहाँ पे स्टोर्स, बैगेज, करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। तो ये जहाँ तक देखा जाए तो टैक्सेबल इवेंट है, जैसे ही टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया लायबिलिटी अराइज हो जाएगी बेटा। इवन सबमरीन से गुड्स आते हैं, तो सबमरीन से भी गुड्स आते हैं जैसे ही टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा। तो ये टेरिटोरियल वाटर सिर्फ आपको सी सरफेस नहीं लेना है, एयर स्पेस भी लेना है। यानी एयर स्पेस का ये वो गिना जाता है, आपको उसके डिटेल में नहीं जाना है। एयर स्पेस या बॉटम ऑफ द सी या सरफेस ऑफ द सी, ये तीनों भी लिया जाएगा और जैसे ही टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा उसे इंपोर्ट कहा जाएगा। तो एक बार फिर से इंपोर्ट की डेफिनेशन जो है, ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। आई रिपीट, ब्रिंगिंग into India from a place outside India. Second, इंडिया अप टू टेरिटोरियल वाटर, ओके। तो जैसे ही कोई गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया तब इंपोर्ट कहा जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी केस स्टडी एक यहां पे मैं डिस्कशन लेना चाहूंगा। वो क्या सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, सवाल क्या है भाई। कोई वेसल जो है इंडिया में आ रहे हैं, आजा भाई, नहीं आ रहा है, चलो बुलाते इसको। कोई वेसल जो है इंडिया में आ रहा है, उसमें गुड्स है, उसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया। सुनना ध्यान से, उसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया। पर वो इंडिया के कोई भी कस्टम पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे यहाँ पे कॉल नहीं लेने वाला है, वो इंडिया में नहीं रुकने वाला है। सिर्फ वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर एज अ पैसेज यूज़ कर रहा है टू गो टू अनादर कंट्री, यानी उसको यहाँ से श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ये रूट यूज़ कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, अगर वो ये रूट यूज़ कर रहा है बेटा, मतलब वो यहाँ इंडिया में नहीं रुकने वाला है, वो चले गया इंडिया के बाहर। अब सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि फिर से वो शिप को लाता हूँ, ठीक है, हाँ ये बेटा शिप आ गई, ठीक है। अब ये जो शिप आई यहाँ पे, एक मिनट रुकना बेटा, जैसे इसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया, ये इंडिया में कोई भी गुड्स अनलोड करने वाला नहीं है, सिर्फ एज अ पैसेज ये स्पेस यूज कर रहा है टू गो टू अनदर कंट्री, एज अ पैसेज यूज कर रहा है। अब कोई भी गुड्स वो क्लियर करने वाला नहीं है, लेकिन हमारे कस्टम ऑफिसर ने उसे रोक लिया, वो शिप को रोक लिया। हमारा कस्टम ऑफिसर आया और कस्टम ऑफिसर ने उस शिप को रोक लिया और कहा रुको 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 सर, ये तो समुंदर पे चल रहा है, नालायक को कोई हम छोटा भीम नहीं देख रहे हैं, ओके कंसेप्ट को समझो। तो अब ऐसे केस में इसने रोक लिया और उसने कहा कि रुको रुको, नौ आपके गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। तो ये शिप का जो कैप्टन है वो कह रहा है कस्टम ड्यूटी, आप कस्टम ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं मेरे पे, ओके क्यों लगा रहे। तो वह ऑफिसर ने कहा देखो, ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, आप बाहर से पकड़ के फिश भी लाओगे तो कस्टम की लेवी हो जाती है, बाहर से समुद्र से पकड़ के फिश भी लाओगे तो लेवी हो जाती है। तो हमारा कंसर्न है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट हो गया गुड्स है, ओके आप पे ड्यूटी देना पड़ेगा। वो कैप्टन कह रहा है कि सर पर मैं इंडिया में कहीं रुकने वाला नहीं हूँ, कहीं पे भी ड्यूटी देने वाला नहीं हूँ, आप मेरे से ड्यूटी क्यों डिमांड कर रहे हो। तो उसने कहा कि वो मुझे नहीं पता, ओके आपने सेक्शन 12 के हिसाब से Duties of custom shall be levied on goods which are imported, import मतलब bringing into India from a place outside India, India includes territorial water, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। सर आप क्या कर रहे हो, ओके आप मुझे यहाँ पे रोक रहे हो, ड्यूटी देने लगा रहे हो, जबकि मैं इंडिया में कोई गुड्स अनलोड नहीं करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला नहीं हूँ, बस मैं एज अ पैसेज यूज कर रहा हूँ। अब इमेजिन करो यहाँ पे मैं एज अ पैसेज यहाँ ड्यूटी दूँ, फिर श्रीलंका में, श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में जाऊँगा वहाँ ड्यूटी दूँ, और बेटा टेरिटोरियल वाटर यूज़ होते ही है, नहीं तो अगर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, अगर हमने हमारे टेरिटोरियल वाटर उनको यूज़ करने नहीं दिए तो भाई कोई शिप तो सही ढंग से जा ही नहीं सकती। नहीं नहीं ये इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है साइड से चलो, फिर वो श्रीलंका का टेरिटोरियल वाटर है साइड से चलो, फिर तो वो जा ही नहीं पाएंगे। और इमेजिन करो हम ये शिप था इसको तो हमने रोक लिया, व्हाट अबाउट एयरक्राफ्ट, ओके एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे हमारा स्पेस यूज कर रहा है, ओके एयरक्राफ्ट जो है एयर स्पेस यूज कर रहा है। अब ये एयर स्पेस यूज कर रहा है, इसको कैसे रोकोगे, उसने भी तो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया। आप दिलीप कुमार टाइप में तो दिलीप कुमार स्टाइल में तो रोकने वाले नहीं हो, ए भाई ओके रुक जा नीचे आ जा कस्टम ड्यूटी दे दे। सवाल ये है कि जो सिर्फ हमारी टेरिटरी यूज़ कर रहे हैं, जिसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया है पर इंडिया में एक भी गुड्स क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी आएगी, जानना तो जरूरी है। देखेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है, तो एक टी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में डिस्कशन करेंगे, चलो। चलिए एक मैसेज आया है चलते चलते, आवाज आ रही है सबको क्लियर, यस और नो, हेलो बोलो बेटा, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है क्लियर, तो पुनीत का जिसका आटे में अभी नवंबर 20 है, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सर मैं आपके रिवीजन लेक्चर देख रहा था और चलते चलते लाइव लेक्चर आपका दिख गया। तो मैं सबसे यही चाहूँगा कि मेरे अटेम्प के लिए सब अच्छी विशेष दे। तो पुनीत बिल्कुल आप पास हो गए, ऑल द बेस्ट, मेरी पूरी अच्छी विशेष आपके साथ है और इस अटेम्प में डेफिनेटली आप सीए बन के रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। क्या बेटा मज़ा आ रहा है या बोर हो रहा है? कुछ स्टूडेंट जानबूझ के लिखेंगे बोर हो रहा है, लिखो लिखो लिखो। ओके, यहाँ पे मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट है, पूरी एनर्जी है, वापस से चले, यस और नो? चलिए, इंडिया का डेफिनेशन यहाँ अंडरलाइन कर लेना बुक में। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ठीक है, और इम्पोर्ट में ये अंडरलाइन कर लेना, ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसे इम्पोर्ट कहा जाता है। अभी भी टी ब्रेक का स्लाइड चालू है, कोई बात नहीं। ओके, आप तो घर बैठे बैठे देख रहे हो तो टी ब्रेक चलते रहने दो, उसमें क्या दिक्कत है आपको। चलो हमारे स्लाइड पे आ जाते हैं। बेटा ब्रेक के पहले मैंने आपको एक सवाल आपके सामने रखा था और सवाल ये रखा था कि क्या स्ट्रिक्टली हमने कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए लेवी का इंटरप्रिटेशन ये लेना चाहिए कि जैसे किसी गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया तो कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी, उससे कलेक्शन कर लिया जाएगा? क्या इतना स्ट्रिक्ट हमने चलना चाहिए? सिर्फ हमारी टेरिटरी क्रॉस कर दी। इसका एक सिमिलर एग्जांपल ऑक्ट्राय का अगर लूँ मैं बेटा, आपको याद होगा ऑक्ट्राय के केस में जब ऑक्ट्राय था तो अगर कोई एक सिटी से, जैसे एग्जाम्पल लो इंदौर से यहाँ गुड्स या राजस्थान जयपुर से गुड्स मुंबई जा रहा है, वो बहुत सारी सिटीज़ क्रॉस कर रहा है। अब हर सिटी में ऑक्ट्राय लगते, बात ठीक है, लेकिन वो वहाँ रुक नहीं रहा है, वो सिर्फ ट्रांजिट में बाईपास यूज़ कर रहा है और जा रहा है। क्या सब जगह ऑक्ट्राय कलेक्ट करना सही बात है? नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिए कि बिल्कुल नहीं, वैसा ही कस्टम है, कस्टम ये बड़ा ऑक्ट्राय है और क्या है तो टेरिटरी टैक्स ही बेटा। ऑक्ट्राय भी टेरिटरी टैक्स था, तो अब नहीं है ऑक्ट्राय क्योंकि जीएसटी आ चुका है, लेकिन ये बड़ा ऑक्ट्राय है। तो ऐसे सिचुएशन में इंपोर्ट कब बोला जाएगा, टैक्सेबल इवेंट कब आएगा? क्या हमने स्ट्रिक्टली टेरिटोरियल वाटर पे टैक्सेबल इवेंट लेना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बहुत सी बार कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में इस सवाल पर डिस्कशन हुआ, लेकिन एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू को सेटल किया। बहुत पुरानी केस है, शायद एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, पर मैं डिस्कशन के लिए लूँगा। दो केसेस जो लैंडमार्क केस है यहाँ पे कस्टम्स की, एक है अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और दूसरा है गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड। आई रिपीट, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड एंड गार्डन सिल्क मिल लिमिटेड। ये दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, दोनों अलग अलग केसेस है, दोनों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि एक्चुअल हमें कस्टम ड्यूटी देने की लायबिलिटी कब आएगी, कब आएगी। तो ये केस को समझ लो। हम दोनों में से मैं एक केस लेना चाहूँगा, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, क्योंकि दोनों के डिसीजन सेम है, इसलिए अपार इंडस्ट्री लिमिटेड का केस लेना चाहूँगा और आपको केस एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फैक्ट्स कुछ अलग थे, लेकिन उन्होंने समझाया कि कब इंपोर्ट होगा, कब हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो देखिए फैक्ट्स कुछ इस ऐसे है यहाँ पे। अब देखो यहाँ मैं लेता हूँ फैक्ट्स पे डिस्कशन। समझ लो अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, मेरा एग्जांपल ले लो, मैं कंपनी का यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ अपार इंडस्ट्री लिमिटेड का। मेरा गुड्स इंडिया में आ रहा है, इसमें कुछ कंटेनर्स मेरे हैं अपार इंडस्ट्री लिमिटेड के। जब ये कंटेनर ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया, अब बेटा ये टेरिटोरियल वाटर पे ऐसा कोई फेंसिंग नहीं होता है कि पूरा टेरिटोरियल वाटर जो है पूरा ओके फेंसिंग किया हुआ है, ऐसा नहीं होता है। ये जो है इमेजिनरी लाइन होती है, नेविगेशन के थ्रू कंट्रोल होती है, और जब भी कोई वेसल एंटर करता है तो उसके चेक पॉइंट्स होते हैं, उनको कंटिन्यूस नेविगेशन से उनका रूट बताया जाता है, ओके, उनको रूट पे रहना पड़ता है, और उनको कंटिन्यूस एयरलाइन हो या शिप हो उनको स्पेसिफाइड रूट से ही एंट्री लेना पड़ता है। अगर वो कोई अदर रूट पे दिखे या वो यहाँ पे प्रॉपर एंट्री पॉइंट से उन्होंने एंट्री नहीं किया ये इमेजिनरी लाइन से, तो उनको इमीडिएट इंटरनेशनल सिग्नल्स मिल जाते हैं रोकने के। हो सकता है इंडियन नेवल वेसल्स या कस्टम ऑफिसर्स उनको फॉलो करके उनको रोक भी सकता है और हेवी पेनल्टी लगा सकता है अगर वो रूट पे नहीं है। वॉट एवर इट में भी, हमको वो प्रोसीजर की डिटेल में नहीं जाना है। अब बेटा जब ये टेरिटोरियल वाटर इसने क्रॉस किया तो यहाँ पे मेरा कस्टम ड्यूटी रेट था, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ तो कस्टम ड्यूटी जो रेट था वो 15 फरवरी को अज्यूम करते, 15 फरवरी 2020, वो गलती से 12 है, 2020 ले लो। तो 15 फरवरी को उसने जो है यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया, तब कस्टम टैरिफ में मेरे गुड्स को अप्लीकेबल रेट थे 10%। फिर बजट आया और बजट में क्या हुआ कि मेरे गुड्स के कस्टम ड्यूटी रेट बढ़ा दिए। समझ लो 20 फरवरी को बजट आया और मेरे गुड्स के कस्टम ड्यूटी रेट बढ़ा दिए। अब ये बात मैं आगे समझाऊंगा, सिर्फ अभी समझ लो कि अगर कस्टम्स में कोई गुड्स के रेट बढ़ाए जाते हैं और पहले एक्साइज में कोई भी गुड्स के रेट बढ़ाए जाते हैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे से ही अप्लीकेबल हो जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल लो 20 तारीख को बजट आया और उन्होंने प्रपोज किया कि ये गुड्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, तो वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे से ही अप्लीकेबल करवा दी जाती है। उसका लॉजिक बाद में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे 10 तारीख को टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ, लेकिन ये गुड्स जब इंडियन पोर्ट पे आया और इंडियन पोर्ट पे मेरे जब गुड्स अनलोड हुए, ठीक है, तो थोड़ा इसको लो, जब गुड्स अनलोड हुए वो तारीख थी 15 मार्च, यानी ऐसा हुआ कि वो आ गया, फिर उसको यहाँ पे ये नहीं मिला, पोर्ट नहीं मिला अनलोडिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा वॉट यूर इट में भी। तो क्या हुआ कि जब वो अनलोड हुआ और अनलोड के बाद मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, ध्यान से देखना, अनलोड के बाद मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की। अब आपका पहला बेसिक क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट को तो पता है बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, लेकिन नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। बिल ऑफ एंट्री जो बेटा ये होती है अप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस। मतलब जब आपका गुड्स अनलोड होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके घर पे आके मिल जाएगा आपका गुड्स, ओके, घर पे आके ऑफिसर पहुँचा देगा ये आपका गुड्स है, हाँ, ऐसा नहीं। जब आप कार्गो लाते हो, वो सिर्फ कुरियर के केस में होता है, जब आप कार्गो लाते हो, ओके, तो वो सिचुएशन में इम्पोर्टर को एक अप्लीकेशन देना पड़ता है कि कस्टम्स एरिया में जो गुड्स लैंड हुआ है वो मेरा गुड्स है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ और मैं उसकी कस्टम ड्यूटी देना चाहता हूँ, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। यहाँ कंजम्पशन का मतलब क्लियरेंस, यानी आप होम मतलब इंडिया में क्लियर करने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, और ये हर इंपोर्टर को यहाँ एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये आपका असेसमेंट डॉक्यूमेंट भी होता है, मतलब कस्टम में रिटर्न कंसेप्ट नहीं होता है। जब भी हर कंसाइनमेंट पे इंपोर्टर जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है तो उसमें ही सेल्फ असेसमेंट करके अपना ड्यूटी कैलकुलेट करके देता है। वो कैसे देता है, क्या देता है, हम बाद में देखेंगे, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो वो अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है, वो अपनी बिल ऑफ एंट्री 15 तारीख को फाइल कर रहा है बेटा, 15 मार्च को फाइल किया है। वैसे आप गुड्स जो है कस्टम्स एरिया में अनलोड होने के बाद 30 दिन तक रख सकते हो, मैं आगे बताऊंगा, 30 दिन में आप कभी भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। तो उसने 15 मार्च को बिल ऑफ एंट्री फाइल की, पर हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ तब रेट था 10%। फिर से ये क्रोनोलॉजी समझ लो, जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ तब रेट था 10%, बीच में बजट आया, बजट में रेट बढ़ा दिए गए, बढ़े हुए रेट इमीडिएटली अप्लीकेबल हो गए। तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई बेटा उस दिन जो रेट हुए 20% हुए। अब इम्पोर्टर ने यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे इम्पोर्टर ने, मैं ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लो बैठा हुआ है, मैं ऑफिसर हूँ और इम्पोर्टर बिल ऑफ एंट्री दे रहा है और इम्पोर्टर ने मुझे बिल ऑफ एंट्री दी, उसमें उसने कस्टम ड्यूटी जो रेट है वो कस्टम ड्यूटी रेट यहाँ पे 10% कस्टम ड्यूटी रेट 10% कैलकुलेट करके दिए। तो मैंने कहा 10% हो ही नहीं सकते, मैंने ऑफिस को कहा ये समझ लो ये इम्पोर्टर है, मैंने कहा तो आप क्या कर रहे हो 10% जो है हो ही नहीं सकता। ओके, आपकी जो कस्टम ड्यूटी है आज का जो 15 मार्च का आपने जब बिल ऑफ एंट्री फाइल किया तो बिल ऑफ एंट्री का जो रेट है वो 20%, तो आपको कस्टम ड्यूटी 20% से देनी पड़ेगी। अब हुआ यूँ कि मैं जो बिल ऑफ एंट्री ले रहा हूँ कस्टम ऑफिसर 20% से ड्यूटी मांग रहा है। क्यों मांग रहा है 20% से ड्यूटी? इसके लिए एक प्रोविज़न आपको जानना जरूरी है। मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। कस्टम में अभी तो हम सेक्शन 12 पे है, आगे मैं सेक्शन 15 लूँगा। ओके, कस्टम में आगे एक सेक्शन आएगा सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी। मतलब जब आप कस्टम ड्यूटी डिटरमाइन करोगे तो किस दिन के रेट से डिटरमाइन करोगे। जैसे इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में लेवी आपको फाइनेंशियल ईयर में हो जाती है, पर आपको जो स्लैब रेट अप्लीकेबल होते हैं वो असेसमेंट ईयर के अप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ कस्टम में भी है, जब आप ड्यूटी कैलकुलेट करोगे तो किस दिन का रेट लोगे। तो प्रोविजन है सेक्शन 15 की, और वो ये है रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी इज अ डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। यानी जिस दिन आप होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन वो क्लियर दिया है। मतलब बेटा यहाँ पे ओके सेक्शन 15 लॉ बहुत क्लियर है कि जिस दिन इंपोर्टर अपनी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा, आई रिपीट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा, उस दिन का कस्टम ड्यूटी रेट लिया जाएगा। क्लियर? उस दिन का कस्टम ड्यूटी रेट लिया जाएगा। डन। अब देखो क्या हुआ। ओके, यहाँ पे इसके हिसाब से ऑफिसर ने जब बिल ऑफ एंट्री एक्सेप्ट की, ध्यान से सुनना, इसके हिसाब से ऑफिसर ने जब बिल ऑफ एंट्री एक्सेप्ट की तो वो बिल ऑफ एंट्री के दिन का रेट अप्लीकेबल था कितना 20%। बेटा समझ में आ रहा है ना? यस को ओके, आपका फीडबैक मुझे चाहिए। यस कहते जाओ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ तक समझ में आई केस स्टडी? तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कस्टम ऑफिसर कह रहा है कि नहीं भाई तुम्हें जो है 20% से ड्यूटी देना पड़ेगा। अपार इंडस्ट्री के केस हम देख रहे हैं। लेकिन इंपोर्टर ने क्या किया, इंपोर्टर ने जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ था उस दिन का रेट लिया और वो उस दिन के रेट से कैलकुलेट किया। तो ऑफिसर ने डिनाई कर दिया। ऑफिसर ने कहा आई विल नॉट, ये बिल ऑफ एंट्री आई विल, ओके मिस्टर इंपोर्टर मैं आपकी बिल ऑफ एंट्री एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ओके, तो उसने कैंसिल कर दिया कि बिल ऑफ एंट्री एक्सेप्ट नहीं, और क्लियरेंस ऑर्डर नहीं दिया। उसने कहा आपको 20% से देना पड़ेगा। तो अब ये केस चैलेंज किया यहाँ पे इंपोर्टर ने। ओके, केस ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया। तो अब देखो ये केस समझ लो एक बार फिर से। फिर अब मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू करेगा। बताओ टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया तब रेट कितना था? करेक्ट 10%, और जब बिल ऑफ एंट्री फाइल किया तब रेट कितना था 20%। अब हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस कैसे लड़ा गया, चलिए आगे देखिए। अब केस है अपार इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, यहाँ इमेजिन करो जज बैठे, अगर मैं ये साइड हूँ तो काउंसिलर ऑफ असेसी, मतलब अपार इंडस्ट्री लिमिटेड का काउंसिलर हूँ, और अगर ये साइड हूँ तो काउंसिलर ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का काउंसिलर हूँ। तो अब यहाँ पे केस लड़ा जा रहा है अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, और रेट 10% या 20% ओके इससे फाइनल करना है। तो काउंसिल ऑफ डिपार्टमेंट अपना ओके यहाँ पहला कंटेंशन रखता है। मिलॉर्ड, एज पर सेक्शन 15 ऑफ कस्टम्स एक्ट, ओके एज पर सेक्शन 15 ऑफ कस्टम्स एक्ट, रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो मिलॉर्ड यहाँ पे ओके जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हुई उस दिन यहाँ रेट 20% था मिलॉर्ड। द केस इज क्लियर, सेक्शन इज क्लियर मिलॉर्ड। ओके, हियर इंपोर्टर इज लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी एट द रेट 20% एज पर सेक्शन 15। सो माय लॉर्ड, इफ सेक्शन 15 इज क्लियर, आई थिंक नो नीड टू डिस्कस फर्दर। हियर माय कलीग, sorry, here my importer is liable to pay duty at the rate 20%. That's all, Miller. I don't think we have to discuss this case further. अब यहाँ पे काउंसिलर ऑफ असेसी, असेसी का काउंसिलर जो कहता है आई ऑब्जेक्ट मिलॉट, आई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मिलॉर्ड कहता है कि ओके ऑब्जेक्शन सस्टेन। काउंसलर ऑफ असेसी ये पॉइंट क्या रखता है, मिलॉर्ड एज पर सेक्शन 12 except otherwise provided in this act or any other law for time being force, duties of customs shall be levied at the rate specified in Customs Tariff Act on goods which are imported into India or exported from India. So, my lord, levies on goods which are imported as per section 223. As per section 223, goods means, sorry, import means bringing into India from a place outside India. And India includes territorial water. That means liability to pay custom duty will arise when goods crosses the territorial water. So day when my liability come, that means on the date of crossing territorial water, applicable rate was 10% milord. तो जिस दिन मेरे गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया उस दिन का रेट मिलॉर्ड यहाँ पे 10% था, इसलिए कस्टम ड्यूटी 10% से ही लगनी चाहिए मिलॉर्ड, क्योंकि जब लाइबिलिटी आएगी तब का ही रेट लेना चाहिए। काउंसिल ऑफ डिपार्टमेंट, आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिलॉर्ड, इवन दो लेवी एज पर सेक्शन 12, बट सेक्शन 15 says relevant date for determination of rate is 20%, so date of filing bill of entry, hence applicable rate should be 20% and custom duty is payable at the rate 20%. तो काउंसिल ऑफ असेसी, नो मिलॉर्ड, ओके हमने रेट उस दिन के लेना चाहिए जिस दिन पहली बार लायबिलिटी आई, और हमारी पहली बार लायबिलिटी उस दिन आई जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ, तो रेट 10% ही होना चाहिए। तो आगे यहाँ पे जज क्या कहेंगे वो तो हम देखेंगे, आप क्या कहते हो क्या रेट होगा, बताओ क्या रेट होगा। मनीष कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो बेटा, पावर आ गई, ठीक है। यस, रवि का आंसर है 20। और क्या कहना चाहोगे, कौन ये फेवर में है कि 10% रेट होगा, फटाफट बोलो। आयुष, आयुष कह रहा है 10% रेट लिया जाएगा, जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया उस दिन का रेट लिया जाएगा। ओके बस इतने लोग, चलो बहुत से लोगों का रेट कहना है 10%, बहुत से लोगों का कहना है 20%। ओके, केस समझ में आई आपको, मज़ा आया केस में, कोर्ट रूम में मज़ा आया आपको। ओके तो यहाँ बताता हूँ आपको बेटा जज ने क्या कहा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जज ने ये कहा कि सेक्शन 12 और सेक्शन 15 दोनों का अलग अलग स्कोप है। सेक्शन 12 लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है और सेक्शन 15 लायबिलिटी को क्वांटिफाई करता है। हर इकोनॉमिकल लॉ में, स्पेशली टैक्स रिलेटेड लॉ में, ऐसे दो अलग अलग इवेंट हो सकते हैं। नाउ पहला यहाँ कि लेवी कब क्रिएट करना और उसको क्वांटिफाई कब करना। जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स देखो तो लेवी करंट फाइनेंशियल ईयर की है, लेकिन उसका असेसमेंट ईयर में किया जाता है। जीएसटी में भी लेवी जब सप्लाई करते हो, लेकिन असेसमेंट जब इनवॉइस आप इशू करते हो तब किया जाता है रिमोल पे। तो ऐसे केस में जज ने कहा कि पहली बात सेक्शन 12 और सेक्शन 15 ये दोनों अलग अलग सेक्शन है, तो इसमें कौन सा सेक्शन प्रिवेल होगा सवाल ही नहीं आएगा। फिर सेकेंड बात जज ने कही, जज ने कहा अगर हम ये समझ भी ले कि सेक्शन 12 और 15 में कॉन्ट्राडिक्शन है तो बताओ क्या प्रिवेल होगा। अगर हम ये समझ भी ले कि सेक्शन 12 और 15 में कॉन्ट्राडिक्शन है तो बताओ क्या प्रिवेल होगा। करेक्ट नेहा, नेहा ने आंसर दिया कि एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अगर 12 और 15 का झगड़ा हुआ तो ऑब्वियसली 15 ही प्रिवेल करेगा, क्योंकि सेक्शन 12 तो पिया हुआ है। ये जज नहीं बोलेगा पिया हुआ है, लेकिन ये कहेगा कि 15 ओवरराइड करेगा, तो 15 ही यहाँ पे लगेगा और रेट 20% ही लिए जाएंगे, 12 नहीं लिए जाएंगे। इसलिए जो 10% के फेवर में है उनके दिमाग में ये लॉजिक तो आना ही चाहिए कि सेक्शन 12 के हिसाब से हम लेवी का रेट अगर ले तो फिर 15 जो है जो कह रहा है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो हमको 15 को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। वेरी गुड, तो रेट तो 20% लेने लीजिए। फिर जज ने ये कहा कि यहाँ पे दोनों में आप कॉन्ट्रडिक्शन क्यों क्रिएट कर रहे हो, कोई कॉन्ट्री प्रोविजन तो नहीं है, दोनों अलग अलग है। एक सेक्शन 12 है जो लेवी क्रिएट करता है और 15 है जो क्वांटिफाई करता है, और टैक्स लॉ में दो अलग अलग इवेंट हो सकते हैं, तो दोनों में कॉन्ट्री प्रोविजन है ही नहीं, दोनों अपनी बात करते हैं। हाँ, रेट होगा तो रेट सेक्शन 15 से लिया जाएगा। अब जो जज ने तीसरी बात कही, क्योंकि ये कोर्ट में सवाल ये उठा तो अगर हमें सेक्शन 15 के हिसाब से जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई उसी दिन क्वांटिफाई करना है तो अननेसेसरी सेक्शन 12 में लेवी जो है वो टेरिटोरियल वाटर पे क्यों रखी? फिर लेवी टेरिटोरियल वाटर पे रखने का सवाल ही नहीं था। जज को यह सवाल पूछा गया कि टेरिटोरियल वाटर पे लेवी रखने का सवाल ही नहीं था, फिर ठीक है ना, फिर आप लायबिलिटी तभी क्रिएट करो जब हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करें। तो नहीं, कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, कोर्ट ने ये बात को इस तरह समझाया कि जो सेक्शन 12 ने लायबिलिटी क्रिएट की है उसके बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर है, उसको ध्यान में रखते हुए, जो मैं आपको आगे धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्यों सेक्शन 12 टेरिटोरियल वाटर पे लायबिलिटी क्रिएट करता है ओके, और क्वांटिफाई बिल ऑफ एंट्री पे होती है पर क्यों करता है ये हम आगे देखेंगे। ओके, जब आपकी लॉ की मैच्योरिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे लॉ को पढ़ने के बाद समझ के ये बताया, क्योंकि कोर्ट भी तो एक्ट के ऊपर जा नहीं सकता, उन्होंने कहा अगर आप पूरा लॉ पढ़े तो ये समझ में आती है बात, क्योंकि कोर्ट ने ये देखा कि आगे पिलफरेज, लॉस्ट या डिस्ट्रक्शन या ड्रॉबैक, जैसे मैं आके बताऊंगा, आगे एक चैप्टर है सेक्शन 23, उसके बाद में सेक्शन 22, इसमें पिलफरेज होता है। आई रिपीट, पिलफरेज होता है, तो आपको इवन दो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो जाए पर माफ कर दिया जाता है लायबिलिटी क्रिएट होने के बाद भी। डिस्ट्रॉय होता है, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करने के बाद भी माफ कर दिया जाता है। ड्यूटी ड्रॉबैक तो ऐसा है कि टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो गया, इंडिया में क्लियर हो गया और इंडिया में क्लियर होने के बाद वापस कर दिया तो आपका इम्पोर्ट ड्यूटी वापस कर दिया जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि आप लॉ का ऑब्जेक्ट समझो, लॉ का ऑब्जेक्ट अगर सेक्शन 12 पे यहाँ पे लेवी क्रिएट हो रही है तो वो सिर्फ, अब देखो वर्डिंग्स बड़े अच्छे हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, दोनों केसेस में अपार इंडस्ट्री लिमिटेड और गार्डन सिल्क लिमिटेड में, ये लेना चाहूंगा डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट, इंपोर्टेशन कमेंस, यानी वो सेक्शन 12 का भी ख्याल रख रहे हैं और टैक्सेबल इवेंट भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल कमेंस व्हेन दे क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर। वो कह रहे हैं कि जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो जाएगा, जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो जाएगा तब यहां पे इंपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा, क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, बट कंटिन्यू एंड कंप्लीटेड व्हेन दे बिकम अ पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। लेकिन आपका गुड्स का इंपोर्टेशन कंप्लीट तभी होगा जब वो इंडिया का पार्ट बनेगा। जब तक गुड्स इंडिया का पार्ट नहीं बनता है तब तक इंपोर्टेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो एक तरह का सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के पहले पार्ट में यह मैसेज दिया कि जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा तब यह मत समझना कि इंपोर्ट कंप्लीट हो गया, तब सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तब सिर्फ क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट तो तब होगा जब गुड्स पर कस्टम ड्यूटी पे करके गुड्स हार्बर गेट से निकल जाएगा, यानी पोर्ट से निकल जाएगा और गुड्स इंडिया का पार्ट बन जाएगा। और अब सेकेंड पार्ट में बहुत अच्छा डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेरिटोरियल वाटर जहां इंपोर्टेशन स्टार्ट होता है टिल क्लियरेंस, इसके बीच में आपकी टैक्स पे करने की लायबिलिटी कब आएगी, आपका टैक्सेबल इवेंट कब आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द टैक्सेबल इवेंट बीइंग रीच एट द टाइम व्हेन गुड्स रीच टू कस्टम बैरियर एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब आपको कस्टम ड्यूटी पे करने की जिम्मेदारी कब आएगी? जब गुड्स कस्टम बैरियर यानी कस्टम कंट्रोल में आ जाएगा, कस्टम पोर्ट पे आ जाएगा, कस्टम बैरियर यानी कस्टम पोर्ट पे आ जाएगा, कस्टम कंट्रोल में आ जाएगा। और इंपोर्ट एंड इंपोर्टर जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा फॉर होम कंजम्पशन उसी दिन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जिसकी लायबिलिटी टेरिटोरियल वाटर पे आ चुकी है, पर पेमेंट आपको इस वक्त करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन से, और सिमिलर व्यू गार्डन सिल्क मिल लिमिटेड में लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन से कंसेप्ट ही सब लोगों के क्लियर हो गए कि भाई जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होता है सिर्फ तब लेवी क्रिएट होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है, लेकिन आपकी पे करने की जिम्मेदारी उस दिन आएगी जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, आई रिपीट, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल होगा उस दिन आपकी पे करने की जिम्मेदारी आएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन नहीं फाइल किया तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो इनोसेंट पैसेज ऑफ द वेसल है, यानी जो इंडिया में यहाँ कोई गुड्स क्लियर नहीं कर रहे, सिर्फ पैसेज यूज कर रहे हैं या फिर इंडिया में आ रहे हैं लेकिन ट्रांजिट ट्रांसशिप कर रहे हैं, वो इंडिया में कोई गुड्स क्लियर नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को क्लैरिफाई किया और लॉ को समझाने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 15 के हिसाब से आप जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उसी दिन का टैक्सेबल इवेंट लिया जाएगा और उस दिन का रेट लगाया जाएगा एंड दैट शुड बी 20%। तो ये दो पार्ट में उन्होंने डिसीजन दिया, पहला कि इंपोर्टेशन कहाँ कमेंस होगा, कब कंप्लीट होगा, जब गुड्स इंडिया का पार्ट बनेगा, और उसके बाद में आपकी लायबिलिटी उस दिन आएगी जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे। ठीक है, आपको ये डिसीजन समझ में आया बेटा? यस और नो? यस का आपका मैं वेट कर रहा हूँ, आप आंसर दो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, आपको अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छी बात है बेटा। यहाँ पे तो थोड़ा मैं इसको फनी एग्जांपल में लूँ तो जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा, फनी एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए, उस दिन काले बादल छा जाएगी, लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, काले बादल छा जाएगी, लेवी अराइज हो जाएगी। ओके, तो इम्पोर्टेशन कमेंस कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू होगा और कंप्लीट तब होगा जब गुड्स इंडिया में लैंड हो जाएगा। देखो कंप्लीट कब होगा बेटा, जब गुड्स इंडिया में लैंड हो जाएगा, पोर्ट पे आ जाएगा और पोर्ट पे आके गुड्स इंडिया का पार्ट बन जाएगा, यानी क्लियर भी हो जाएगा। उस दिन बारिश होगी तो काले बादल छा जाएंगे जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा, और आपका कलेक्शन असेसमेंट तब होगा, टैक्सेबल इवेंट तब आएगा, और जिस बारिश कब होगी, जब टेरिटोरियल वाटर यहाँ पे जब गुड्स अनलोड होके क्लियर हो जाएगा, गुड्स बिकम अ पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री, और आपकी लायबिलिटी कब आएगी, तो जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे फॉर होम कंजम्पशन उस दिन आपकी लायबिलिटी आएगी। तो चलिए, ये थोड़ा सा बहुत एनिमेशन किया जस्ट आपको एंटरटेन करने के लिए, आपका ध्यान पढ़ाई में लाने के लिए, मेरे साथ डिस्कशन में लाने के लिए। तो चलो, यहाँ पे ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, इम्पोर्टेशन एंड टैक्सेबल इवेंट। तो एक काम करते हैं, आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से स्ट्रिक्टली अगर सेक्शन 223 के हिसाब से जाओ तो इम्पोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, और इंडिया की डेफिनेशन टेरिटोरियल वाटर, मतलब ये दो डेफिनेशन पढ़ो तो टैक्सेबल इवेंट अगर ये डेफिनेशन के बेस पे जाओ तो तभी आ जाता है जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी लॉ को ध्यान में रखते हुए ये समझाया कि नहीं, इम्पोर्टेशन सिर्फ कमेंस होता है जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होता है, कंप्लीट तो तब होगा जब वो गुड्स इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ओके, और टैक्सेबल इवेंट उस दिन आएगा जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो थोड़ा मैं इसको अब आ जाओ, हमारे चार्ट पे आ जाओ, और हमारे चार्ट में आपको, हाँ, अब थोड़ा इम्पोर्टेड इनटू इंडिया आ जाओ नीचे, पहला लिखो सेक्शन 223। क्या हुआ, चार्ट नहीं आ रहा है? हमारे चार्ट सेक्शन 12 का जो चार्ट है ना, उसमें अब क्या करना, इंपोर्ट के नीचे पूरा इंपोर्ट का डिस्कशन, एक्सपोर्ट के नीचे पूरा एक्सपोर्ट का डिस्कशन। अभी हम इंपोर्ट का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, बाद में एक्सपोर्ट। तो सेक्शन 223 लिखो, सिर्फ इतना ही लिखो, इंपोर्ट ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, from a place outside India, bringing into India from a place outside India उसके नीचे सेक्शन 227। बेटा है थ्योरेटिकल, बट कस्टम्स को एनिमेशन में पढ़ो ना तो बहुत मज़ा आता है और कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाता है। आपको ऐसे पैराग्राफ वाइज थ्योरी नहीं पढ़ा होगा, हमें ऐसे चार्ट्स, उसके बाद में एनिमेशंस, उसके बाद में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस मैंने नोट्स में दिए सभी। ठीक है, सेक्शन 227 इंडिया। उसके नीचे इंडिया की डेफिनेशन लिख लो। India includes territorial water of India. India includes territorial water of India. ठीक है, लिख रहे हो आप सभी? लिख रहे हो बेटा? चलो, ये तो स्ट्रिक्टली बाय एक्ट क्या डेफिनेशन है, लेकिन नीचे उसके नीचे लिखना केस स्टडीज। जिसने क्या समझाया हमें, केस है पहला केस, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, और दूसरा केस गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड एंड सेकेंड गार्डन सिल्क मिल लिमिटेड। अपार इंडस्ट्री लिमिटेड एंड सेकेंड वन इज गार्डन सिल्क मिल लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने क्या कहा उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला इंपोर्टेशन, कब स्टार्ट होगा कब कंप्लीट होगा, और दूसरा टैक्सेबल इवेंट। एक बात तो समझ में आ गई, जब तक आप बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करते हो तब तक कस्टम ड्यूटी नहीं आती है, वो ही टैक्सेबल इवेंट है। टैक्सेबल इवेंट, चलो लिखो इंपोर्टेशन के नीचे और टैक्सेबल इवेंट के नीचे। ये स्लाइड पे जो है वो आप लिखोगे, ये लिखते जाओ। ये लिखो, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट मत निकाल लेना, लिखो। मैं चाहता हूँ लिखो, वर्डिंग्स पे ग्रिप आनी चाहिए। रवि लिख लिया ना? हो गया सभी का? यस बोलो फटाफट। अब कुछ वर्ड्स पे अंडरलाइन करो। ये बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ये बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, इस पे अंडरलाइन करो। जो भी बेटा जैसे किशु वगैरह, ये क्वेश्चन आखिरी में पूछो, मैं सबका आंसर दूंगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, मैंने इससे रिलेटेड भी पहले एक वीडियो डाला था कि कस्टम्स में ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं, इसलिए हमने कस्टम से स्टार्ट किया है। दो ही सेक्शन में अमेंडमेंट्स है फॉर May 21 अटेम्प्ट के लिए और November 21 के लिए। जो भी चलो सब यस नहीं बोल रहे, हो गया ना आपका? अब बेटा मैं एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग कंसेप्ट जो है हमारे सिलेबस में से निकाल दिए गए, एक्सक्लूड कर दिए गए, लेकिन उसका बेसिक आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वेयर हाउसिंग कंसेप्ट सीए फाइनल लेवल से एक्सक्लूड कर दिया है, पर जो भी स्टूडेंट सीएमए और सीएस कर रहे हैं तो उनके लिए वेयर हाउसिंग का सेपरेट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, पर बेसिक इसका समझ लो क्योंकि बहुत सी जगह उन्होंने वेयर हाउसिंग कंसेप्ट जो है उसका रेफरेंस लिया है। तो देखो अब आगे थोड़ा थ्योरेटिकल है, 5-10 मिनट ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे किसी इम्पोर्टर ने इंटरनेशनल मार्केट से 2000 क्वांटिटी इम्पोर्ट की। अब क्वांटिटी ह्यूज क्वांटिटी थी पर उसने इम्पोर्ट की, अभी पूरे क्वांटिटी की उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। आज के दिन में उसको 500 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी COVID-19 का केस है या कोई इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी आ गई कि बहुत सस्ते में गुड्स मिल रहा है, तो सस्ते में गुड्स मिल रहा है तो उसने ह्यूज क्वांटिटी उठा ली, ओके, या जो भी उसकी टारगेटेड प्राइस है उससे कम मिल रहा है तो उसने ह्यूज क्वांटिटी उठा ली। और दूसरा, ह्यूज क्वांटिटी उठाने का फ़ायदा ये भी है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है। उसको अभी ज़रूरत थी सिर्फ 500 क्वांटिटी की, लेकिन उसने ह्यूज क्वांटिटी उठा ली, गुड्स इंडिया में आया, ओके, ये समझ लो गुड्स इंडिया में आया। अब दो कंसेप्ट अपने सामने आएंगे जो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और दूसरा है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। हम नोट्स पे आएंगे, डोंट वरी फॉर दैट, पहले कंसेप्ट दिमाग में फिट कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और दूसरा है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। ये होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग में क्या डिफरेंस है बताता हूँ। जैसे ये डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाऊँ तो समझ लो शिप आ गई, यहाँ सी वाटर थोड़ा चमक रहा है क्योंकि लाइटनिंग हो रही है वाटर इट में भी। हमारी शिप आ गई, पोर्ट पे 2000 क्वांटिटी लेके आ गई, कंटेनर अनलोड भी हो गया। अब ये कंटेनर अनलोड हो गया, 2000 क्वांटिटी का असेसमेंट हुआ, मैंने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया। बी केयरफुल, मैंने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया। अब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन क्या है कि मेरे पास पैसा था, अब समझ लो उसका असेसमेंट हुआ, वहाँ पे कंसाइनमेंट का असेसमेंट हुआ 2 करोड़। 2 करोड़ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी जो भी है, ऐसा कुछ ड्यूटी 60-70 लाख रुपए हुआ। मैंने 2000 क्वान्टिटी का 60-70 लाख रुपये ड्यूटी दे दिया और मैंने अपने होम कंजम्पशन यानी इंटेंडेड पर्पज़ के लिए क्लियर कर लिया, ओके, तो बात खत्म, गुड्स इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। ये था होम कंजम्पशन। दूसरी बात है बेटा वेयर हाउसिंग, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। यहाँ पे होम कंजम्पशन, अब सेकंड लेते हैं कि समझ लो कंसाइनमेंट आया, और ये जो कंसाइनमेंट आया ये कंसाइनमेंट अनलोड हुआ और ये 2000 क्वांटिटी अनलोड हुई। अब भाई माल सस्ते में मिल रहा था, मुझे क्रेडिट मिल रहा था, सुनिए, माल सस्ते में मिल रहा था, क्रेडिट भी मिल रहा था, मेरा सप्लायर मुझे 1 साल पैसे मांगने वाला नहीं था, ब्ला 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 ब्ला, सब बातें ठीक है, ठीक है। लेकिन जब गुड्स इंडिया में अनलोड होता है तो आपको पोर्ट से क्लियरेंस तब तक नहीं मिलता है जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो। ये यूनिक फीचर है कस्टम्स का, जब तक आप पे नहीं करते हो तब तक यहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलेगा, क्लियरेंस नहीं मिलेगा, आपको पेमेंट करना ही पड़ता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में 60 लाख का ड्यूटी करने का मेरे पास पैसा नहीं है, 60-70 लाख की ड्यूटी 2 करोड़ पे, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। हाँ, सप्लायर ने मुझे बहुत बड़ा क्रेडिट पीरियड लिया, मेरा इकोनॉमिकल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन जो मेरी कॉस्ट कम हो सकती थी मैंने उसके लिए ह्यूज क्वांटिटी में लाया, लेकिन मैं इतना गुड्स क्लियर नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं कस्टम्स एरिया में, कस्टम्स पोर्ट पर 30 दिन से ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, 30 दिन से ज़्यादा मैं कस्टम पोर्ट पर गुड्स रख नहीं सकता। सकता। मुझे कोई भी हालत में अनलोडिंग के बाद 30 दिन में गुड्स क्लियर करना बहुत 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 ज़रूरी है और मुझे क्लियर करना ही पड़ता है। तो अब क्या करूं? मुझे इतना बड़ा कंसाइनमेंट क्लियर करना नहीं है, मेरे पास पैसा है नहीं, या पैसा होगा तो भी मैं सडनली पूरे कंसाइनमेंट की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कस्टम में एक फैसिलिटी दी है, वो फैसिलिटी को कहते हैं वेयर हाउसिंग। तो ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी क्या है? मतलब जो यहाँ पे बहुत से ऐसे अलग अलग सिटीज़ में वेयर हाउसेस है जिन्होंने कस्टम्स के लाइसेंस लिए हुए हैं। तो तीन टाइप के वेयर हाउसेस होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड स्पेशल वेयर हाउसेस। ये तीन अलग अलग कैटेगरी है, हमको फ़िलहाल उसके डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस और स्पेशल वेयर हाउसेस, ऐसे तीन टाइप के वेयर हाउसेस होते हैं। तो पब्लिक वेयर हाउस जनरली लोकल अथॉरिटी या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इसके होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस इम्पोर्टर के खुद के ही होते हैं या प्राइवेट कंपनी के होते हैं जो वेयर हाउसिंग बिजनेस करती है, जिन्होंने कस्टम से लाइसेंस लिया है, अप्रूवल लिया है। तो जो जो वेयर हाउसेस को कस्टम से लाइसेंस मिला है वो वेयर हाउस में आप गुड्स रख सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। आई रिपीट, वो वेयर हाउस में आप गुड्स रख सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, क्योंकि कस्टम्स लाइसेंस वेयर हाउस वो होते हैं या कस्टम्स अप्रूव्ड वेयर हाउस वो होते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि समझ लो मेरा मुंबई पोर्ट पे गुड्स आया और वेयर हाउस है पुणे में, मुझे क्लियर नहीं करवाना है, मुझे पैसे नहीं देना है अभी इमीडिएट, तो मैं अपना क्वांटिटी जो है वो शिफ्ट कर दूंगा कस्टम वेयर हाउसेस में। वो बात अलग है कि मुझे वेयर हाउसिंग चार्जेस लगेंगे वॉट एवर इट में भी, लेकिन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है। और अगर मुझे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लेना है तो मुझे अब बिल ऑफ एंट्री जो है एप्लीकेशन होम कंजम्पशन का नहीं देना पड़ेगा, मुझे होम कंजम्पशन जो के जगह बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। सो दोस्तों थोड़ा डिस्कशन को आगे लेता हूँ। तो गुड्स जो है जैसे ही मैं बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करूँगा, गुड्स को यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी कि वो गुड्स वेयर हाउस में जा सकता है। अब बेटा जब गुड्स वेयर हाउस में चले गया, अभी भी ये वेयर हाउस कस्टम कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि जो भी वेयर हाउस के ओनर है वो वैसे गुड्स निकाल नहीं सकते विदाउट परमिशन ऑफ कस्टम्स। तो यहाँ से भी जब गुड्स क्लियर होगा तो विद द परमिशन ऑफ कस्टम्स ही क्लियर होगा। तो अब बेटा कस्टम कंट्रोल में है। अब ये इम्पोर्टर को, क्योंकि 2000 क्वान्टिटी वेयर हाउस में रखी गई है। हाँ रवि, तुम्हारा क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है ये गुड्स वेयर हाउस में रखा गया है 2000 क्वांटिटी। मैंने पहली बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अब यहाँ से मैं अपनी क्वांटिटी क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से अपनी क्वांटिटी क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे क्लियर करूँगा? उसके पहले एक बात आप जान लीजिएगा, मुझे वेयर हाउसिंग पीरियड मिलता है 1 ईयर। आई रिपीट, मुझे वेयर हाउसिंग पीरियड मिलता है कितना बेटा? 1 साल पूरा मुझे वेयर हाउसिंग पीरियड मिलता है। मैं 1 साल तक वेयर हाउस में रख सकता हूँ। ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सीए फाइनल लेवल पे और सीएमए फाइनल या सीएस फाइनल के कोई स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे तो उनके लिए वेयर हाउसिंग जो है ये चैप्टर अलग से मैंने रिकॉर्ड किया है, वो उनको लिंक देखना पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं इस डिस्कशन पे। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे 1 साल तक मैं गुड्स रख सकता हूँ और 1 साल में मैं कभी भी क्लियर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे एट वंस पूरी 2000 क्वांटिटी क्लियर करनी है। मैं चाहूँ तो पहला 500 क्वांटिटी क्लियर करूँ, दूसरा 500, तीसरा 500 या 500 या 1500 क्वांटिटी क्लियर करूँ। मैं चाहूँ वैसा इसको क्लियर कर सकता हूँ दोस्तों। अब जब मैं वापस इंपोर्टर क्लियर करने जाएगा वेयर हाउस से तो उसको अनादर बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी और वो अनादर बिल ऑफ एंट्री है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस। ये वर्ड ध्यान रखना, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस। तो वेयर हाउस के केस में 2 बिल ऑफ एंट्री होती है, पहली बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, सॉरी बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, और जब आप वेयर हाउस से क्लियर करते हो तो सेकंड बिल ऑफ एंट्री होती है बिल ऑफ एंट्री फॉर यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस। तो थोड़ा हम हमारे डिस्कशन पे आते हैं नोट्स में। अगर आप नोट्स में देखते हो बेटा तो आ जाओ, यहाँ मैंने ये केस तो ले लिया, गार्डन सिल्क मिल वाला केस ले लिया, ये जो केस है हमारा हो गया। अब मैं थोड़ा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग कंसेप्ट लेफ्ट साइड में, नोट्स के लेफ्ट साइड में आप डायग्राम देखोगे तो मैंने यहाँ वेयर हाउस, ठीक है, गुड्स यहाँ से वेयर हाउस गया, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग है। 3 टाइप के वेयर हाउसेस है, पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल। अब ये पब्लिक वेयर हाउसेस कौन? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के वेयर हाउस होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउसेस इंपोर्टर के खुद के होते हैं और स्पेशल वेयर हाउसेस। अब बेटा बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग ध्यान से देखना, अब एक आपका बेसिक सवाल आता है कि सर वेयरहाउस से जो गुड्स जाता है, मतलब सॉरी पोर्ट एरिया से जब गुड्स जाएगा वेयरहाउस में, तो ये कस्टम डिपार्टमेंट शिप करता है कि नहीं, ये इंपोर्टर को खुद को ही शिप करना पड़ता है। और आपको जो ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ड्यूटी आपको यहाँ पे करनी पड़ती है, ड्यूटी ये बिल ऑफ एंट्री पे करनी नहीं पड़ती। विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आपका गुड्स वेयरहाउस में चले जाता है और एक्चुअल ड्यूटी पे करने की जिम्मेदारी आती है जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करते हो, तो ड्यूटी इज पेएबल हियर। यहाँ आपको ड्यूटी पेमेंट करना है, यहाँ आपको ड्यूटी पेमेंट करना है। तो आपका एक बेसिक सवाल आ सकता है और वो ये कि सर विदाउट ड्यूटी, सुनो, विदाउट ड्यूटी हम वेयर हाउस में ले जा सकते हैं? हाँ सर हम ले जा सकते हैं, हाँ आप ले जा सकते हो विदाउट ड्यूटी। सर तो फिर ऐसा है कि हमने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल कर देना, सुनो ध्यान से, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल कर देना और हम कहना कि मैं वेयर हाउस में लेके जा रहा हूँ और बीच में गुड्स गायब, अंडरग्राउंड, पता ही नहीं चलेगा, करोड़ों का माल अंडरग्राउंड हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट बेवकूफ़ लगती है क्या? हाँ नालायक हो, दामाद हो क्या आप गवर्नमेंट के? नहीं ना। ओके, अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है, जो भी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लेना चाहता है उसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। क्या एग्जीक्यूट करना पड़ता है बेटा? बॉन्ड। बॉन्ड ये एग्रीमेंट होता है और बॉन्ड की अमाउंट होती है थ्राइस द ड्यूटी। देखो देखो, यानी गवर्नमेंट कहती है कि जितना तुम्हारा ड्यूटी बनता है कंसाइनमेंट का, 60 लाख का ड्यूटी बनता होगा तो आप थ्राइस यानी 1.8 सीआर का आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये पेमेंट नहीं होता है, ये एक बॉन्ड होता है जिसकी आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ओके, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, मतलब आपको सिक्योरिटी एज ए एफडी या बैंक गारंटी वगैरह देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई जिसको भी वेयर हाउसिंग करना है वो बॉन्ड दो और बॉन्ड थ्राइस द ड्यूटी, मतलब आप सिक्योरिटी दो या बैंक गारंटी दो और वो बैंक गारंटी थ्राइस द ड्यूटी होगा। वो थ्राइस द ड्यूटी का बैंक गारंटी देने के बाद ही आप वेयर हाउस में ले जा सकते हो। सर अगर मैं कोई बैंक गारंटी या कोई मैं सिक्योरिटी नहीं दे पाया तो फिर भूल जाओ, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी मिलने वाली नहीं है आपको। ओके, ये उनको ही मिल सकती है जो सिक्योरिटी दे सकता है। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको बॉन्ड देना पड़ता है थ्राइस द ड्यूटी और वो जो बॉन्ड है थ्राइस द ड्यूटी उतनी सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है और आप अपने गुड्स वेयर हाउस में ले जा सकते हो। और फिर जब गुड्स वेयर हाउस में चले गया, और ये वेयर हाउसेस कोई आलतू फालतू वेयर हाउस नहीं होना चाहिए, ये कस्टम डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ वेयर हाउस होना चाहिए। फिर जिसको भी लाइसेंस दिया हो वो वेयर हाउस में आप रख सकते हो और फिर आपको एक्चुअल ड्यूटी जो देनी है, एक्चुअल ड्यूटी जो देनी है वो जिस दिन आप वेयर हाउस से क्लियर करोगे उस दिन आपको देना है। अब देखो आपकी 2000 क्वान्टिटी है, पहले आपने 500 क्वान्टिटी क्लियर की तो आपको ड्यूटी सिर्फ 500 क्वान्टिटी पर देना है। फिर 1500 क्वान्टिटी क्लियर की तो आपको ड्यूटी सिर्फ 1500 क्वान्टिटी पर देना है। मतलब ग्रेजुअली आप जैसे जैसे वेयर हाउस से क्लियर करोगे वैसा वैसा आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, वैसा वैसा ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। आई बात समझ में बेटा आपके? यस और नो? तो एक साल के अंदर आपको क्लियर करना पड़ता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था शायद रवि का कि अगर मैंने 30 दिन में क्लियर नहीं किया या वेयर हाउस से एक साल में क्लियर नहीं किया तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कस्टम डिपार्टमेंट सीधा सीधा आपका गुड्स लेते हैं, ऑक्शन में बेच देते हैं और अपना पैसा रिकवर करके कुछ पैसा बचा तो आपको कर देंगे, अदरवाइज फिर तो अगर बचेगा नहीं तो आपको कुछ भी नहीं देगा, वो सीधा सीधा ऑक्शन कर देते हैं आपके गुड्स का। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में ड्यूटी पे करने की जिम्मेदारी यहाँ आती है। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, ये बताओ कि वेयर हाउसिंग के केस में टैक्सेबल इवेंट यानी एक्चुअल ड्यूटी देने की जिम्मेदारी कब आती है? जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करते हो तब आती है, या होम कंजम्पशन फाइल करते हो तब आती है। तो जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करते हो और जितने क्वांटिटी का आप फाइल कर रहे हो तब आपका टैक्सेबल इवेंट आता है और यहाँ आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत पड़ती है, एक्चुअल ड्यूटी। इसलिए सेक्शन 15 जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, सेक्शन 15 कहता है कि आपका ड्यूटी रेट कब का लिया जाता है। तो आपका ड्यूटी रेट जो है जिस दिन आप वेयर हाउस से बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे उस दिन का रेट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल लो कि जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया उस दिन का कस्टम ड्यूटी रेट 10% था, जब आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग दिया उस दिन का कस्टम ड्यूटी रेट 15% था और जब आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन दिया उस दिन का रेट 20% था। तो आपको कस्टम ड्यूटी 20% से देनी पड़ेगी, यह आपकी रिलेवेंट डेट होगी, या उस दिन 5% होगा तो 5%, वॉट एवर द रेट। लॉ ऐसा बदलता नहीं है, अच्छा कम हो गया फिर लॉ बदल दो, ऐसा नहीं होता है। जो लॉ है वो है, मतलब अगर आप यहां वेयर हाउस से क्लियर कर रहे हो बेटा तो जिस दिन ओके जिस दिन जब आप वेयरहाउस से क्लियर कर रहे हो उस दिन का जो भी रेट होगा वो रेट लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ उस दिन का जो भी रेट होगा वो रेट लिया जाएगा, फिर वो 20% हो या 5% हो उस दिन का रेट लिया जाएगा। इन शॉर्ट ओके वेयर टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ वेयर हाउसिंग, आई रिपीट टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ वेयर हाउसिंग कब आएगा, तो टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ वेयर हाउसिंग आएगा जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस फाइल करोगे उस दिन टैक्सेबल इवेंट आएगा। अब लास्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग को दूसरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिखना है लिख देना, इसको दूसरा नाम है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। तो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ये उसका दूसरा नाम है ओके। ये इसको इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ये लर्न करना, बहुत से जगह वर्ड यूज होता है, इवन दो वेयर हाउसिंग चैप्टर हमें नहीं होगा सिलेबस में सीए फाइनल लेवल पे, पर ये नाम लर्न करना है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये जो दूसरी बिल ऑफ एंट्री इसका दूसरा नाम है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इसे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कहते हैं, एक्स बॉन्ड, एक्स टू बॉन्ड नहीं, हाँ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, बी बाई ई मतलब बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एक बार फिर से मेरे साथ, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग को क्या कहते हैं बेटा, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। और जब गुड्स वेयर हाउस से क्लियर होता है सिंपल वर्ड में तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस, लेकिन दूसरा उसका नाम है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। दो ऐसे नाम क्यों पड़े हैं, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बेटा क्योंकि जब आप ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो आप बॉन्ड में एंटर होते हो, आप बॉन्ड देते हो, इसलिए उसका नाम है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। और जब आप ये बिल ऑफ एंट्री देते हो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन तो आप ड्यूटी पे करके रिलीज हो जाते हो, तो ड्यूटी पे करके रिलीज हो जाते हो इसलिए इसको कहते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो बेटा बेसिक डिफरेंस क्या है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग में। होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री में ड्यूटी इमीडिएट पे करनी पड़ती है, तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग में ड्यूटी डेफर्ड हो जाती है। होम कंजम्पशन जब फाइल करोगे तो इमीडिएट पे करनी पड़ती है और बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग में ड्यूटी डेफर्ड हो जाती है। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन में कोई बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे वेयर हाउसिंग के केस में आपको बॉन्ड देना पड़ता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है और वह थ्राइज द ड्यूटी। और नो डाउट जब आप यहाँ ड्यूटी पे कर दोगे, जब आप ड्यूटी पे कर दोगे उस दिन आपका बॉन्ड आपको वापस दिया हुआ बॉन्ड सिक्योरिटी वापस मिल जाती है। तो ओके यहाँ बॉन्ड देने की ज़रूरत पड़ती है। और इन केस ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया उस दिन का रेट होता है। जब आप वेयर हाउस करते हो तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस फाइल किया उस दिन का रेट अप्लाई किया जाता है। दोस्तों ये बात मेरी समझ में आई, तो उस दिन का रेट आपको अप्लाई किया जाता है और उस दिन का रेट आपको लेना पड़ता है। तो ये डिस्कशन हमने देखा ओके वेयर हाउसिंग, इससे ज़्यादा डिस्कशन अभी सीए फाइनल लेवल पे नहीं, हाँ सीएमए और सीएस के स्टूडेंट हो गए तो उनके लिए सेपरेट लेक्चर है, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अब आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। निशा, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग के वक्त रेट क्या होगा? तो ये जो आप सेकंड बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस दिन का रेट लिया जाएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रवि का एक क्वेश्चन है कि सर क्या हमें वेयर हाउसिंग चार्जेस देने पड़ते हैं? वो तो देने पड़ते हैं, ये फैसिलिटी है आपको ओके। यहाँ कस्टम डिपार्टमेंट कोई फ्री एक्टिविटी नहीं करता है, ये फैसिलिटी है और ये फैसिलिटी में आपको अपने चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे सुरेश का क्वेश्चन है, सर ऑन टू और इन टू, ये अब बेटा वो मुझे नहीं पता क्या ऑन टू क्यों नहीं नाम रखा, आप बस इतना कि इन टू बॉन्ड बिल ऑफ, ऑन टू नहीं इन टू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और यहाँ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ऐसे दो नाम दिए गए हैं। चलो ये हमने बेसिक डिस्कशन किया वेयर हाउसिंग का, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। डायग्राम में फटाफट लिख लो जो भी मैंने लिखा है, चलो लिख लो फटाफट डायग्राम में। चलिए आ जाते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो ये हमने देखा यहाँ पे वेयर हाउसिंग कंसेप्ट, ये आपने रीड कर लेना बेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे होगा और वो डेफिनेशन है इंपोर्टेड गुड्स। देखो ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमने देखा इंपोर्ट यानी क्या क्या होता है बेटा, इंपोर्ट यानी ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब मैं आपको ये देखा सेक्शन 223 में, और ये मैं रिवाइज करते जाऊँगा। अभी अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा या ग्रिप नहीं आ रही होगी, समझ में आ रहा है पर ग्रिप नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, मैं कंटिन्यूस रिवाइज करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इम्पोर्ट और सेक्शन 225 जो है इम्पोर्टेड गुड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओके आपको मेरे साथ इस डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। इम्पोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन देखो क्या दी गई है। इम्पोर्टेड गुड्स मीन्स गुड्स एनी गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इम्पोर्टेड गुड्स का एकदम सिंपल डेफिनेशन मत लिखना। इम्पोर्टेड गुड्स मीन्स गुड्स विच आर इम्पोर्टेड, दूंगा दो खींच के, ओके प्यार से बोल रहा हूँ बेटा, ऐसे नहीं देना। ओके ये बहुत टेक्निकल वर्ड लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में आपको। इम्पोर्टेड गुड्स मतलब गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ओके तो टेरिटोरियल वाटर के बाहर से आप जो भी कुछ लाओगे वो इंडिया में जब लाओगे तो उसे इंपोर्टेड गुड्स माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। पर ये सेकंड वाला पार्ट जो है ओके ये समझना बहुत जरूरी है। सर आप ये डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहे हो? बताता हूँ, ये डेफिनेशन मैं बेटा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत से सेक्शन में ये वर्ड यूज किया गया है इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स मीन्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस क्या आउटसाइड इंडिया, ये लिया गया बट डज नॉट इंक्लूड्स, ये वाला पार्ट बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो सेकेंड वाला पार्ट क्या कहता है, बट डज नॉट इंक्लूड द गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। यानी अगर कोई गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो गया, आई रिपीट कोई गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो गया तो वो इंपोर्टेड गुड्स माना नहीं जाएगा। अब होम कंजम्पशन के लिए कब क्लियर होगा बेटा गुड्स, जब आपने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी दे दी, कस्टम ड्यूटी दे दी, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी दे दी तो कस्टम ड्यूटी जो है पे करने के बाद आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाती है और इंडिया में क्लियर हो जाता है। तो एक बार गुड्स इंडिया में क्लियर हो गया तो अब वो इंडिया का पार्ट बन गया है, अब वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहा जाएगा। एक केस स्टडी से इसको समझाना चाहूँगा। देखो क्या हुआ बेटा, आगे सेक्शन 13, 22, 23 इसमें बेनिफिट्स है। अगर आपका गुड डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपका इंपोर्टेड गुड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंपोर्टेड गुड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कस्टम ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हुआ यूँ बेटा, हुआ यूँ कि मुंबई पोर्ट पे, यहाँ पे जेएनपीटी पोर्ट पे गुड्स लाया, लैंड हुआ और इंपोर्टर ने उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, और इंपोर्टर ने उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, कस्टम ड्यूटी भी पे कर दिया, क्लियरेंस ऑर्डर भी ले लिया और वो गुड्स हार्बर गेट से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। फिर मुंबई पुणे हाईवे पे वो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जस्ट एक घंटे बाद वो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, पूरा गुड डिस्ट्रॉय हो गया। अब इंपोर्टर अभी अभी उसने करोड़्स का ड्यूटी पे किया था, जस्ट ओके एक घंटे पहले करोड़्स का ड्यूटी पे करके उसने क्लियर किया था और पूरा का पूरा गुड्स अब डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसने क्या किया, कस्टम डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कहा कि भाई गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो मुझे उसका रिफंड चाहिए। तो क्या उसे रिफंड मिलेगा? आपके आंसर का जवाब मैं वेट करूंगा। क्या उसे रिफंड मिलेगा बेटा, यस और नो? क्लियर हो गया था और हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था, क्या उसे रिफंड मिलेगा? करेक्ट। ओके यहाँ पे मनीष मोनी नो, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहे। सेक्शन 23 में जो बेनिफिट है वो ओनली इंपोर्टेड गुड्स पे है और वो इंपोर्टेड गुड्स क्यों नहीं रहे, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स क्लियर कहता है कि इंपोर्टेड गुड्स में वो गुड्स नहीं आएंगे जो क्लियर हो गए फॉर होम कंजम्पशन, इसलिए उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा बेटा। तो ये डेफिनेशन थी इंपोर्टेड गुड्स की, ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है इंपोर्टर, सेक्शन 226। इंपोर्टर की डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। ये इंपोर्टर की डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आगे सेक्शन में ये बताओगा कि लायबिलिटी टू पे कस्टम ड्यूटी एंड टू फाइल बिल ऑफ एंट्री, यानी बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा, कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा। तो ये लायबिलिटी जो आती है बेटा ये इंपोर्टर पे आती है। कम ऑन, ये लायबिलिटी किसके ऊपर आती है, इंपोर्टर पे आती है। तो इंपोर्टर मतलब कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाती है कि इंपोर्टर यानी कौन। तो ये डेफिनेशन भी आपको ओके थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। अब देखो 20 मार्क्स के लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि एमसीक्यू निकल जाते हैं 6-7 मार्क के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकल जाता है 8 से 10 मार्क का। फिर ये लर्न होती है तो अच्छी बात, नहीं तो लीव इट। मैं कस्टम पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से आएगी, लेकिन बात वही है बेटा कि जब 20 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं ना तो 20 मार्क के लिए ऐसा लगता है कि यार एमसीक्यू निकल गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकल गया, बाकी 7-8 मार्क की थ्योरी है। तो थ्योरी के लिए आपको बहुत अच्छे से क्या पढ़ के जाना है वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन कंसेप्चुअली ये अच्छे से पढ़ लो। ओके, फ्रिक्वेंट रिवीजन रखो बेटा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आपके मार्क्स नहीं कट होने चाहिए, क्योंकि बेटा जीएसटी का 75 मार्क्स और कस्टम में अगर आपने आउट ऑफ 20 15 मार्क्स भी ले लिए हैं तो मेरी गारंटी क्या अब वो 70 जाते हो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट कस्टम्स ऑप्शन में रखते हैं, ओके, या कस्टम आखिरी में पढ़ते नहीं है, इसलिए तो मैं पढ़ाने के लिए पहले कस्टम ले लेता हूँ, क्योंकि क्या है अभी आपका इंथो है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो बेटा, तो इसलिए मैं कस्टम ले रहा हूं। तो चलो पहले अब मैं इंपोर्टर की डेफिनेशन ले लेता हूं। यहां देखिए, importer in relation to any time between their importation and the time when they are cleared for home consumption। यानी importer कौन, तो पहले उन्होंने टाइमिंग दिया है, यानी उनके टाइमिंग फिक्स है, इस टाइम में ही importer का आप स्टेटस ले सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, किस टाइम में, एनी टाइम बिटवीन देयर इंपोर्टेशन। मुझे बताओ इंपोर्टेशन कब स्टार्ट होता है, जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होता है। तो यहाँ पे जब बिटवीन देयर इंपोर्टेशन मतलब क्रॉसिंग द टेरिटोरियल वाटर, क्रॉसिंग द टेरिटोरियल वाटर एंड द टाइम व्हेन दे आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, यानी जब तक वो क्लियर नहीं होता है, तो टेरिटोरियल वाटर से लेके तो जब तक गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं होता है, इसी टाइम में वो इंपोर्टर डिसाइड करेंगे, इसी टाइम में ये डिसाइड करेंगे कि किसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी कस्टम ड्यूटी की और कौन बिल ऑफ एंट्री देगा। तो ये टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सा टाइम फैक्टर, फ्रॉम देयर इंपोर्टेशन टिल द गुड्स आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन एनी ओनर, यानी इस टाइम के पीरियड में कोई ओनर होगा या बेनिफिशियल ओनर होगा या एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द इंपोर्टर, या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट हो गया जो अपने आप को बता रहा है कि मैं इंपोर्टर हूँ, यानी जो रियल ओनर होगा या कोई बेनिफिशियल ओनर होगा या कोई ऐसा पर्सन जो बता रहा है कि मैं ओनर हूँ। ओके, यहाँ पे उसे इंपोर्टर माना जाएगा और आगे मैं जो सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ वो सब लायबिलिटी उस इंपोर्टर पे आने वाली है। तो एक बार फिर से, टाइमिंग क्या है, कम ऑन टाइमिंग क्या है, तो कोई भी गुड्स का इंपोर्टर, यानी गुड्स यानी क्या बेटा, गुड्स यानी क्या, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर, बैगेज, करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ याद है, कोई भी गुड्स जो सेक्शन 222 में डिफाइंड हुआ है वो ओके टाइमिंग है फ्रॉम देयर इंपोर्टेशन टिल द गुड्स आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, ओनर, बेनिफिशियल ओनर और एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द ओनर। मतलब टेरिटोरियल वाटर से लेके, ध्यान से देखना यहाँ पे, टेरिटोरियल वाटर से लेके क्लियरेंस तक, यानी ये टेरिटोरियल वाटर से लेके जब तक गुड्स क्लियर नहीं होता है तब तक ओके इंपोर्टर कौन, तो ओनर या पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ एज ओनर और बेनिफिशियल ओनर, और बेनिफिशियल ओनर इस टाइम पीरियड में जो बेनिफिशियल ओनर रहेगा। ठीक है, तो अब बेटा मैं आपको यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर का डेफिनेशन नीचे दिया है। मीन्स अ पर्सन on whose behalf goods are being imported or exported or whose exercise the effective control over the goods being imported or exported। मतलब okay बेनिफिशियल ओनर मतलब कभी कभी क्या होता है, मेन कंपनी के बिहाफ पे सब्सिडरी कंपनी क्लियरेंस करती है, तो यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी इंपोर्टर नहीं मानी जाएगी, जिसके बिहाफ पे वो क्लियर कर रही है यानी मेन कंपनी, वो बेनिफिशियल ओनर इंपोर्टर माना जाएगा। ठीक है, और एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द इंपोर्टर मतलब कस्टम ब्रोकर होते हैं, कस्टम एजेंट्स होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, तो वो जो है वो यहाँ पे अपने आप को इंपोर्टर कह सकते हैं। अब मैं एक केस स्टडी लेता हूँ। केस स्टडी बेटा ऐसी है कि गुड्स जब यहां से निकला, ध्यान से सुनना, जब गुड्स यहां से निकला तो मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया था, मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया था XYZ को, XYZ फॉरेन इंडस्ट्री, और ए ने ऑर्डर दिया था, तो पहला ऑर्डर ए ने दिया। लेकिन जब गुड्स हाई सी पे था, आई रिपीट टेरिटोरियल वाटर आने के पहले हाई सी पे था, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल कर दिया, टाइटल सब ट्रांसफर कर दिए, हाई सी सेल हो गया, हाई सी सेल हो गया और मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब बेटा यहां पे जब गुड्स इंडियन टेरिटरी में आया तो ए के पास ओनरशिप टाइटल नहीं थे। ठीक है, ओरिजिनल ओनर ए था पर ए के पास ओनरशिप टाइटल नहीं थे क्योंकि हाई सी सेल, ट्रांजिट सेल हो गया। तो जब तो इसलिए टाइमिंग फिक्स किया है, गवर्नमेंट कहती है हमें ये हमें उससे लेना देना नहीं कि पहले कौन ओनर था, हमें यह भी लेना देना नहीं है कि क्लियरेंस के बाद कौन ओनर रहेगा, हमें इस टाइमिंग में देखना है कि इंपोर्टेशन से देखे टिल क्लियरेंस तक कौन यहाँ पे अपने आप को ओनर कहता है या कौन यहाँ बेनिफिशियल ओनर होगा। तो ऐसे केस में मिस्टर बी जो है वो रियल ओनर नहीं है, पर ही होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी ओनर। क्यों वो अपने आप को ओनर दर्शा रहा है? क्योंकि उसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसे केस में बी को इंपोर्टर माना जाएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में, आई रिपीट, इस टाइम पीरियड में ओनरशिप किसके पास थी बेटा? बी के पास थी। तो ये हमने डेफिनेशन देखा इंपोर्टर का। आई होप आप ये समझे होंगे। ओके, कंसेप्ट ऑफ इंपोर्टर आया बेटा समझ में? बोलिए फटाफट, हाँ बोलिए फटाफट, हाँ मैं आपका वेट कर रहा हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब तक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोतल ही नहीं है यहाँ पे। आया क्या समझ में? इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन, इंपोर्टर की डेफिनेशन। गुड मनीष, मनीष यार तुम बड़े एक्टिव हो, मज़ा आता है। गुड निशा, रवि। चलो अब इंडियन कस्टम वाटर, और ये आज पढ़ना, मैं घर इमीडिएट पढ़ना घर पे, तो ये वर्ड्स पे ग्रिप आएगी और कस्टम आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ओके देखो, इंडिया सेक्शन 227 और यहाँ सेक्शन 228, सेक्शन 228 इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन कस्टम वाटर। ये दो डेफिनेशन में क्या फर्क है? इंडिया जो है वो टेरिटोरियल वाटर तक है, ध्यान से सुनो। ओके, इंडिया जो है वो टेरिटोरियल वाटर में है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है रवि कि सर आप घर पे हो या स्टूडियो में हो? अभी तो बेटा मेरा ऑफिस में जो स्टूडियो है वहाँ पे हो, फिर जब मैं आगे के लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि पहले 3 लेक्चर मैं आपको YouTube लाइव पे दे रहा हूँ, पर आगे के लेक्चर जब मैं करूँगा तो वो तो फिर घर के स्टूडियो पे कर लूँगा। तो ध्यान दो आप, फालतू क्वेश्चन मत पूछो रवि, ठीक है? तो सेक्शन 227 इंडिया टेरिटोरियल वाटर, और उसके बाद में इंडियन कस्टम वाटर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडिया और इंडियन कस्टम वाटर? देखो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कस्टम्स की लेवी डिसाइड करने के लिए टेरिटोरियल वाटर, लेकिन कस्टम्स की पावर जो है वो 200 नॉटिकल माइल है, और ये 200 नॉटिकल माइल है इंडियन कस्टम वाटर। इसको कहा जाता है, बोलो मेरे साथ एक बार, इंडियन कस्टम वाटर। मतलब क्या? मतलब अगर कोई शिप स्मगलिंग करके जा रही है तो हमारा कस्टम ऑफिसर उसको रोक सकता है, शूट कर सकता है, फायर कर सकता है, तो उसके पीछे लग सकता है। और वो कहाँ तक? इंडियन कस्टम वाटर तक, यानी यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक उसके पीछे लगता है। तो इंडियन कस्टम वाटर का डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस बस इतना ही है बेटा कि कस्टम ऑफिसर की पावर कहां तक चल सकती है। तो कस्टम ऑफिसर की पावर 200 नॉटिकल माइल्स तक चल सकती है, लेकिन ये सिर्फ पावर के लिए है। अगर हमें ये डिसाइड करना है कि लेवी कब आएगी, तो लेवी बेटा जब इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा तभी आएगी। मतलब गुड्स अगर यहां पे है तो अभी लायबिलिटी में नहीं है, गुड्स यहां पे अगर लायबिलिटी में नहीं है, जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा उस दिन लायबिलिटी आएगी। लेकिन अगर कोई स्मगलिंग का क्लू मिल जाता है, पता चलता है कि कोई स्मगलिंग के ले जा रहा है, तो हमारा ऑफिसर 200 नॉटिकल माइल तक उसको फॉलो कर सकता है। उसके बाद में तो हाई सी है बेटा, उसके बाद में तो सवाल ही नहीं आता है। तो यहां पे देखो इंडियन कस्टम वाटर का रिलेवेंस आपको लिखना है। तो पावर ऑफ ऑफिसर्स एक्सटेंडेड अप टू इंडियन कस्टम वाटर, यहां लिख दो पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर extended up to Indian custom water, okay, power of custom officer extended up to Indian custom water, ठीक है? तो देखो मींस क्या? मींस वाटर एक्सटेंडेड इनटू सी अप टू लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक वो लिमिट जा रही है, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक जा रही है। of Section 7 of Territorial Water, Continental Shelf and Exclusive Economic Zone and Maritime Zone Act. अब ये बहुत बड़ा टाइटल है, टाइटल है Territorial Water, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Maritime Zone Act, लेकिन आपको शॉर्ट में रखना याद रखना है Maritime Zone Act. यानी Maritime Zone Act के Section 7 के तहत जो Exclusive Economic Zone डिफाइन किया 200 नॉटिकल माइल्स, वहाँ तक इंडियन कस्टम वाटर माना जाएगा. ठीक है. एंड इंक्लूड्स, ये वाला पार्ट देखो, एंड इंक्लूड्स बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर. मतलब कभी कभी क्या है बेटा, सी का वाटर ऐसे अंदर आ जाता है और सी बन जाती है या गल्फ बन जाता है या टाइडल रिवर बन जाती है. ठीक है. तो अब देखो जहाँ तक है भाई सी वाटर में 200 तक, लेकिन कभी कभी कुछ पानी ज़मीन पे आ जाता है. ओके. और गोवा में देखो तो या बॉम्बे में देखो तो गल्फ बन जाता है या फिर बे बन जाता है, बे ऑफ बंगाल अगर आपको याद होगा तो, या क्रीक या टाइडल रिवर बन जाती है. तो ये जो वाटर है ये भी इंडियन कस्टम वाटर माना जाएगा. मतलब यहाँ अगर कोई स्मगलिंग हो रही है छुपके तो यहाँ मुंबई पुलिस का ओके कंट्रोल नहीं होगा. आई रिपीट, मुंबई पुलिस का कंट्रोल नहीं होगा. यहाँ पर इंडियन कस्टम वाटर ही कहा जाएगा और यहाँ कस्टम ऑफिसर ही उसका चार्ज ले सकते हैं. यानी मुंबई पुलिस आ गए भाई कुछ पैसा खाने मिल जाएगा स्मगलर वालों से, ऐसा नहीं. ये इंडियन कस्टम वाटर है ओके, और ये टाइडल, गल्फ, हार्बर, क्रीक या रिवर होगा तो वो केस में कस्टम ऑफिसर ही उसके ऊपर एक्शन लेंगे. तो दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है, ये बाहर वाला एरिया है और सी का कुछ एरिया अगर अंदर आ जाता है तो वो बे बन जाता है, गल्फ या हार्बर या क्रीक या टाइडल रिवर बन जाती है, तो वो भी इंडियन कस्टम वाटर ही माना जाएगा. ठीक है बेटा. तो ये था रिगार्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंडियन कस्टम वाटर. तो देखो फटाफट यहाँ पे, चलो फटाफट इधर ध्यान दो, हमने क्या क्या देखा. हमने देखा इम्पोर्ट, इम्पोर्टेड गुड्स और इम्पोर्टर. आपके सवाल बाद में लूँगा ओके, इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टर. चलो अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं एक्सपोर्ट पे. चलो बस 10-15 मिनट हो गया, बस 10-15 मिनट, आँखें बंद करो, हो गया बेटा. हाँ ठीक है. बचपन में कभी इंजेक्शन लिया आपने, डॉक्टर कहता है ना आंखें बंद करो, हो गया. तो बस इतना ख़त्म करते हैं और फिर ये चैप्टर भी यहाँ ख़त्म हो जाएगा. एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का डेफिनेशन जैसा टैक्सेबल इवेंट. अब मैं आपको थोड़ा एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा. देखो कस्टम ड्यूटी सिर्फ इम्पोर्टेड गुड्स पे नहीं आती है, एक्सपोर्ट गुड्स पे भी कस्टम ड्यूटी आती है. मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर भी लेवी है. चलो पर सर आपको नहीं लगता कि एक्सपोर्ट गुड्स पर उन्होंने कस्टम ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है कि भाई आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट के लिए इतनी सारी इंसेंटिव स्कीम है, जीएसटी में है, कस्टम्स में है, पहले एक्साइज में थी. तो सर एक तरफ कहती है एक्सपोर्ट करो और दूसरा सेक्शन 12 के तहत लेवी एक्सपोर्टेड गुड्स पे भी है, लेवी एक्सपोर्टेड गुड्स पे भी है. तो आपको नहीं लगता सर ये गलत है कि एक्सपोर्ट गुड्स पे ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए? मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, एक्सपोर्ट गुड्स पे ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन बेटा उन्होंने लगाई है. क्यों लगाई है? क्योंकि आगे जब कस्टम टैरिफ एक्ट पड़ा होगा तो कस्टम टैरिफ एक्ट में 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 फॉर इम्पोर्टेड गुड्स एंड सेकेंड शेड्यूल फॉर एक्सपोर्ट गुड्स. यानी शेड्यूल 1 जो बनाया गया कस्टम टैरिफ में, उसमें सभी इम्पोर्टेड गुड्स की लिस्ट दी है और उसके कस्टम ड्यूटी रेट दी है, और शेड्यूल 2 बनाया गया एक्सपोर्ट गुड्स के लिए जिसमें एक्सपोर्ट गुड्स पर ड्यूटी लगाई गई है. ठीक है. तो इम्पोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स, लेकिन शेड्यूल 2 में गिने चुने उन्होंने 40 गुड्स दिए, 40-50 गुड्स अप्रोक्सीमेटली दिए जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी आती है. उसमें क्योंकि बहुत से गुड्स एग्जम्प्ट है, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी सभी गुड्स पे नहीं आती है, लिमिटेड गुड्स पे आती है. इम्पोर्ट ड्यूटी तो बेटा मिट्टी भी लाओगे तो भी इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसको वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है. लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी जब इंडिया से आप एक्सपोर्ट करते हो तो गिने चुने गुड्स दिए हैं जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, बाकी गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है. जैसा लेदर है ओके, लेदर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, आयरन स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये गुड्स अगर इंडिया से जाए तो हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे. लेदर को क्यों प्रमोट करें भाई? ओके, आयरन एंड स्टील ऐसे, ये ऑलरेडी इंडिया में स्कैरसिटी है इनकी, इंडिया में कमी है इनकी, और अगर इनको एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों करें? तो ऐसे कुछ गिने चुने गुड्स पे उन्होंने यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है. तो चलो भाई, अब जितने भी गिने चुने गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है बेटा, जितने भी ओके गिने चुने गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, पर उसका टैक्सेबल इवेंट क्या, कब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी? तो हम अगर डेफिनेशन देखें, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 218 में है. ओके एक्सपोर्ट की डेफिनेशन मैं कल रिवाइज करूंगा, डरना मत ओके, पर आपने पढ़ना, अच्छे से पढ़ना इसको आज. तो एक्सपोर्ट मतलब टर्म विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन इज डिफाइंड टू मीन, इतना ही अंडरलाइन करो, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. इंपोर्ट मतलब क्या, ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया और यहाँ पे टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या, इंडिया की डेफिनेशन वही, जब भी कोई डेफिनेशन सेक्शन 2 में डिफाइंड है मतलब पूरे एक्ट के लिए है, तो इंडिया की डेफिनेशन टेरिटोरियल वाटर। मतलब कब आप एक्सपोर्ट करोगे, ओके टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, इंडिया कहां तक है टेरिटोरियल वाटर, तो टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। यानी एक्सपोर्ट कब बोला जाएगा, एक्सपोर्ट कब बोला जाएगा जब गुटा यहाँ पे ओके जैसे ही इंडिया से गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया, सुनना, जैसे ही इंडिया से गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया तो ये क्रॉस करते ही गुड्स एक्सपोर्ट माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि वो फॉरेन पोर्ट पे गया तब एक्सपोर्ट, ओके फॉरेन या फॉरेन कंट्री तक पहुंचा तो एक्सपोर्ट, नहीं। हमारे इंडिया के हिसाब से कस्टम लॉ के हिसाब से एक्सपोर्ट तब बोला जाएगा जैसे उसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया, गुड्स आर सेड टू बी एक्सपोर्टेड। अब बेटा एक कंसेप्ट जो है मैं पिक्चर में लाना चाहूंगा, और वो क्या कंसेप्ट है देखो। जैसा मैंने कहा था कि कस्टम टैरिफ एक्ट में दो शेड्यूल है, शेड्यूल वन, शेड्यूल टू। शेड्यूल वन फॉर इंपोर्टेड गुड्स, सेकंड शेड्यूल फॉर एक्सपोर्ट गुड्स। एक्सपोर्ट गुड्स पे जो इसमें 30-40 गुड्स हैं मुश्किल से जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूँ तो लगेज लेदर, हाइड स्किन या स्नेक स्किन, स्टील प्रोडक्ट, आयरन ओर्स वगैरह ऐसे कुछ गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगाई है। ठीक है, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब बेटा मैं आपके सामने एक केस स्टडी लाना चाहूँगा। तो कब गुड्स बोला जाता है एक्सपोर्ट हो गया, गुड्स बोला जाता है एक्सपोर्ट होगा जब वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देता है। जैसे उसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया, गुड्स आर सेड टू बी एक्सपोर्टेड। अब केस स्टडी क्या है, मैं ये केस स्टडी आपके साथ लेना चाहूँगा। देखो पूरी प्रोसेस समझ लो। यहाँ पे जैसे ये बंदा है, ये बंदे को गुड्स एक्सपोर्ट करना है। चलो जस्ट लास्ट 10 मिनट्स हो गया हमारा, ओके फिर मैं रिवाइज करके दूंगा। यहाँ पे ये बंदे को गुड्स एक्सपोर्ट करना है बेटा। ये बंदे को अगर गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो कस्टम डिपार्टमेंट को उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है, और वो एप्लीकेशन का नाम है, ध्यान रखना, वो एप्लीकेशन का नाम है शिपिंग बिल। आई रिपीट, वो एप्लीकेशन का नाम है शिपिंग बिल। इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री और एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल। तो इसको कस्टम डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ता है कि भाई मैं गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, और वो शिपिंग बिल जो है उसको फाइल करनी पड़ती है। शिपिंग बिल फाइल करने के बाद यहाँ पे उसके गुड्स आ गए। अब देखो कस्टम ऑफिसर क्या करता है, कस्टम ऑफिसर शिपिंग बिल फाइल होने के बाद उसके गुड्स असेस करता है, और उसके गुड्स असेस करने के बाद उसका अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, शेड्यूल 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में कवर्ड होगा, कोई लेदर वगैरह होगा तो उसकी ड्यूटी पहले ही कलेक्ट कर लेता है। हाँ, अगर वो शेड्यूल 2 में नहीं होगा तो फिर ड्यूटी कलेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर होगा तो उसकी ड्यूटी कलेक्ट कर लेता है। जब तक सामने वाला बंदा उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देता है, ओके ऑफिसर उसको कन्वेंस में लोडिंग की ऑर्डर देता ही नहीं है। आई रिपीट, कन्वेंस में लोडिंग के ऑर्डर नहीं देता है, मतलब वो कन्वेंस में उसको लोड करने तभी देगा जब शिपिंग बिल फाइल हुई, और शिपिंग बिल फाइल होने के बाद उसका जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट हो गया। ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट हो गया, ठीक है। तो पैसा दे दिया उसको, रेड कलर पे ऑर्डर मिल गई, ऑर्डर ऑफ लोडिंग एंड एक्सपोर्टेशन, जिसको शॉर्ट में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी कहा जाता है। ओके, ध्यान से सुनो, ऑर्डर ऑफ लोडिंग एंड एक्सपोर्टेशन, उसको शॉर्ट में लेट एक्सपोर्ट, चलो एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी कहा जाता है। ओके, ये सब मिलेगा आपको आगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें प्रोसीजर पूरी दी है मैंने, सिर्फ अभी कंसेप्ट समझ लो। तो अब ऐसे सिचुएशन में पैसा मिलने के बाद लोडिंग ऑर्डर मिल जाएगी। अब बेटा लेकिन एक्चुअल एक्सपोर्ट कब होगा मुझे बताओ, जिस दिन लोडिंग ऑर्डर मिली उस दिन एक्सपोर्ट बोला जाएगा, या जब वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा? तो बेटा जब वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा, हाँ जब ये टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा तब एक्चुअली गुड्स पर कहा जाएगा एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में प्रोसीजर यह है कि आपको पहले ही पैसा दे देना पड़ता है। ओके, यानी ऐसा हो जाता है कि ये लेवी तो बाद में होने वाली है, लायबिलिटी तो बाद में आने वाली है, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी तो तब होगी जब एक्सपोर्टेड मतलब जब वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देगा तब वो एक्सपोर्ट होगा, तो लायबिलिटी तो बाद में आने वाली है, लेकिन पैसा पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट चालाक है, ओके, कि गवर्नमेंट जब तक आप एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं दोगे तब तक लोडिंग ऑर्डर ही नहीं देती है, ओके, क्यों? क्योंकि अगर इमेजिन करो आपने ये एक्सपोर्टर ने कहा कि गुड्स को एक्सपोर्ट होने दो मैं पैसा दूंगा, तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि गुड्स टेरिटोरियल वाटर क्रॉस भी हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा और ये पैसा भी नहीं देगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है पहले ही पैसा ले लेती है, ओके, और कलेक्ट कर लेती है, बाद में लोडिंग ऑर्डर देती है। लेकिन एक्चुअली गुड्स कब बोला जाएगा एक्सपोर्ट हुआ? गुड्स तब बोला जाएगा एक्सपोर्ट हुआ जब वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो गया। इज इट क्लियर? इसमें बेटा एक कन्फ्यूजन अराइज हुआ था। कन्फ्यूजन क्या अराइज हुआ था मैं बताता हूँ। जैसे एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने शिपिंग बिल फाइल की और समझ लो उसके गुड्स पे ड्यूटी आती है, तो उसने ड्यूटी भी पे कर दी, आई रिपीट, उसने ड्यूटी भी पे कर दी। और ड्यूटी पे करने के बाद अब वो यहाँ पे लोडिंग ऑर्डर मिल गई, पर लोडिंग ऑर्डर मिलने के बाद टेरिटोरियल वाटर के पहले, सुनना, टेरिटोरियल वाटर के पहले उसके शिप का एक्सीडेंट हो गया, ओके, और वो एक्सीडेंट हो गया और शिप डूब गई, वेसल संक इन द सी, ओके, सब गुड डिस्ट्रॉय हो गए। अभी तक टेरिटोरियल वाटर क्रॉस नहीं हुआ था और सब गुड डिस्ट्रॉय हो गए। तो मेरा सवाल आपसे ये है, फटाफट मुझे आंसर चाहिए, कि उसने तो एक्सपोर्ट ड्यूटी दे दी थी पहले, कम ऑन, एक्सपोर्ट ड्यूटी उसने पहले दे दी थी, पर गुड्स एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं, गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया ही नहीं और वेसल संक हो गया। तो सवाल ये है कि उसने दी हुई एक्सपोर्ट ड्यूटी उसे वापस मिलेगी क्या? फटाफट आंसर दो। क्या उसने दी हुई एक्सपोर्ट ड्यूटी उसे वापस मिलेगी क्या? रिफंड मिलेगा क्या? यस, आयुष कहता है यस, मनीष कहता है यस, रिफंड मिलेगा, कुणाल भी कहता है यस, सब मैक्सिमम यस कह रहे हैं, तो फिर यस ही बोलना पड़ेगा। सही, रिफंड मिलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि इवन दो उसने एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले दे दी होगी पर लेवी हुआ ही नहीं। गुड्स आर सेड टू बी एक्सपोर्टेड व्हेन इट क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, कम ऑन, जब तक वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस नहीं करता है, ओके, तब तक एक्सपोर्ट माना ही नहीं जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे जो है, ओके, इवन दो उसे लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया था, इवन दो उसे लोडिंग ऑर्डर मिल गया था, लेकिन ऑफिसर को उसे पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया ही नहीं, लेवी हुई नहीं, तो उसे रिफंड मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सवाल यह है कि टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट कब आता है? जैसे सुना, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट कब आता है? जिस दिन लोडिंग ऑर्डर मिली, जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया, उस दिन एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सपोर्ट कहा जाएगा, या जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया उस दिन एक्सपोर्ट कहा जाएगा। तो जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया वो टैक्सेबल इवेंट होगा, उस दिन एक्सपोर्ट कहा जाएगा। ये इंपोर्ट का टोटली रिवर्स कंसेप्ट ही है, ये इंपोर्टर का टोटली रिवर्स कंसेप्ट है। इंपोर्टर में, इंपोर्ट के केस में जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ आते वक्त, उस दिन सिर्फ कमेंस कहा जाता है, और जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है उस दिन टैक्सेबल इवेंट आता है। और एक्सपोर्ट केस में उल्टा ही है, सुनना, पूरा उल्टा ही है। जिस दिन शिपिंग बिल फाइल करोगे, पेमेंट करोगे, ऑर्डर मिलेगी, उस दिन एक्सपोर्ट नहीं कहा जाएगा। आपका टैक्सेबल इवेंट कंप्लीट तभी होगा व्हेन इट क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, कम ऑन, व्हेन इट क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर। तो ये दो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है, आई रिपीट, ये दो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है। आपको आई बात समझ में? यस और नो? तो फटाफट बोलो, आई बात समझ में? इंपोर्ट के केस में अप्रोच अलग रखना, बिल ऑफ एंट्री पे टैक्सेबल इवेंट आता है, और यहाँ पे शिपिंग बिल, ये भी एप्लीकेशन ही है, पर यहाँ शिपिंग बिल और ऑर्डर पे नहीं आएगा। यहाँ पे जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा उस दिन आपका एक्सपोर्ट माना जाएगा। इसलिए डेफिनेटली बेटा यहाँ रिफंड मिलेगा, यहाँ रिफंड मिलेगा। हाँ, लेकिन अब मुझे बताओ, यही शिप टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो जाता, ये टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो जाता और बाद में संक हो जाती, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होने के बाद संक हो जाती, तो फिर उसको रिफंड नहीं मिलता, क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो गया है, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो गया है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। तो हमने ये देखा यहाँ पे। चलो मैं नोट्स में आता हूँ। तो यहाँ पे बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। एक्सपोर्ट ऑकर्स, अंडरलाइन, ओनली व्हेन गुड्स क्रॉसेस बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट तभी कहा जाएगा जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा। जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा तभी एक्सपोर्ट कहा जाएगा। और राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स लिमिटेड का केस था कि अगर वेसल संक हो जाता है बिफोर क्रॉसिंग द टेरिटोरियल वाटर तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा और एक्सपोर्ट माना नहीं जाएगा। एक्सपोर्ट तभी माना जाएगा व्हेन इट क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, तो ये टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। उसके बाद में एक्सपोर्ट गुड्स की डेफिनेशन, एनी गुड्स विच आर एक्सपोर्ट गुड्स मतलब एनी गुड्स विच आर टू बी टेकन आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। यानी एक्सपोर्ट गुड्स यानी वो गुड्स बेटा जो इंडिया के बाहर ले जाना है, एक्सपोर्ट गुड्स यानी वो गुड्स जो इंडिया के बाहर ले जाना है उसे एक्सपोर्ट गुड्स कहेंगे। गुड्स विच आर टू बी टेकन टू इंडिया आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया उसे एक्सपोर्ट गुड्स कहेंगे। एक्सपोर्टर की डेफिनेशन भी अगर आप देखोगे तो टाइमिंग दिया है, एनी टाइम बिटवीन देयर एंट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड टाइम व्हेन दे आर एक्सपोर्टेड। एंट्री ऑफ एक्सपोर्ट मतलब शिपिंग बिल, यह एंट्री फॉर एक्सपोर्ट यानी शिपिंग बिल से लेके तो जब तक वो एक्सपोर्ट नहीं होता है, यानी शिपिंग बिल से लेके जब तक वो एक्सपोर्ट नहीं होता है उस टाइम के बीच में एनी ओनर या बेनिफिशियल ओनर या एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ टू बी द ओनर वो एक्सपोर्टर माना जाएगा। एक्सपोर्टर कौन? पहले टाइमिंग, टाइमिंग मतलब शिपिंग बिल जिस दिन फाइल किया टिल, शिपिंग बिल जिस दिन फाइल किया तब से जब तक वो एक्सपोर्ट नहीं होता है इस टाइम के बीच में कोई ओनर होगा या कोई बेनिफिशियल ओनर होगा या कोई पर्सन वो अपने आप को ओनर क्लेम कर रहा होगा तो उसे एक्सपोर्टर कहा जाएगा, उसे एक्सपोर्टर कहा जाएगा। तो चलो लास्ट हमारे चार्ट पे आ जाओ फटाफट और लिख लो ये चार्ट में, बस इसके आगे नहीं पड़ा होगा इतना लिख लो। ओके, इंपोर्टेड गुड्स का तो हमारा हो गया, अब एक्सपोर्टेड गुड्स फ्रॉम इंडिया, चलो लिखो ये चार्ट में लिखो बेटा। सेक्शन 218 एक्सपोर्ट, लिखो टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, केस स्टडी यहाँ पे मैं लूँगा। और केस स्टडी में लिखो राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग लिमिटेड। लिखो एक्सपोर्ट occurs only when it crosses beyond the territorial water. It crosses beyond the territorial water. Export occurs only when it crosses beyond the territorial water. यस, यहाँ मैं अपना डिस्कशन आज रोकता हूँ, घर पे पढ़ो, कल मैं बहुत अच्छे से आपको और रिवाइज करके दूंगा। आपके क्या डाउट है बताओ। यस खुशी बताओ आपका क्या डाउट है, एक बार फिर से पेस्ट करो। चलो फटाफट, आपके कोई डाउट्स हो गए तो आप पूछ सकते हो। कैसा लगा लेक्चर बेटा आज का, मज़ा आया आपको, एंजॉय किया आपने? Sir, if goods are purchased by a holding company in foreign country but are imported in India by subsidiary company, then on whom how it liable to arise? तो ऐसे केस में बेटा अगर सब्सिडरी कंपनी अपने आप को इम्पोर्टर ट्रीट कर रही होगी तो वो जिसके ऊपर टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि कैसे डिसाइड होता है कि टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसके पास है, तो वो सिचुएशन में उसको इम्पोर्टर माना जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट में आपको लिखना पड़ता है कि आप रियल ओनर हो या बेनिफिशियल ओनर हो, तो उसके हिसाब से इम्पोर्टर माना जाएगा। चलो, थैंक यू मोनी, निश्चल, मज़ा आया लेक्चर में। ऐसे ही पूरा कस्टम हम एनिमेशन में देखेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करोगे। चलो बढ़िया, तो यहाँ रुकते हैं, कल हम इसको रिवाइज करेंगे पूरा, और कल का चैप्टर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ भी आए कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है? तो चलो बाय, अपना पूरा ख्याल रखना, ठीक है?